लाइव है हेलो 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 नमस्कार 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 हाय एवरीबॉडी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाय एवरीवन नमस्कार नमस्कार क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम हाय एवरीबॉडी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल माय सपोला आर्मी इन द हाउस जल्दी से बता दो पहले ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बच्चा बाड़ी? एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल आज सुबह एक शॉर्ट गया था जिसमें मैंने आपको बोला था शाम में फटाफट से आ जाना फ्रॉग और कॉक्रोच आपका इंतजार कर रहे हैं तो यार तुम लोग कितने फनी फनी कॉमेंट करते हो हाँ हाँ मैम आर्मी एकदम तैयार है फ्रॉग का विनाश करने के लिए हाँ चलो बहुत बढ़िया ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या ऑल गुड अर्जुना के बच्चे आए हुए हैं चलो बहुत अच्छी बात है आई थिंक Everything is इज all ऑल गोइंग वेल ठीक है ये कहां से दिखेंगे मुझे नहीं वो नहीं होता आई थिंक बेटा एक सेकंड टाइम देना मेरे को. यस yes. चलो बहुत बढ़िया बेटा आज हमें फटाफट -फड़ से बेटा बिना बात किए ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बेटा आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉग और हमारा टॉपिक है कॉकरोच जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था हम्म शुरू करें चलो बढ़िया से बेटा मैम मा, जैसे गर्म पानी लेके बैठती है तुम भी गर्म पानी लेके बैठो नहीं तो चाय लेके बैठो पर जो भी लेके बैठो बेटा दिमाग यहीं लेके बैठो क्योंकि फुल अटेंशन होना चाहिए लेक्चर पर जैसे कि हमने मैंने पिछले क्लास के भी कॉमेंट्स तुम लोगों के पढ़े थे मैं हमेशा कॉमेंट्स आप लोगों के पढ़ती हूँ और जैसा कि कमेंट्स से मुझे ये पता चला था और ये सेम चीज मैं अपने क्लासेस जो हमारे बैचेस होते हैं पेड बैचेस उसमें भी करती हूँ तो मुझे वहां से भी बच्चों का यही फीडबैक मिलता है कि उनको समाप्ति एक्सप्रेस बहुत अच्छा लगता है अगर कोई नया बच्चा ज्वाइन किया है तो उसको नहीं पता होगा समाप्ति एक्सप्रेस क्या है बट बाकी जिन भी लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का पहला लेक्चर देखा है बेटा जो इसी चैनल पे है एनिमल टिश्यू का तो वहां पे आप लोगों को पता होगा समाप्ति एक्सप्रेस क्या होता है जब हम कोई भी बेटा तीन चार टॉपिक्स एक साथ में कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम उसका क्विक रिविजन करते हैं हालांकि ये वन शॉट है बट वन शॉट के अंदर भी बेटा हम फास्ट रिविजन कर सकते हैं अगर कोई भी चीज हम पढ़ लेते हैं उसके बाद फास्ट रिविजन करते हैं तो वही चीज हम आज की क्लास में भी फॉलो करेंगे ठीक है बिकॉज यू ऑल लव इट एंड ऑफकोर्स वो बहुत ही बेटा देखो अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हो सारे टॉपिक को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो अच्छी तरीके से ना

आज हमें पढ़ना है फ्रॉग एंड कॉकरोच जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कंटेंट हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल एनसीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड से बेस यानी कि बिल्कुल नीट लेवल का कंटेंट पढ़ेंगे फ्रॉग इसी साल ऐड हुआ है और बेटा पहले फ्रॉग के बगल में इंसेक्ट दिया हुआ था एनएमसी के सिलेबस में बट फिर जो उनका रीसेंट अपडेट आया है उन्होंने ये बोल दिया है कि फ्रॉग को अलग और इंसेक्ट को अलग अलग रीड किया जाए और एक ही इकलौता बेटा प्यारा इंसेक्ट हमारा दिया हुआ है हमारा प्रिय कॉकरोच तो बेटा बिना टाइम की बर्बादी किए हुए हम सबसे पहले फ्रॉग से शुरू करेंगे और मैं आपको बताऊं बेटा फ्रॉग हो या कॉकरोच दोनों ही काफी आसान है फ्रॉग हो या कॉकरोच दोनों ही बहुत ईजी है पहले फ्रॉग को कवर कर रहे हैं फ्रॉग कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा भी है एंड इसमें आपको काफी कुछ ना ह्यूमन से मैच करता हुआ दिखेगा कारण क्या है अभी आपको पता चलेगा व्हाट इज द रीजन बट कॉकरोच इज आल्सो सुपर इजी ठीक है तो मेरी सपोल आर्मी बिल्कुल रेडी है हम सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं फ्रॉग से ठीक एक, एक है।, है इसका अगला चैप्टर आई थिंक एनिमल किंगडम ही है तो हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे बट अभी तो हमने एनिमल किंगडम पढ़ा नहीं है बट बेटा मैं मैं उम्मीद करती हूँ शायद तुम लोगों ने नाइन्थ या टेंथ क्लास में थोड़ा बहुत एनिमल किंगडम थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा और अगर किसी ने कोई लक्ष्य का है अर्जुना का है, यकीन का है उन्होंने एक एक बार तो एनिमल किंगडम जरूर पढ़ा है यहां एक चीज कही गई है जो हम अभी लिखेंगे बेटा मेरे साथ साथ में आप नोट्स बनाओगे क्योंकि मैं खुद क्लास में लिखवाती हूं तो आप मेरे साथ साथ में नोट्स बनाएंगे और मैंने हमेशा से आपको कहा बेटा ये वो टाइम है जहां सिर्फ छापना छापने पे फोकस नहीं करना है यहां पे फोकस करना है चीजें जो है क्लास में नाइन्टी चीजें क्लास में याद होनी चाहिए लेकिन आप मेरे साथ साथ में बेटा हम फ्लो चार्ट में नोट बनाएंगे तो बहुत पोथियां नहीं लिखेंगे और डायग्राम्स बनाएंगे तो फटाफट पड़ से हाथ चलाना है और बेटा दिमाग भी चलाना है ठीक है आप अगर एनसीआर टी की लाइन पढ़ो तो एनसीआर कहती है कि फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वॉटर बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉडेटा मैं इसी बात को थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना चाहती हूं और बोला है कि मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया दैट इज राना टिग्रीना थोड़ा सा इस पे बेटा ध्यान देते हैं पहले थोड़ा बेसिक्स करते हैं पहले थोड़ा बेसिक करते हैं बेटा मैं कह रही हूं कि अगर मैं फ्रॉग की बात करूं अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग का मैं क्लासिफिकेशन आपको बताना चाह रही हूं हालांकि तुमने एनिमल किंगडम अभी इस चैनल पे तो नहीं पढ़ा है बट तुमने कही कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अगर मैं फ्रॉग की क्लासिफिकेशन की बात करूं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों तो ये किस ये किस किस फाइलम फाइलम से बिलोंग करता है से बिलोंग करता है अगर किसी को आंसर पता है तो आप आंसर भी दे सकते हैं और ये आपकी बिल्कुल एनसीआरटी का कंटेंट है हंड्रेड परसेंट एनसीआरटी एनिमल किंगडम फ़ाइलम कॉर्डेटा कौन से सब फाइलम से बिलोंग करता है कौन से सब फाइलम से बिलोंग करता है प्यारे बच्चों कौन से सब फाइलम से बिलोंग करता है मैम वर्टी कौन से सब फाइलम से बिलोंग करता है मैम वर्टी फिर अगर मैं आपसे पूछू मैम कौन सा डिवीजन है इसका तो आप कहोगे बिल्कुल एनिमल किंगडम में दिया हुआ है बिल्कुल एनिमल किंगडम में दिया हुआ है ये बिलोंग करता है हर एक का कारण मैं आपको यहां पे बता दूंगी और एनिमल किंगडम में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो डिटेल में और डिस्कस करूंगी एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी तो और डिटेल में डिस्कस करूंगी ठीक है डिविजन गिनाथोस्टोमेटा और अगर मैं बात करू मैम ये कौन सी सुपर क्लास से बिलोंग करता है कौन सी सुपर क्लास से बिलोंग करता है तो आप क्या बोलोगे बेटा सुपर क्लास कौन सी है टेट्रापोडा सुपर क्लास कौन सी है टेट्रापोडा और अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है तो आप कहोगे मैम एम्फीबिया नाउ लेट मी डिस्क्राइब दिस टू यू थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको ना आपको डिस्क्राइब करती हूँ बेटा ये मैंने ना हाई आरकी लिखी हुई है ये मैंने हाई की लिखी हुई है जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं तुम, पूछू, तुम का, किस क्लास से बिलोंग करते हो तो तुम कहोगे कि मैम मैं क्लास मैमिलिया से बिलोंग करता हूं

फिलहाल आपको इसमें से बेटा एक चीज पे फोकस करने की जरूरत है और वो चीज है एम्फीबिया क्लास एम्फीबिया वेरी इंपॉर्टेंट जैसे तुम सारे रेप्टिलियंस हो मतलब अगर मैं तुम्हें सपोला बोलू तो रेप्टिलियंस हो वैसे तो तुम मैमल्स हो बेटा ठीक है हो ना डाउट मत करना अपने ऊपर मैं बोल रही हूं कि मैम फ्रॉग जो है ना ये जो होता है ये क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है और मैम एम्फीबिया को अगर मैं मैम ध्यान से देखूं तो एम्फी में मैम एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल और बिया वर्ड बायोस मतलब कि लाइफ दे हैव अ ड्यूअल लाइफ ड्यूअल लाइफ दोहरी जिंदगी मैम एक्चुअल में ये पानी में भी रह सकते हैं और ये लैंड में भी रह सकते हैं टेरिस्ट्रियल भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं राइट बच्चा बाटी राइट right? बेटा साथ के साथ लर्न करते जाना लर्न एकदम लर्न करने का एटीट्यूड रखना कि मेरे को क्लास में याद होना चाहिए मैं रिपीट कर रही हूं बार बार चीजें इनकी मैम डुअल लाइफ होती है बिकॉज दे कैन लिव इन फ्रेश वॉटर पानी एज वेल एज ऑन लैंड इसीलिए ये क्या हो गए मैम ये एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करते हैं मैम अगर मैं बात करूं बच्चा पार्टी अगर मैं बात करूं कि आ, तो हो गए अब इनकी मैं कुछ जनरल फीचर्स की बात करती हूं बेटा सबसे कॉमन स्पीशीज जो आप इंडिया में देखते हो फ्रॉग की द मोस्ट कॉमन स्पीशीज जिसके बारे में तुम्हें डिस्कस करना है द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग दैट इज बेटा राना टिगरीना सबसे कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग इन इंडिया जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में बेटा डिस्कशन करना है दैट इज राना टिगरीना दैट इज द साइंटिफिक नेम राना टिगरीना जैसे कॉकरोच में हमें किस स्पीशीज के बारे में पढ़ना है पेरी प्लानिटा अमेरिकाना दैट इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच फाउंड इन इंडिया तो वैसे ही मेरे को राना टिगरीना के बारे में बताना है अब मैं आपको ना बेटा इसकी मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने से पहले और इसकी एनाटॉमी स्टार्ट करने से पहले देखो ऐसी बातें करेंगे ना जो तुम एक फ्रॉग को इमेजिन करोगे तो तुम काफी कुछ ना फ्रॉग को देख के तुम अगर तुमने कभी जीवन में फ्रॉग देखा है देखा तो होगा ही बेटा ऐसा कौन सी जगह पे तुम रहते हो कि तुमने कभी जीवन में फ्रॉग ना देखा हो फ्रॉग तो देखा ही होगा बच्चा पार्टी हा या ना बेटा फ्रॉग और ये जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना तो एम्फीबिया की भी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे देखो अपने से कंपेयर करो जैसे हम जो होते हैं ना बेटा हमारे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो बड़ा फिक्स बॉडी टेम्परेचर होता है बाहर का तापमान चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो वी हैव अ फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर हम वार्म ब्लडेड प्राणी होते हैं हम होमियोथर्म होते हैं बट ये भाई साहब या फिर बहन जी देखेंगे कैसे पता चलता है ठीक है मेल या फीमेल इनका जो टेम्परेचर होता है वो जैसे बाहर का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर जो होता है चेंज होता है दे दे कैन कैन नॉट नॉट मेंटेन अ फिक्स्ड बॉडी इसलिए ये क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड या इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है जो एनिमल किंगडम में भी देखेंगे पोई किलोथर्म एनिमल पहली बात पहली आम बात मैं इसके बारे में बोलता हूं हाई तनु बेटा वेलकम वेलकम तो हम क्या बोलते हैं बेटा जी हम कहते हैं हम ना कुछ जनरल बातें कर रहे हैं इसके बारे में हम कह रहे हैं दीज आर हम कह रहे हैं बच्चा दीज आर पोई किलोथर्म मेरे साथ साथ में शब्द को बार बार बोलो जब हम शब्दों को बार बार उच्चारण करते हैं तो हमें वो शब्द ज्यादा आसानी से समझ में आता है और याद होता है दे आर पोई किलोथर्म इसका मतलब होता है बेटा जी कोल्ड ब्लडेड इसका मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड और इसका मतलब होता है दे डू नॉट हैव अ फिक्स बॉडी टेम्परेचर दे डू नॉट हैव अ दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फिक्स नहीं होता दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर एंड इट चेंजेस विद एंड इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर आउटसाइड ठीक है इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर आउटसाइड पोई किलोथर्मस पोई किलो थर्मस हो गए बेटा कोल्ड ब्लडेड हो गए अच्छा इसके अलावा बेटा इनके क्या फीचर होते हैं जब देखो प्रोटेक्शन के लिए अब मैं साइड हो जाती हूं ताकि आप लोग ना नोट्स भी साथ के साथ बना सको और मैं साइड में होकर आपको अगला पॉइंट एक्सप्लेन करती हूं आप इनको देखोगे जब ये लैंड पे होते हैं या ये घास के ऊपर होते हैं ग्रास के ऊपर होते हैं तो जिस जगह पे होते हैं उसके जैसा बेटा कलर चेंज कर लेते हैं इसको बोलते हैं केमोफ्लेज रंग बदलू होते हैं जैसे आप में से कई लोग होते हैं दल बदलू जहां दल भारी होता है उसी तरफ आपका झुकाव है ना मैम आप हमारी फेवरेट हो

कैमोफ्लेज इस तरीके के कलर चेंजिंग को कैमोफ्लेज प्रोटेक्टिव कलरेशन आल्सो कॉल्ड एज मिमिक्री कॉपी करना जैसे आप लोग शायद हम लोगों की कॉपी करते होंगे हेलो 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 क्या आपको नजर आ रही करते होंगे ना आप लोग भी बैठ के मैम की एक्टिंग सर की एक्टिंग वैसे ही बेटा ये क्या करते हैं रंग बदलू होते हैं जहां है उसके जैसा रंग ले लेते हैं प्रोटेक्टिव कलरेशन कैमोफ्लेज बोलते हैं क्यों करते हैं अपने बचाव के लिए करते हैं और शिकार करने के लिए करते हैं मतलब खुद प्रिडेशन के लिए करते हैं या अपने आप को प्रिडेशन होने से बचाने के लिए करते हैं मेरी बात समझ गए kind of yes, एक एक शब्द एक एक लाइन एनसीआरटी का है बेटा बिल्कुल एनसीआरटी का लाइन है आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ वेन ऑन ग्रास वेन ऑन ग्रास Or on land, they change their color accordingly, they change their color accordingly. they change their color accordingly accordingly to prevent to prevent being predated. To prevent being predated or that helps them in predation, that helps them in predation. This protective coloration, this protective coloration. जिसको अपन क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों इज़ कॉल्ड मिमिक्री इज एज मिमिक्री बिल्कुल इसकी बेटा आम बातें कर रहे हैं हम इसकी कुछ आम बातें कर रहे हैं फिर हम इसकी मॉर्फोलॉजी में जाएंगे आम बातें कर रहे हैं बेटा ठीक है यस डन डन एवरीबी डन डन ठीक है जी देखो ये वाला पॉइंट तो तुम जीवन में नहीं भूलोगे क्योंकि तुम भी बेटा एक प्रकार के रंग इनकार नहीं कर सकते हो बिल्कुल मैच करता हुआ है ये भी जाते हैं बेटा तुम ना यूजली इनको बारिश के सीजन में देखोगे और पीक समर सीजन में और पीक विंटर सीजन में ये फ्रॉग यूजुअली नजर नहीं आते वैसे ही अब इस इस चैनल पे अभी इस वक्त ज्यादातर बच्चे वैसे ही हैं जो एक्चुअल जब सीजन पढ़ने वाला था उस पढ़ने वाले सीजन में वो नजर नहीं आए है ना और जैसे ही अब एग्जाम एकदम सर पे है पीक अब जो एग्जाम वाला सीजन है उस पर अब तुम बेटा एकदम भर भर के नजर आ रहे हो ठीक है ये पीक समर और पीक विंटर में नजर नहीं आते ये स्लीप पे चले जाते हैं जैसे तुम भी बेटा स्लीप पे चले गए थे माननी पड़ेगी तुम्हें ये बात ठीक है दे गो इन टू विंटर स्लीप दे गो इन टू समर स्लीप और रेनी सीजन में फिर बेटा टर टर बाहर निकलते हैं ये ठीक है yes. तो पीक, में, पीक, में, देखो इतने गर्मी को इतने ठंड को बेटा कैसे बर्दाश्त करेंगे पोई किलोथर्मसो इन टू दे बरोट डीप बरोज डीप बरो में जाके बेटा ये विंटर स्लीप यानी कि हाइबरनेशन और समर स्लीप यानी कि एस्टिवेशन में रहते हैं कर पाए अपने आप से रिलेट हा या ना बट बेटो बेटा देखो जब जागो तब सवेरा ये कहने वाली बात बहुत सारे लोगों को लगे अरे यार मैम क्या बोल रहे हो बट बेटा देखो अभी भी अगर ना समय से प्रिपरेशन करोगे साथ साथ मैं हमेशा कहती हूं कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ होना अपने हाथ में है ना इससे अच्छा कि आप बेटा बिल्कुल हताश हो जाओ और ये सोचो कि कुछ नहीं हो सकता फिर आगे आने वाले जो चार महीने हैं साढ़े चार महीने वो भी तुम बेटा फिर इसी इसी निराशा के साथ में बिता दोगे या तो निराशा रहो और या तो बेटा वहां से पेन उठाओ दिमाग चलाओ और कुछ ना कुछ तो हासिल करो देर इज ऑलवेज मतलब बेटर इट मैं अंग्रेजी वाली लाइन याद नहीं आ रही बेटर क्या क्या अंग्रेजी की लाइन होती है समथिंग बेटर देन नथिंग वही वाली बात है समथिंग बेटर देन नथिंग तो बेटा तुम भी अपनी समर स्लीप और विंटर स्लीप से निकलो और एकदम बेटा इनके तर, जैसे अब रेनी सीजन का टाइम आ गया है ये लास्ट इनकी जनरल बात कर रही हूं मैं कि ड्यूरिंग पीक समर ड्यूरिंग पीक समर ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर फ्रॉग्स आर यूजली नॉट सीन Frogs are usually not seen. Usually not seen. They create deep burrows. They create deep burrows. jiske liye wo अपने हाथों का, अपने limbs का इस्तेमाल करते हैं. अभी मैं आपको उनके limbs का भी function बताऊंगी. They create बेटा deep burrows and Goes into and goes into goes into astivation and beta hibernation. Astivation and hibernation. Hibernation is winter sleep. एंड एक्टिवेशन इज समर स्लीपी जी डन डना पढ़ते हुए बिल्कुल प्यार से पढ़ते हुए ब्रेड uh, no अरे जैद बेटा तूने काफी तगड़ी अंग्रेजी बोली डन डन कर ले कर लिया है बच्चा पार्टी ये yes, डन एवरीबडी डन बेटा ठीक है ठीक है तो मैंने अभी तक क्या बताया कि डुअल लाइफ होती है उनकी पानी में भी रह सकते हैं धरती पे भी रह सकते हैं क्योंकि एम्फीबियंस होते हैं फिर मैंने एक और बात क्या बताई कि भैया अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते कोल्ड ब्लडेड होते हैं होते हैं। अपने आप को बचाने के लिए हर व्यक्ति बेटा कोई ना कोई स्ट्रैटेजी निकालता है है ना जैसे आप लोग स्ट्रैटेजी क्या निकाल रहे हैं जबरदस्त तरीके से वन शॉट लेक्चर देख रहे हैं वैसे ये बेटा क्या करता है प्रोटेक्टिव कलरेशन करता है केमोफ्लेज जिस जगह है उस जगह का बेटा रूप ले लेता है और इस तरीके के प्रोटेक्टिव कलरेशन से देखो ये अपने आप को शिकार होने से बचा सकता है प्रिडेशन होने से बचा सकता है और शिकार कर भी सकता है मिमिक्री फिर मैंने क्या बोला पीक समर सीजन में पीक विंटर सीजन में कोई फ्रॉग नहीं नजर आता क्योंकि ये है जी याद हो गया लर्न हो गया मेरे साथ अब मैं आपको बताती हूं बेटा भाई साहब की मॉर्फोलॉजी इन भाई साहब की मॉर्फोलॉजी ये बनाने की आवश्यकता नहीं है बेटा ये आप मत बनाओ ये आप मत बनाओ मैं आपको मॉर्फोलॉजी फ्रॉग को या कॉकरोच को हमें पढ़ना कैसे है आप ये समझिए हम फ्रॉग हो या कॉकरोच पहले मॉर्फोलॉजी करते हैं उसके एक्सटर्नल अपियरेंस कैसी दिखती है बाहर से वो भाई साहब कैसे दिखते हैं वो पढ़ेंगे फिर एनाटमी उसकी पढ़ेंगे अगर एनसीआरटी ने दिया हुआ है डाइजेशन कैसा है रेस्पिरेशन कैसा है सर्कुलेशन कैसा है एक्सक्रीशन कैसा है जो भी एनसीआरटी ने एनाटमी में दिया है फिर हम एनाटमी करेंगे ये सेम चीज बेटा हमें कॉकरोच के लिए भी करनी है पहले मॉर्फोलॉजी फिर एनाटमी तो अब हम इसके मॉर्फोलॉजी में आते हैं कि भाई साहब कैसे दिखते हैं ठीक है अगर मैं बेटा इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो बेटा कभी फ्रॉग ऑब्जर्व अगर आपने किया हो और अगर आपका सौभाग्य रहा हो कि कभी आपने फ्रॉग को छू के देखा हो या कभी आपका फ्रॉग पे पैर पड़ गया हो गांव वगैरह में तो जब भी अगर रेनी सीजन में कभी रहोगे ओपन आंगन होता है फ्लैट्स में तो बेटा तुम्हें क्या ही फ्रॉग मिलेगा खुद ही फ्रॉग जैसे उछलते हो तुम फ्रॉग फ्लैट्स में बट तो अगर बेटा कभी फ्रॉग के ऊपर बाई चांस पैर पड़ जाता है ना पच करके आवाज आती है एक्चुअल में उसकी जो स्किन होती है ना उसकी जो स्किन होती है काफी स्मूथ होती है स्लिपरी होती है और गीली होती है गीली तो उसकी स्किन को होना पड़ता है ऑलवेज मॉइस्ट होना पड़ता है क्योंकि ऑल द टाइम बेटा वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी रेस्पिरेशन में ऑल द टाइम वो अपनी स्किन के थ्रू बेटा रेस्पिरेशन करते हैं चाहे वो एस्टिवेशन में हो चाहे वो हाइबरनेशन में हो चाहे वो धरती पे हो चाहे वो पानी में हो ऑल टाइम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन उनका चलता है सो so, स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है और उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर चिपचिपा स्लिपरी होती है उनकी स्किन क्यों क्योंकि स्किन के ऊपर म्यूकस होता है अगर तुम मतलब अगर कभी तुम्हारे ऊपर बेटा छिपकली गिरने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है तुम्हें तो कभी अगर छिपकली की स्किन और फिर बेटा तुम तो बड़े ही छिपकली को पकड़ के उसकी स्किन उसके स्किन को ऑब्जर्व कर रहे होगे बट जैसे सपोलो की होती है या बेटा ब्लिजर्ड की होती है ना रेप्टाइल्स होते हैं वो तो उनकी जो ऊपर का चमड़ी होती है ना वो तुम देखोगे स्किन जो होती है उनकी बड़ी ड्राई होती है कॉर्निफाइड होती है बड़ी ड्राई ड्राई सी होती है लेकिन अगर एक फ्रॉक को छू के देखोगे तो बड़ी म्यूकसी होती है चिपचिपी होती है मॉइस्ट होती है मेरी बात समझ आ गई अगर मैं एक फ्रॉक को ऑब्जर्व करूं तो उसका जो डॉर्सल वाला हिस्सा है जो तुम्हें इसमें भी नजर आ रहा है वो डार्क ऑलिव ग्रीन कलर का होता है और बेटा उसका जो वेंट्रल साइड होता है जिस तरफ से वो धरती की तरफ है ये वाला जो साइड होता है वो पेल येलो कलर का होता है आपको इसके डोर्सल साइड पे नजर भी आ रहे हैं बड़े ही डार्क कलर के इरेग्युलर कोई शेप नहीं है डार्क इरेग्युलर स्पॉट्स भी होते हैं उसके डोर्सल साइड पे राइट बच्चा पार्टी यस उल्टी आदित्य बेटा ऐसे करेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा ऐसे करने से डॉक्टर थोड़ी बनेगा उल्टी का साइन बना रहे तेरे को फ्रॉग देख के फिर अगर तू सर्जन बन गया तो कैसे करेगा बेटा सर्जरी हाँ चलो मॉर्फोलॉजी में बेटा मैं पहले बात करती हूँ देर स्किन इज पॉइंट वाइज लिखना है पोथिया नहीं बेटा देर स्किन इज बेटा स्मूद देर स्किन इज स्मूद मीन्स नो स्केल्स स्मूद मीन्स बेटा नो स्केल्स ठीक है देर स्किन इज मॉइस्ट गीली गीली स्किन होती है एंडर स्किन इज बेटा स्लिपरी स्लिपरी और स्लिपरी क्यों होती है मैम क्योंकि म्यूकस कोटेड ऑल ओवर म्यूकस कोटेड होता है इसीलिए इनकी स्किन बेटा गीली मॉइस्ट uh, uh, वो होती है स्लिपरी होती है ठीक है यस यस अगर मैं बेटा फ्रॉग की बात करूं इनकी ना कलर लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रॉग की जो बॉडी होती है जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं बॉडी जो होती है बेटा डिविजिबल हो, होती है, है इनके पास गर्दन नहीं है और इनके पास टेल भी नहीं होती हालांकि आप एम्फीबियंस जब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में तो आप देखेंगे कुछ एम्फीबियंस होते हैं बेटा जिनके पास टेल होती है जो टेल्ड एम्फीबियंस कहलाते हैं बट इनके पास टेल नहीं होती बेटा बॉडी इज डिविजिबल इनटू आपको दिख रहा है गर्दन सॉरी हेड और रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज बेटा देयर ट्रंक पार्ट ठीक है फिर मैंने इनकी बॉडी का कलर बताया ना तो अगर इनकी बॉडी का कलर देखोगे तो इनकी बॉडी मैम Dorsal साइड से कैसी हुई ऑलिव ग्रीन कलर ऑलिव ग्रीन कलर बच्चा पार्टी और ऑलिव ग्रीन कलर के साथ में बच्चों क्या है इनकी बॉडी के ऊपर डार्क

और इसकी ऑब्जर्वेशन से अब हम कुछ कुछ चीजें और लिखेंगे जैसे बेटा अपने भी माउथ जब हम अपना ब्रीदिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे माउथ के ऊपर अपने पास क्या होते हैं ये तुम्हें नजर आ रहे हैं जिससे तुम सांस ले रहे हो ये तुम्हारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से एयर अंदर जाती है नेजल चेम्बर में है ना वैसे इनके भी माउथ के ऊपर क्या होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स पेयर्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स सो हम लिखते हैं जस्ट अबाव द माउथ जस्ट अबाव द माउथ पेयर्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट पेयर्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट पेयर्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट इनकी आंखों को ऑब्जर्व करो और मेंढक जैसी आंखें तो बेटा हम कई लोगों को भी वैसे तो बेटा कभी नहीं बोलना चाहिए किसी को इस तरीके से पर तुम लोग मजाक मस्ती में एक दूसरे को बोल देते हो इसकी मेंढक जैसी आंखें हैं इसकी बकरी जैसी आवाज है है ना बट ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट एनी वे क्यों बोलते हैं क्योंकि इनकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई होती है बल्ज आउट आईज होती है दे हैव गॉट बेटा सिंपल आई और ये आई जो होती है ना इनका वेल डेवलप्ड सेंसरी स्ट्रक्चर है अब मैं आपको सेंसरी स्ट्रक्चर इनके लिखवाऊंगी तो आप देखोगे नेजल एपीथिलियम होती है टेस्ट बर्ड uh, आप देखोगे कुछ कुछ पैपिले होते हैं बट दो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके जो काफी वेल well डेवलप्ड होते हैं उसमें बेटा इनकी एक है आती है आंखों आती है आंखें और एक इनकी आती है बेटा वेल डेवलप्ड इंटरनल ईयर ठीक है स फ्रॉक के पास बेटा ऐसे कान तो नहीं है इमेजिन भी करोगे ना कि फ्रॉक के पास ऐसे एक्सटर्नल ईयर पिनना होता है तो तुम्हें हंसी आ जाएगी कभी कोई फ्रॉग आ गया इनफैक्ट इनफैक्ट एनिमल किंगडम में तुम सिर्फ मैमल्स के पास ऐसे एक्सटर्नल ईयर पिनना देखते हो मैमल्स के पास है ना मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है अगर तुम इमेजिन करो किसी बर्ड के पास ऐसे कान आ जाए कबूतर बैठा है कान लेके ऐसे या फ्रॉग बैठा है ऐसे कान लेके या सांप बैठा है ऐसे कान लेके ले कितना फनी लगेगा

एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द साउंड वाइब्रेशन ठीक है ये एवरीबॉडी ठीक है ना हाँ चलो लिखे इसको एक बारी एक एक चीज बेटा आप लर्न करते जाओ क्या लिखेंगे एक्सटर्नल इनाज एब्सेंट एक्सटर्नल इयर पिना इज एब्सेंट ऑब्वियसली मैम एब्सेंट टिम पैनम टिम पैनम Near the eye is responsible for receiving the sound vibration, is responsible for receiving the sound vibrations, receiving sound vibrations.

ताकि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिले उसमें आपकी मुझे हेल्प चाहिए ताकि आप फटाफट से मेरे साथ नोट करो है ना आपको जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी का मैं क्या बोल रही कि आ, इनके ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होती है जैसे हमारे बेटा स्कल में ऑर्बिट होता है इनकी भी आंखें सिंपलाइज होती है ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होती है ठीक है और इनकी आंखों के ऊपर बेटा पर्दा है पर्दा पर्दा है कौन सा निकटीटेटिंग मेम्ब्रेन अपनी तो रिड्यूस्ड है बेटा अपने लिए तो कोई काम की नहीं है इनकी आंखों को प्रोटेक्ट करती है अंडर वाटर ठीक है तो हम लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं अगले अगली बात कि दे हैव हैव क्या बोला मैम ने दे हैव आईज दे हैव simple eyes located located within the orbit within the orbit and is covered with and is covered with nictitating membrane beta. वेरी गुड अंडर वाटर देखने के लिए अपन तो क्या करते हैं नवीन अंडर वाटर अगर कभी तुम लोग जाओगे तो हम तो गॉगल्स लगा लेते हैं गूगल्स इनको कौन गॉगल्स देगा तो बस निक्टी टेटिंग मेम्ब्रेन उनको सहायता कर रही है एंड इज कवर्ड विथ निक टी टेटिंग मेम्ब्रेन निक टी टेटिंग मेम्ब्रेन विच हेल्प्स Which helps protecting the eyes under water. The eyes under water. ठीक है डन डनाडन डन आंखों की बात कर ली टिम्पेनम की बात कर ली एक्सटर्नल नॉस्टल्स की बात कर ली ऑर्बिट की बात कर ली ठीक है निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन की बात कर ली अब आपको क्या नजर आ रहा है इनके ट्रंक में इनके पास लिम्स है आपने अगर अभी ध्यान दिया होगा मैंने क्या कहा था ये कौन सी सुपर क्लास से बिलोंग करती है टेट्रापोडा टेट्रापोडा और टेट्रा कहां से आया टेट्रा मतलब होता है चार पोडा मतलब होता है अपेंडेज बेटा टेट्रा मतलब चार पोडा मतलब अपेंडेज बेटा तो चार आपको दिख तो रही है इसके पास दो फोर लिम्स है जैसे अपने पास भी होती है फोर लिम्स इनके पास भी फोर लिम्स है और इनके पास भी बेटा हाइंड लिम्स है तो अगर मैं इनके इनके लिम्स की बात करूं मैम तो इनके पास भी मैम फोर लिम्स है इनके पास भी मैम फोर लिम्स है और इनके पास भी मैम हाइंड लिम्स है ठीक है दो फोर लिम्स और मैम दो हाइंड लिम्स जिस कारण से मैम इनको क्या बोला गया है टेट्रापोडा बोला गया है तो दो फोर लिम्स हो गई दो हाइंड लिम्स हो गई अब अगर आप इनके फोर लिम और हाइंड लिम को ऑब्जर्व करोगे तो फोरलिम्ब में इनके पास चार डिजिट होती है डिजिट का मतलब उंगलियां अपने पास कितनी है यूजुअली पांच ही है ना और हाइंड हाइंडलिम्ब में भी बेटा अपने पास क्या है लेग्स में हमारे पास क्या है पांच ही है है ना तो इनकी जो फोर लिम्ब होती है उसमें चार डिजिट होते हैं अगर मैं कहूं एंड्स विद चार डिजिट एंड्स विद फोर डिजिट्स एसी दिख रही है बेटा जी आपको मैं डायग्राम में भी दिखाती हूं सी ठीक है और हाइंडलिम्ब जो होती है इट विद फाइव डिजिट्स इट विद फाइव डिजिट्स एंड इज वेब एंड इज वेबड वेब्ड का क्या मतलब है बच्चों एक बार डायग्राम देखो मेरी तरफ हाँ लिम में पांच डिजिट बनाने हैं और ये भी बोला कि मैम ये वेबिंग होती है आप स्पाइडर का वेब भी इमेजिन कर सकते हो और ऐसी वेब आपने ऐसा देखा होगा ना वेब्ड होती है बेटा आपको दिख रहा है और ये वेबिंग जो है ना बेटा इनके हाँ लिम में वैसे तो ओवरऑल एनसीईआरटी और बेटा याद रखो स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं तो एनसीईआरटी के लाइंस पे काफी फोकस किया जाता है और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ आपको एनसीआरटी की लाइन को ही नोट्स में आपको लिखवाऊ तो एनसीआरटी ने एक बड़ी बढ़िया लाइन कही हुई है फोर लिम और हाइंड लिम दोनों के लिए आप सुनते भी जाओ लिखते भी जाओ बेटा अब मैं लिखवा रही हूं ये पॉइंट कि इनके जो फोर लिम्स होती है और हाइंड लिम होती है इनको किस में सहायता करती है इनको बेटा वॉक करने में हेल्प कर रही है इनको लीपिंग में हेल्प कर रही है जो ये हॉप कर रहा है लीपिंग में हेल्प कर रही है फिर इनकी बेटा स्विमिंग में हेल्प कर रही है फिर ये जो बरो बना रहे हैं बरो बनाने में हेल्प कर रही है ओवरऑल फोर लिम और हाइंड लिम दोनों मिलके इनको बरोइंग में हेल्प करते हैं वॉकिंग में हेल्प करते हैं leaping में हेल्प करते हैं और स्विमिंग में हेल्प करते हैं और अगर मैं स्विमिंग की बात करूं स्पेसिफिकली ना बेटा तो इनकी जो हाइंडलिम है जिन्हें इनका फीट बोल सकते हैं जैसे हमारी जो लेग्स है ना वैसे इनकी जो हाइंड लेग्स होती है बेटा हाइंड लिम्स होती है जो फीट होती है स्पेशली ये जो होती है ना ये स्विमिंग में हेल्प करती है क्योंकि तुम देख सकते हो ये कैसी है, है ना यस yes? यस वेरी गुड तनु बेटा यस एब्सोल्युटली पायल बेटा वेरी गुड नाजनीन बेटा वेरी गुड एंड फरान बेटा वही बात मैं अभी बताने वाली थी जो तूने अभी कमेंट किया मैं एग्जैक्टली exactly वही बात अभी तुम्हें बताऊंगी हाइंडलिम जैसे मैं बेटा फीट कह रही हूं अभी पहले तो मैंने क्या बोला मैंने बोला मैम ओवरऑल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि दीज हेल्प इन दीज हेल्प इन दीज हेल्प इन वॉकिंग दीज हेल्प इन वॉकिंग दीज हेल्प इन बेटा लीपिंग स्विमिंग एंड बरोइंग स्विमिंग एंड बरो मिलकर इन सारे कामों में हेल्प कर रही है।, है ना लेकिन अगर मैं फीट की बात करू ना बेटा स्पेसिफिकली तो ये जो वेबिंग है ना यहाँ ये जो वेबिंग है स्पेशली बेटा ये ना स्विमिंग में हेल्प करती है ये स्पेशली मैम स्विमिंग में हेल्प करती है डन डनाडन डन कोई दुखद समस्या तो नहीं कोई दुखद समस्या तो नहीं ये yes, बॉडी Yes? Yes? आर्या बेटा तू कह रही है फेलेंजियल फॉर्मूला जिसमें तू पहली बात तो फेलेंजियल की अपनी ही एक स्पेलिंग लिख रही है दूसरी बात अगर मैं अभी आपसे पूछूं ह्यूमन का ना आपको वो याद नहीं होगा लेकिन आपको इसमें बिल्कुल अतिरिक्त तो ज्ञान इसमें पीएचडी कर रही है एकदम कुछ भी पूछ रहे हो बेटा यार कुछ भी अभी मैं आपको लास्ट में ना फ्रॉक की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जब बताऊंगी तो जैसे कॉकरोच की तो क्या ही इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कुछ -कुछ इंसान तो है ही ऐसा बेटा इंसान का तो नेचर तुम्हें पता ही है, कितना सेल्फिश, है। है ना, कितना सेल्फिश है उसको जितना दे दो उतना कम खैर बेटा इनकी जो लिम्स होती है मोटी तगड़ी होती है ये ज्यादा मस्क्युलर होती है और क्योंकि ये ज्यादा मोर मस्क्यूलर होती है ना बेटा तो कई देशों में इसे खाया भी जाता है तो ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है ठीक है done, done, done. Done, done, done बच्चा पार्टी बस इसकी मॉर्फोलॉजी में इतनी सी तो बात थी मैं आपको ना इसका डाइजेशन कराऊंगी पहले फिर मैं इसका रेस्पिरेशन कराऊंगी आपको और फिर हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे ठीक है डाइजेशन और रेस्पिरेशन कराने के बाद हम पूरा फिर एक बारी क्विक रिविजन करेंगे समाप्ति एक्सप्रेस ठीक है बरोइंग का मतलब होता है बरो करना गड्ढा करना ठीक है ठीक है लेकिन एक चीज अब मैं आपको बता रही हूं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी ना कि आपको कैसे पता चलेगा एक फ्रॉग को उठा के वो मेल है या फीमेल

ठीक है अकॉर्डिंग टू एनसीआर ठीक है तो हम लिखते हैं यहां पे कि मॉर्फोलॉजी को बेटा इसी से फिनिश करते हैं कि क्या इनमें मैम सेक्सुअल डाइमोरफिज है क्या एक मेल को फीमेल से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो यानी कि सेक्सुअल डाइमोरफिज्म है ठीक है बेटा हम क्या लिख रहे हैं मेल फ्रॉग कैन बी मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिनग्वेस्ट फ्रम कैन बी डिस्टिनग्स्ट फ्रॉम अ फीमेल फ्रॉग फ्रॉम अ फीमेल फ्रॉग और एप्सल्यूटली कर सकते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल मतलब ऑफकोर्स मैम सेक्सेस आर सेपरेट इनके सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं मैम अब मैम कैसे पता चले जैसे कॉकरोच में भी मैं पढ़ाऊंगी क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में कॉकरोच के तो आ, उससे वेरी गुड राजवर्धिनी क्रिएटर गर्ल एंड अशाद अशाद होपिंग सूर्या वेरी गुड ठीक है अभी अगर आप देखोगे तो मैम आप इसके मेल को अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो मेल फ्रॉग में मैं आपको दो फीचर्स बता रही हूं दे हैव वोकल सैक्स To produce sound, to produce sound during the, season, during the breeding season, during the breeding season, during the breeding season to attract the female, to attract the female frog. एक इसका मैंने आपको फीचर बताया जो इसको फीमेल फ्रॉग से डिफ्रेंशिएट कर रहा है मेल के पास होता है फीमेल के पास नहीं होता दैट इज वोकल सैक एंड दूसरा फीचर है दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ऐसी चीजों से क्वेश्चन बनते हैं नीट एग्जाम में ऐसी चीजों से क्वेश्चन बनते हैं नीट एग्जाम में दे डेवलप अप्यूलेटरी पैड कॉप्यूलेट्री पैड ऑन द फर्स्ट डिजेट ऑफ फोरलिम फर्स्ट डिजेट ऑफ फोरलिम जो फीमेल में नहीं होता है जो फीमेल में नहीं होता है इनके पास बेटा देखो ब्रीडिंग सीजन के दौरान इन्हें फीमेल्स को अट्रैक्ट करना है ताकि ये ऑफकोर्स स्पर्म्स और, एग्स फिर बेटा रिलीज हो और फिर फिर बेटा बेटा हो हो और तो फीमेल को करने के के लिए ना बेटा, मेल के पास वोकल सैक्स क्या करता है बेटा वोकल सैक साउंड प्रोड्यूसिंग में हेल्प कर रहा है टू अट्रैक्ट द फीमेल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन फीमेल में नहीं है मेल में है दूसरा फीचर मैं बता रही हूँ कॉप्यूलेटरी पैड वेरी इंपॉर्टेंट ना कि सिर्फ ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कॉप्युलेट्री पैड किसके पास होता है वो तो तुम्हें याद आ जाएगा चलो मेल के पास होता है बट मेल में भी एक्जैक्टली exactly कहां होता है बेटा फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम एफ फॉर फर्स्ट एफ फॉर फोर लिम ये याद रखना है हाइंड लिम में नहीं है फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम हैज अ कॉप्यूलेट्री पैड फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम हैज अ कॉप्यूलेट्री पैड हैज अ अप्यूलेट्री पैड मैम ये क्या कर रहा है कई बच्चों का ना क्वेश्चन होता है एक क्योंकि आप में से कई लोग हो सकता है कि आप लोगों को पता हो कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं क्या आपको पता है पानी में ही स्पर्म्स और पानी में ही एग रिलीज होते हैं और बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपके मन में क्वेश्चन आता है मैम ये कॉप्युलेशन में कैसे हेल्प कर रहे हैं कॉप्युलन मीन्स ऑफकोर्स द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑब्वियसली मैम ये कॉप्युलेशन कैसे कर रहा है मैम इसकी मदद से मैम इनकी तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो बाहर ही रिलीज होते हैं पानी में फर्टिलाइजेशन होता है व्हाट इज द यूज ऑफ कॉप्यट्री अर्ज में इलेवंथ के बच्चों को पढ़ा रही थी उनके मन में भी बड़ा ये क्वेश्चन था एक्चुअल में कॉप्यटरी पैड जो होता है ना बेटा इट हेल्प टू होल्ड द फीमेल बॉडी और ये फीमेल की बॉडी को होल्ड म्यूकसी बॉडी है स्लिपरी बॉडी है उसकी बॉडी को होल्ड करने की जरूरत इसीलिए है बेटा क्योंकि आप पानी के बाहर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं अब बेटा इमेजिन करके देखो अगर फीमेल फ्रॉग कहीं और अपना ओवा रिलीज कर दे और मेल अपना बेटा अलग जगह पे स्पर्म रिलीज कर दे वैसे ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस ऑफ फ्यूजन यार एक मेरे को ना ब्लैक कॉफी भिजवा देना ठीक है वैसे ही बेटा चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर जब हो रही है ना तो बड़े ही कम चांसेस है तो एटलीस्ट ज्यादा चांस हो पाए तो अभी आप देखोगे उनकी पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से हम करें कि भाई जहां स्पर्म रिलीज हो वही ओवा रिलीज हो ताकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ पाए ये लॉजिक है उसके पीछे इवन इफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वी वुड वांट कि भाई एक ही जगह पे स्पर्म और ओवा हो ताकि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ पाए समझ गए सपोला आर्मी यस एवरीबॉडी यस एवरीबॉडी डन एंड डन डन एंड डन वेरी गुड वेरी गुड आपने एक पेज में सारा कुछ ऑक्यूपाई किया है वेरी गुड जितने कम कंसाइज़ नोट्स बनते हैं उतने बढ़िया नोट्स होते हैं बेटा डन एंड डन वी आर डन विद द मॉर्फोलॉजी वी आर डन विद द मॉर्फोलॉजी नाउ एनाटॉमी में बेटा बहुत छोटा छोटा है फ्रॉग का बहुत छोटा छोटा एनाटमी है बहुत छोटा छोटा और बहुत इजी है क्योंकि ह्यूमन से रिलेट कर पाओगे क्योंकि ह्यूमन से रिलेट कर पाओगे ठीक है ग्रीन अब बच्चा कह रहे मैम ग्रीन टी नहीं है क्या ग्रीन टी है ना ग्रीन टी को साथ नो धोका बेटा नो धोखा है ना जोश और एनर्जी बेटा पानी पीते रहना और एनर्जी बरकरार रखना मैं चाहती हूं आप लोग क्लास में एकदम अटेंशन के साथ में बढ़िया पढ़ के जाए और लर्न करके जाए उसके लिए आपको अटेंटिव रहना जरूरी है एनाटोमी पढ़ते हैं तो हमने बोला कैविटी ऑफ फ्रॉग द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग कैन अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जैसे कि उनकी बॉडी के अंदर मैम डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है उनकी बॉडी के अंदर मैम सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उनकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है नर्वस सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड वेल डेवलप्ड थ वेल डेवलप स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन इनफैक्ट बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी कुछ होते हैं जो हम पढ़ेंगे वन बाई वन पढ़ेंगे पहले डाइजेशन से शुरू करेंगे फिर रेस्पिरेशन पड़ेंगे फिर सर्क्यूलेशन पड़ेंगे एंड सो ऑन जहां डायग्राम की आवश्यकता होगी हम वहां पर डायग्राम बनाएंगे क्योंकि बिना डायग्राम के कई चीजों को ना आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे उसीलिए बेटा डायग्राम की आवश्यकता है ठीक है देखो अब आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो जो एनसीआरटी में दिया गया है ये एनसीआरटी में दिया गया अगर आप इस एनसीआरटी के डायग्राम को देखोगे ना कुछ समझ नहीं लगेगा बिल्कुल मौत आएगी जैसे मौत आती है एक्चुअल में बिल्कुल ऐसा लगेगा ये क्या दिया हुआ है मैम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है जहां लिवर स्टमक इ है या मैम यहाँ आपको क्लोइका दिखाया हुआ है यूरिनरी ब्लैडर दिखाई किडनी क्या ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया हुआ है या लंग्स दिखाया हुआ है क्या मैम ये रेस्पिरेटरी तो काफी काफी मिक्स डायग्राम है तो हम क्या करेंगे इसी डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए बनाते हुए चलेंगे ठीक है और सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा किससे डाइजेस्टिव सिस्टम से और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या लिखा हुआ है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे हमारे केस में होता है बेटा जैसे हमारे केस में होता है बेटा हम क्या बोलते हैं हम भी तो यही बोलते हैं ना कि मैम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री केनाल में मैम बस इतना सा डिफरेंस है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनाल यानी कि कंप्लीट तुम्हारी जो ट्रैक्ट है एलिमेंट्री कैनाल और मैम उसके साथ जब हम अपने ग्लैंड्स को जोड़ देते हैं ना तो वो हमारा क्या बन जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये भी वही है मैम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल को जब हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया मैम इनका इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनका एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स को जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत बढ़िया बात बेटा इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए लिखी हुई है अगर तुम फ्रॉग को ऑब्जर्व करोगे ना बेटा अगर तुम फ्रॉग को ऑब्जर्व करोगे तो फ्रॉग का जो फ्रॉग का जो एलिमेंट्री है उसकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है और किसी भी ऐसे एनिमल में बेटा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक एक एनसीआर का जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इसकी जो एलिमेंट्री केनाल होती है मैम शॉर्ट होती है और कारण ये है कि मैम ये कार्निवोरस है दीज आर कार्निवरस अभी आप देखोगे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप देखोगे कि ये ना आपके क्रॉप को भी बचाते हैं क्योंकि ये काफी सारे इंसेक्ट्स को खा रहे होते हैं और ऐसे कोई भी प्राणी जो बेटा कार्निवोर्स होते हैं ना उनकी इंटेस्टाइन की लेंथ कंपेरेटिवली छोटी होती है जिसकी वजह से जिसकी वजह से इनकी एलिमेंट्री केनाल जो होती हो जाती है वो शॉर्ट हो जाती है ऐसे प्राणी बेटा जो हर्बीवोर्स होते हैं ना उनको बेटा सेल्यूलोर्स डाइजेशन की जरूरत है और उसके कारण उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता होता है वो थोड़ा लंबा होता है लेकिन इनके केस में बिकॉज दे आर कार्निवोर्स आप देखोगे इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं इनके एलिमेंट्री केनाल छोटी होती है इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो रिड्यूज लेंथ होती है कोई दुखदर समस्या तो नहीं यस एवरीबॉडी वेरी गुड सूर्या वेरी वेरी गुड बेटा वेरी वेरी गुड

प्लीज डू नॉट गो आउट ऑफ एनसीआरटी डोंट थिंक ऑफ डूइंग पी एच डी इन दिस टॉपिक ओनली स्टडी रेलिवेंट सिर्फ रेलिवेंट पढ़ना है जैसा जैसा एनसीआरटी ने बताया सिर्फ उतना उतना फॉलो करना है तो हम बेटा किससे शुरू करेंगे बिल्कुल बेटा याद करना मेरे साथ हम सबसे पहले शुरू करते हैं मैम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री के हम सबसे पहले शुरू करते हैं इनके पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री के से पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री के बेटा मैं ना कुछ इस तरीके से करूंगी तो मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ ताकि आप अपने नोटबुक में जब लिखो तो आप इसी तरीके से फॉलो करो ठीक है पहले बेटा आप क्या करोगे ऐसा सा एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी इधर हो सकता है वो फ्लो चार्ट नीचे जाके ऐसा एक्सटेंड हो जाए और हो सकता है कुछ डायग्राम मैं ना राइट साइड में बनाऊं तो आप नॉर्मल नोटबुक में जैसे लिख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से लिखते हुए जाइए बस ऐसे लिखना बेटा कि लेफ्ट साइड पे एकदम फ्लो चार्ट बनाना क्योंकि राइट साइड में एक दो डायग्राम्स बना सकते हैं हम बस इतनी सी बात है ठीक है तो तुम इस तरीके से फॉलो करना पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल में अगर मैं कहूं मैम एलिमेंट्री केनाल स्टार्ट विद माउथ माउथ लीड्स टू बेटा देयर बकल कैविटी बकल कैविटी बकल कैविटी लीड्स टू बेटा देयर फेरिंग्स फेरिंग्स लीड्स टू बेटा देयर इसोफेगस इसोफेगस

इंटस्टाइन फर्दर हैज मैम ड्यूडेनम इंटरटाइन फर्दर हैज मैम ईलियम एंड इंटस्टाइन फर्दर है ओपन आउट साइड वाया क्लोयकल अपरचर वाया क्लोयकल अपरचर यहां मामला खत्म नहीं हुआ यह मामला खत्म नहीं हुआ है सुनते जाना बेटा हमने बोला इनका एलिमेंट्री जो होता है कंपेरेटिवली छोटा होता है इट स्टार्ट विद माउथ माउथ लीड्स टू कॉकरोच में अभी जब मैं आपको लास्ट में पीवाई क्यूज कराऊंगी कॉकरोच वाले ये तो अभी नया नया एड हुआ है बट कॉकरोच वाले जब आप पीवाई क्यू करोगे आप देखोगे दो बार लगातार क्वेश्चन आया है कॉकरोच के एलिमेंट्री केनाल को सीक्वेंस में बताओ इससे ज्यादा हलवा सवाल तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बेटा और वैसा ही हलवा सवाल तुम इससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैम इससे भी आ सकता है

डाइजेस्टिव सिस्टम बता रही हूं तो भी मैं आपको क्लाइका मेंशन करूंगी जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगी तो भी मैं क्लाइका मेंशन करूंगी जब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बताऊंगी तो भी मैं क्लाइका मेंशन करूंगी तुम कहोगे अरे भाई क्लॉयका किसका पार्ट है हर किसी सिस्टम में क्लॉयका आ रहा है ऑब्वियसली हर किसी सिस्टम में आएगा क्योंकि क्लायका एक कॉमन चेंबर होता है बेटा और ये एम्फीबियंस की एक खास बात है बेटा क्लॉयका इज अ कॉमन चेंबर एक कॉमन चेंबर होता है का जिस कॉमन चेंबर में मैम वेरी इंपॉर्टेंट मार्क दिस जिस कॉमन चेंबर में मैम तीन तीन कैनाल की ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल रिप्रोडक्टिव कैनाल एंड बेटा एंड बेटा एक्सक्रीटरी कैनाल। आपके क्लॉयका के अंदर बेटा क्लॉयका कहता है क्लॉयका बेटा आपके उस मित्र की तरह है जो मित्र सबका मित्र होता है तू भी आके मेरे पास रो ले तू भी आके मेरे पास रो ले तू भी आके मेरे पास रो, रो ले भले मैं खुद बेटा सब बहुत रो रहा हूं जीवन में ठीक है कहता है कि मैं सबके लिए अवेलेबल हूं तो ये बेटा तीन डक्ट्स की ओपनिंग आपको यहां दिखती है एलिमेंट्री कैनाल यानी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपका एलिमेंट्री कैनाल मेरे प्यारे सपोलो आपका बेटा रिप्रोडक्टिव कैनाल बच्चा पार्टी ठीक है आपका रिप्रोडक्टिव कैनाल आपका बेटा यूरिनरी केनाल यानी एक्सक्रीटरी केनाल इन तीनों केनाल की लिए बेटा कॉमन ओपनिंग होती है क्लोइका इसका एक कॉमन चेंबर होता है क्लोइका और क्लोइका की ओपनिंग जो होती है आउटसाइड दैट इज विद दी हेल्प ऑफ क्लोइकल अपर्चर डन 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 एवरीबॉडी यस yes, एवरीबॉडी जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ कोई दुख दर्द समस्या अच्छा नितिन कह रहा है बिल्कुल मेरी तरह अच्छा बिल्कुल तेरी तरह दुख बांटता है तू तो सबका अरे भाई हाँ डन 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 यस एवरीवन डन 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 जल्दी बताएंगे डन 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 आगे बढ़ जाए फिर मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन देखें मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन देखें बहुत सरल है बेटा बहुत सरल मैंने बोला ना बहुत ही इजी है क्योंकि आपके कुछ कुछ टर्म्स तो ऐसे हैं जो ह्यूमन से रिलेटेड है और एनसीआर में दिया ही कितना है छोटे छोटे से पैराग्राफ्स है छोटे छोटे से पैराग्राफ्स ठीक है डन अब हम क्या कर रहे हैं बेटा क्लोयका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ क्लॉयका को ध्यान रखो अब हम कह रहे हैं मैम इनका मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन कैसा है डाइजेशन होता कैसे है वॉट इज द मेकेनिजम ऑफ डाइजेशन व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन हुआ कैसे डाइजेशन आखिर तो देखते हैं कैसे हुआ बेटा फूड को इन्होंने गैदर किया कैसे इन्होंने फूड को गैदर किया इनके पास थी विद द हेल्प ऑफ बाई लोब्ड टंग अगेन बेटा लेफ्ट साइड में फ्लो चार्ट बनाओगे राइट right साइड में कुछ डायग्राम बनाओगी लेफ्ट साइड में फ्लोचार्ट बनाओगे राइट right साइड में कुछ डायग्राम बनाऊंगी इनके पास बाई विद दी हेल्प ऑफ लोब्ड टंग एक जीब टंग के दो लोब्स है दो हिस्से ठीक है बाइफरकेटेड उसकी जैसी नहीं है बेटा स्नेक की जैसी नहीं है स्नेक की तो ऐसी बाइफरकेटेड ऐसी होती है ऐसी फोक शेप लोब्ड मतलब थोड़ा मोटा मोटा पार्ट है लोब्स है प्रॉपर लोब दिख रहा है लोब्ड टंग विद दी हेल्प ऑफ लोब्ड टंग लोब्ड टंग की मदद से इसने खाना को खाने को लिया ठीक है फूड आया फूड बेटा आपके ऑफकोर्स फैरिंग से होता हुआ ईसोफेगस से होता हुआ ठीक है आपके कहा गया बेटा स्टमक के अंदर अब स्टमक के अंदर बेटा बिल्कुल देखो ह्यूमन से कितना मिलता जुलता है ह्यूमन से कितना मिलता जुलता है हम क्या बोलते हैं हमारे स्टमक में भी गैस्ट्रिक जूस है इनके स्टमक में भी गैस्ट्रिक जूस है गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है एसिड होता है कि नहीं एच तो एल होता है कि नहीं वहां से डाइजेशन बिगेन होता है और फूड जो होता है इनका एसिड के साथ मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है जिस कॉम्पोनेंट को बोला जाता है काइन जस्ट लाइक ह्यूमन गए ओवरऑल गैस्ट्रिक ही बोल लो इसके साथ बेटा हमारा भाई साहब का खाना मिक्स हो गया और इस कॉम्पोनेंट को बेटा जी हमने क्या बोला इस कॉम्पोनेंट को बेटा जी हमने क्या बोला इस कॉम्पोनेंट को हमने बोला गैस्ट्रिक सॉरी ज काइम नोन एज काइम अब एनसीआरटी कहती है कि मैम ये जो काइम होता है जो आपके गैस्ट्रिक जूस वेरी गुड साबाश बच्चा पार्टी वेरी गुड बेटा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप कॉमेंट्स में रिप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिवली पढ़ने वाला वैसे ही कॉमेंट करते रहिए एंड तक ठीक है ये क्या है बेटा ये आपके गैस्ट्रिक जूस के साथ जब आपके फूड को मिक्स कर दे रहा है तो उसको काइम बोलते हैं फिर एनसीआरटी कहती है

Time passes here. अब देखो बेटा जैसे हमारे intestine में हो रहा होता 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 है, 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 हमारे में 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 भी 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 यहीं यहीं पे पे इनका यही होगा, अपना अपना फिर बेटा यहां intestine के इलियम वाले रीजन में या हमारे पास भी बेटा इंटेस्टाइन में विलाई माइक्रोविलाई होते हैं ना लाइक प्रोजेक्शन -like इनके पास भी इंटेस्टाइन uh, में विलाई माइक्रोविलाई होते हैं लाइक प्रोजेक्शन हमारे यहाँ पे भी वो लाइक प्रोजेक्शन क्यों होते हैं

गॉल बैडर से एक डक्ट आती है मैम जिसे बाइल डक्ट कहते हैं और वो बाइल डक्ट मैम पैंक्रियाज नाम के एक ग्लैंड के डक्ट से मिक्स हो जाती है थोड़ा थोड़ा अपने जैसा है थोड़ा थोड़ा ठीक है मैंने बोला कि मैम इनके पास पैंक्रियाज था जो पैंक्रियाटिक जूस बना रहा है ऑफ कोर्स पैंक्रियाज है तो बेटा इंटेस्टाइनल जूस तो नहीं बनाएगा ना पैंक्रियाज है तो पैंक्रियाटिक जूस बनाएगा तो मैम इनके पास भी पैंक्रियाज था जो पैंक्रियाटिक जूस बना रहा है और गोल बैडर इनके पास भी था गोल बैडर क्या करता है बेटा बाइल जूस को स्टोर करता है बनाता तो नहीं है ना अपने केस में भी बनाता तो नहीं है ना अभी तक ये गलत तो नहीं है किसी को गोल बैडर क्या करता है बेटा स्टोर दी बाइल हा या ना बचा बाड़ी ये yes, वन और बेटा इनके यहां पे भी जो लिवर होगा वो बाइल को बनाएगा लिवर जो होता है वो बाइल को सिंथेसाइज करता है बट गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल को स्टोर करता है यस एवरी वन यस एवरी वन राइट वेरी गुड रूही वेरी गुड अनायन वेरी गुड खुशी वेरी गुड विजय दर्शन मृदुल आकाश एप्सोल्यूटली राइट अब बेटा इसको थोड़ा सा फोकस करके सुनो क्योंकि जहां ऐसी डक्ट आती है वहां आपको ध्यान से सुनना है बाकी सब तो देखो सरल 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 चल रहा है इजी इजी यहां पे एक चीज क्या ध्यान देने वाली है मैम गोल डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो कोई दुखदर समस्या नहीं होगी मैम गोल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसे अपन बोलते हैं बाइल डक्ट उसे क्या बोलते हैं बाइल डक्ट बोलते हैं और मैम पैंक्रिया से जो आपने गुलाबी रंग की डक्ट निकाली है उसे हम पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं बिल्कुल मैम और पैंक्रियाटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर की डक्ट मिलके जो डक्ट बनाती है जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट समझ लगा सभी को इसीलिए डायग्राम की आवश्यकता होती है क्या समझ लगा कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनाया हमने क्या समझ आया कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनाया हमने यस एवरीवन यस एवरीवन ठीक है गॉल ब्लेडर की बाइल डक्ट पैंक्रियास की पैंक्रियाटिक दोनों ने मिलके क्या बनाया कॉमन बाइल डक्ट

क्या समझ लग गया सभी को दैट इज अ रीजन इट ओपन इन टू इंटरस्टाइन यस क्लियर है ये बात यस यस वेरी गुड वेरी वेरी नाइस साबाश बच्चों साबाश बच्चों वेरी गुड तो हम यहां पे एक छोटी सी बात लिख सकते हैं काइम पासस हियर काइम आपके इंटेस्टाइन में आया बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस कम स्वाया, कम स्वाया, कॉमन बाइल डक्ट, हाँ या ना? कॉमन बाइल डक्ट से भी मैम इनके पास पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस आएगा हाँ या ना? एनसीआर ने क्या किया ने में दिया है हम उसीआर को लाइन बाय लाइन फ्लो चार्ट में कर रहे हैं तो एक्ट एनसीआर है एनसीआरटी ने पैराग्राफ में दिया है ठीक है अब बेटा क्या होगा आप मुझे बताओ छोटी सी बात देखो हमारे केस में क्या करता है बाइल बिल्कुल अपने से रिलेटेड अपने केस में क्या करता है बाइल सारे बच्चे लिख रहे हैं कॉमेंट्स में ऑलरेडी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इनके केस में क्या करेंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट अपने केस में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इनके केस में भी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट तो मैं इंटरस्टाइन के लिए ना बेटा यहाँ लिख दे रही हूँ कि जैसे अपने केस में भी बाइल ने क्या किया था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इनके केस में भी वही करता है बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और पैंक्रियाटिक जूस ने बेटा क्या किया पैंक्रियाटिक जूस ने क्या किया ध्यान रखना है बेटा एनसीआरटी की लाइन एनसीआरटी की लाइन क्या करता है पैंक्रियाटिक जूस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल यही चीज एनसीआरटी ने लिखी है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस वेरी गुड रूही वेरी गुड रूही वेरी गुड फहीम वेरी वेरी नाइस बेटा वेरी वेरी नाइस दीपेश संजना जैसिका देवेश वेरी गुड और मैं एक बात क्या लिख सकती हूं यहां मैम डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर मेरे को डाइजेशन ही तो देखना था एलिमेंट्री कैनाल के, के पार्ट्स तो मैं देख ही चुकी थी एलिमेंट्री के, के पार्ट तो बेटा मैं देखी के के क्या -क्या के के देख ही चुकी थी ना एलिमेंट्री के पार्ट आपने क्या करवाया वो पार्ट्स को बताया बेटा जो एनसीआर में दिया हुआ कहां कहा, कौन सी चीज आई किस, किस ने किस चीज का डाइजेशन किया इंटरसाइन में डाइजेशन खत्म हो गया ना बेटा अब तुम्हें क्या करना है डाइजेशन के बाद क्या करते हो चीजों को एब्सॉर्ब करते हो तो बस एब्सॉर्प्शन लिखेंगे और कहेंगे इंटेस्टाइन में विलाई होती है माइक्रो विलाई होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बस एब्जॉर्न करते हैं बस यही बात लिखनी है यही बात लिखनी है बेटा अगर आप लोगों ने ये कर लिया है और कोई दुख दर्द समस्या नहीं है तो एक बारी मेरे को थम्स अप देकर बता दो प्लीज एक बारी मेरे को थम्स अप देके बता दो प्लीज जल्दी से बेटा जल्दी से जल्दी से डन 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 अगर कर लिया है तो एक बारी मेरे को बता दो एवरीवन बेटा एवरीवन जल्दी डन अनदर डन एब्सोल्युटली सूरज बेटा बिल्कुल सही ठीक है मैम पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो गया मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन हो गया और याद कर रहे हो ना सारे क्लास में याद भी कर रहे हो ना ठीक है ना अब हम क्या करेंगे मैम अब हम करेंगे एब्जॉर्प्शन एक लाइन में एब्जॉर्प्शन है बेटा बिल्कुल छोटू सा बेटा फ्रॉग है हमारा बेचारे तू फ्रॉग है सा फ्रॉग इतने सारे सिस्टम्स और कॉकरोच उससे भी इतू सा सा कॉकरोच उसमें भी इतने सारे सिस्टम्स एब्जॉर्प्शन में हम लिखेंगे देर आर देर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलाई and microvilli in the in the intestine in the intestine which helps in the absorption of the digested food. एब्जॉपन ऑफ दाइजेस्टेड फूल क्लियर है देखो नोट्स क्लास में आपके साथ में इसीलिए बना रही हूं और लिखा हुआ ज्यादा नहीं लेके आती हूं ताकि आप मेरे साथ में बेटा नोट्स बनाएं और बैठे ना रहे और टाइम पास ना करें ठीक है और absorption के बाद बेटा जैसे ह्यूमन के केस में होता है इजेशन इनके केस में भी बिल्कुल वही होगा मैम अब जो चीज एब्जॉर्ब हो गई हो गई मैम जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हुई उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है तो अनडाइजेस्टेड अनएर्ब जो फीकल मैटर है that is going to be passed out. लेकिन अपने केस में तो तो की बेटा होती है, वाया एनस. इनकी तो का है। इनकी सो अनएब्सॉर्ब फल मैटर दैट इज गोइंग टू पास फ्रॉम द रेक्टम टू द्लॉयका टू द्लॉयल अपर्चर एंड देन आउटसाइड ठीक है हम क्या कह रहे हैं जो अनडाइजेस्टेड रहा द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब्ड फीकल मैटर अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फीकल मैटर इवेंचुअली इवेंचुअली पासिस पासिस थ्रू रेक्टम क्लोयका क्लोइकल अपर्चर आउटसाइड बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में तो फिर भी इन्होंने काफी कुछ मैंशन किया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बहुत ही छोटा है फिर सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा जिसमें इन्होंने थोड़ा सा और मेंशन किया हुआ है फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम साथ में पढ़ते हैं कंबाइंड पढ़ते हैं ठीक है डन ऑल द द सबोल आर्मी इन हाउस जल्दी बताएंगे क्लियर है रेस्पिरेशन का मामला इनमें बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है बेटा कॉकरोच में भी ऐसा ही है कॉकरोच में भी बेटा एलिमेंट्री कैनाल को इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है और रेस्पिरेशन को इतना सा दिया हुआ है इनमें भी डाइजेशन को एक्सप्लेन किया है रेस्पिरेशन छोड़ क्योंकि छोटा सा ही है ही टॉपिक ही छोटा सा है हम अगले पेज में करेंगे बेटा हम अगले पेज में करेंगे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में करेंगे ठीक है डन डन आर डन हो गया है। अब बेटा देखो इनके रेस्पिरेशन के लिए तुम्हें करना क्या है इनकी तीन तीन कंडीशन है इनकी तीन तरीके की बेटा सिचुएशन है एक जब ये धरती पे रहते हैं यानी कि बेटा क्या जब ये टेरिस्ट्रियल कंडीशन में है एक भाई साहब जब पानी के अंदर हैं और एक भाई साहब जब वो वाली कंडीशन में है समर स्लीप और विंटर स्लीप तो हर कंडीशन में ये कैसे ब्रीद करते हैं बस हमें वो चीज करनी है तो हम कह रहे हैं मैम देखो इनकी रेस्पिरेशन के लिए ना तीन सिचुएशन है इनकी रेस्पिरेशन के लिए मैम तीन सिचुएशन है एक नंबर वन जब ये इन वॉटर है इन वॉटर है नंबर टू मैम जब ये ऑन लैंड है ऑन लैंड है और नंबर थ्री मैम जब ये किसके अंदर है बेटा वो बरो बना के नंबर थ्री मैम जब ये बरो बना के विंटर स्लीप या समर स्लीप यानी कि हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन के कंडीशन में है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन इससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के कि समर स्लीप और विंटर स्लीप में एक्चुअल में वो किस चीज का यूज करते हैं इससे बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है क्वेश्चन देने की ठीक है अगर मैं बात करूं बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वेरी गुड तंजील वेरी गुड सैम हर्षिता वेरी गुड बेटा देखो आ, मतलब वो आंधी आए तूफान आए या कुछ भी आए ये पानी हो लैंड हो हाइबरनेशन हो हर वक्त इनका ये वाला मामला ऑन रहेगा स्विच्ड ऑन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन मतलब वाया स्किन रेस्पिरेशन ऑल टाइम ऑन इससे याद रखने में भी आसानी होगी पानी में ये जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि जो मैं कह रही हूं स्किन के थ्रू ये करते क्या है बेटा दे सिंपली टेक्स डिजोल्व ऑक्सीजन इन वॉटर थ्रू डिफ्यूजन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वॉटर वाया डिफ्यूजन डिफ्यूजन से सिंपली बेटा डिजोल्व ऑक्सीजन को यह ले लेते हैं जिसको कि आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह रहे हैं और मैम हाइबरनेशन में भी ये क्यूटेनियस करते हैं लैंड में भी ये क्यूटेनियस करते हैं पर लैंड में मैम लैंड पे मैम ये बक्को फैरेंजियल रेस्पिरेशन भी करते हैं ये बक्को फैरेंजियल रेस्पिरेशन भी करते हैं ठीक है मैम ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब होता है लंग्स की मदद से बक्को फेरिंग्स की मदद से बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन लंग्स की मदद से इनके पास छोटू छोटू से बेटा बिल्कुल इत्तू इत्तू से प्यारे से गुलाबी रंग के बेटा लंग्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं और मैम गिल्स का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे इनका जो लार्वा होता है ना बेटा टैडपोल लार्वा जिसकी पूंछ भी होती है टैडपोल लार्वा ये टैडपोल लार्वा गिल्स की मदद से रेस्पायर करता है अगर मैं छोटा सा बेटा एक डायग्राम आप चाहो तो बना लो जैसे मैं अगर इनकी लंग्स की लंग्स के बारे में अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं जैसे मैं एक, एक फ्रॉक बनाती हूँ बेटा छोटा सा फ्रॉक बनाती हूँ ठीक है डोंट जज माई डायग्राम मेरे डायग्राम को कोई भी जज नहीं करेगा कोशिश करूंगी मैं ठीक है चलो जल्दी से बनाती हूँ इसके खाते पीते घर का फ्रॉग लग रहा है ना हाँ ये फ्रॉग दिख रहा है बेटा हाँ ये इसकी और बेटा है बेटा ये इनकी आंखें आंखों के लिए बेटा आंखों की गुस्काखिया माफ हो की ठीक है लग रहा है ना थोड़ा सा फ्रॉग फ्रॉग का थोड़ा डिस्टॉटेड फीट बन गई है बट कोई बात नहीं बेटा यार इससे मतलब नहीं है कि हमने कितना सुंदर बनाया कोई नहीं मैंने तो सुंदर बनाया ठीक है डन 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 अब बेटा अगर तुम फ्रॉक को देखोगे जैसे ये ना मैंने ये बनाया है बक्को फेरिंग्स ये मैंने क्या बनाया बेटा ये मैंने बनाया है इनका बक्को फेरिंग्स बक्को फेरिंग्स और यहां पे मैं दिखाऊंगी इनके लंग्स एनसीईआरटी कहती है जो इनका लंग्स होता है ना बेटा ये अपर पार्ट मैम सुपर लग रहा है ना इट्स लुकिंग लाइक अ माउस ये कहां से माउस की जैसे लग रहा है अच्छा अच्छा तेरे घर में बड़ा माउस की पूछ नहीं है इट्स लुकिंग लाइक माउस बड़ा आया हाँ अभी तेरे को बनाने के लिए बताऊंगी ना तो तू तो, तेरा तो डायग्राम ऐसे दिखेगा अर्थवॉन जैसा मेरा कुछ तो रेलिवेंट दिख रहा है गुलाबी रंग की बेटा छोटी छोटी सी इनके पास लंग्स होती है पिंक कलर की क्योंकि मैं साइड से दिखा रही हूँ तो मैं एक ही दिखा पा रही हूं पर इनके पास बेटा पेयर्ड लंग्स होती है पिंक कलर की होती है एंड इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक ट्रंक जो इनका होता है ना ट्रंक हेड एंड ट्रंक में डिवाइड किया था ना बॉडी को ट्रंक के अपर पार्ट में होता है तो इस, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा लिख देती दिस इज देयर लंग्स 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 दिस इज देयर और मैं क्या कह सकती हूँ बेटा लंग्स के बारे में मैं कह सकती हूं कि ये पेयर्ड होते हैं पेयर्ड पिंक कलर्ड लोकेटेड इन द लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक डन एन आर एन डन तो मैम देखो एक्सटर्नल से एक्सटर्नल नोस्ट्रिल सपोज है एयर अंदर आएगी एयर अंदर आएगी तुम कह रहे हो मैम देखो कुछ एक्सचेंज जो होता है वो बको फायरिंग से भी हो जाता है और कुछ एक्सचेंज जो होता है मैम पल्मोनरी भी हो जाता है दैट इज लंग्स के थ्रू तो मैम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी हो सकता है रेस्पिरेशन भी हो सकता है एंड इवन मैम रेस्पिरेशन भी हो सकता है और टैडपोल में गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकता है वेन यू टॉक अबाउट लैंड धरती पे और हाइबरनेशन एस्पिशन बेटा इसको तो स्टार मार्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पानी में किससे कर रहा है बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन डन 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 एवरीबॉडी यस सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट ये फ्रॉग अच्छा चलो डन 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 जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले जल्दी बताओ बेटा हो गया रेस्पिरेशन बस इतना ही है अब मैं आपको क्या करूंगी बेटा गर्म पानी अब मैं आपको बेटा क्या करूंगी ना मेरे को सर्कुलेशन भी पढ़ा लेने दो ताकि मैं एक बारी में फिर आपको ना क्विक रिवीजन कराऊंगी अभी मैं क्विक रिवीजन कराऊंगी उसके लिए सर्कुलेशन एक बारी अच्छे से पढ़ लो ठीक है अगर सर्कुलेशन अच्छे से पढ़ोगे तो वापस से बेटा अभी हम क्विक समाप्ति एक्सप्रेस करेंगे और समाप्ति एक्सप्रेस से क्विकली रिवाइज कर लेंगे ठीक है डन 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 चलो अब बेटा ये भी कुछ ऐसी मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की आपको बेसिक बातें पूछ रही हूं जो हमने आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन में भी पढ़नी है या आपने कभी पढ़ी होंगी जैसे अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम

चीज की वजह से क्लोज या ओपन बोलते हैं क्लोज या ओपन आप बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्लड कैपिलरी ब्लड कैपिलरी अगर आप ब्लड कैपिलरी की देखो ब्लड वेस आप देखोगे कई बच्चे कहते हो अरे मैम ब्लड वेजल्स नहीं होते अगर आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हो ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर ब्लड वेसल्स क्या है आर्टरी वेन कैपिलरी ये सारे ब्लड वेसल्स ही हैं अगर आप कहते हो कि आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा तो ओपन आपकी ओपन सर्कुलटरी ओपन स्पेस में ब्लड को डंप कर देती है ब्लड को पोर कर देती है उनके बीच में कैपिलरी नेटवर्क नहीं होता उनके बीच में बांधने के लिए उनको बेटा उनको जोड़ने के लिए उनका रिश्ता बचाए रखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है बेटा ये फालतू की बात मैंने बोली मतलब कैपिलरी होती है ठीक है नो no, रिश्ता विश्ता आर्टरी वेन आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी का नेटवर्क है जो भी चीज होती है कैपिलरी में से बेटा ब्लड का पार्ट फिल्टर होता है जो भी होता है वो कैपिलरी मतलब कि ब्लड वेजल्स बाउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरी मींस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेजल्स प्रेजेंट बट दे आर नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी वहां से जो ब्लड है ओपन स्पेस में डंप हो जा रहा है खुलेआम ब्लड ही ब्लड दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मैं यहां लिखती हूं ब्लड वेजल्स ब्लड वेजल्स बाउंडेड बाय ब्लड वेजल्स बाउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरी ब्लड वेजल्स बाउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरी हाँ जी ठीक है यस एवरी वन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी दैट इज बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अब अगर बेटा मैं एक एक बात कहूं जैसे हम अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब आप अपने ह्यूमंस के भी सर्कुलेशन की बात करेंगे या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो अपने पास भी ना बेटा मैं जो लिखवाने जा रही हूँ वैसा ही कुछ कुछ होता है हमारे पास भी एक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम माने क्या माने हमारा जो ब्लड जिस सिस्टम के थ्रू फ्लो कर रहा है हमारे हार्ट हमारा ब्लड हमारी ब्लड वेजल्स वो सारी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में आती है फिर हम अपने केस में भी बात करते हैं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हालांकि ना ह्यूमंस का और ह्यूमंस का तो फिर भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है बट ये फ्रॉक का तो लिम्फेटिक सिस्टम डिस्क्राइब ही नहीं किया हुआ बेटा फ्रॉक का लिम्फैटिक सिस्टम बहुत छोटा सा दिया हुआ है लिम्फ देखो बॉडी में कोई भी बेटा फ्लूड है ना अदर देन ब्लड वो ब्लड के ही फिल्टरेशन से बनता है वो ब्लड का ही हिस्सा है चाहे मैं तुम्हारी लिम्फ की बात करूं चाहे हमारे पास जो बेटा होता है अपने केस की मैं बात करी सब कुछ ब्लड का ही अंश है सब ब्लड का ही पार्ट है ब्लड का ही हिस्सा है ठीक है इनके केस में भी बेटा ब्लड से ही लिम्फ बनता है और लिम्फ जिस पाथवे के थ्रू बेटा मूव कर रहा उसे है उसे लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं दो दो लाइन दी हुई है मुश्किल से लिम्फेटिक सिस्टम के लिए हमें वो दो लाइन ही लिखनी है तो मैं पहले तो आपको बेटा इनका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगी जिसमें कि क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इनका हार्ट कैसा दिखता है फिर हार्ट के अलावा बेटा इनके ब्लड में क्या क्या है प्लाज्मा फिर ब्लड सेल्स और इसके अलावा बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी अफकोर्स इनके ब्लड वेजल्स ठीक है और लिम्फेटिक सिस्टम में बेटा मैं लास्ट में लिखवा दूंगी क्या क्या पढ़ना है अदर देन दैट रिलेटेड अगेन हो कि नहीं पॉर्टल सर्क्यूलेशन याद आ रहा है एनसीआर में दिया हुआ है केमिकल कोडिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है दैट इज बेटा पॉर्टल सर्क्यूलेशन तो इनके केस में भी तीसरा जो सर्कुलेशन में आपको पढ़ाऊंगी और ये भी बेटा दो लाइन में ही फिनिश कर दिया है पोर्टल सर्कुलेशन और आपको भी उससे ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है एक इसके केस में दिया हुआ है पोर्टल सर्कुलेशन और एक इसके केस में दिया हुआ है बेटा रीनल पोर्टल सर्कुलेशन दैट्स ऑल सिर्फ ये बताया है कि रीनल पोर्टल सर्कुलेशन मतलब कौन सी कौन सी चीज कनेक्टेड है और हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन मतलब कौन सी कौन सी चीज कनेक्टेड है दैट्स ऑल दैट्स ऑल पहले इनके बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं और थोड़ा ना ह्यूमन से रिलेट करते हुए चलेंगे थोड़ा ह्यूमन से रिलेट करते हुए चलेंगे ठीक है मैं बात करने जा रही हूं बेटा किसकी मैं बात करने जा रही हूं इनके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की मैं बात करने जा रही हूं इनके ब्लड वैस्कुलर, वैस्कुलर सिस्टम की और जब मैं इनके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करती हूँ तो मैं सबसे पहले बेटा किसकी बात कर रही हूं मैं सबसे पहले बात कर रही हूं इनके हार्ट की इनके हार्ट की अगर मैं बेटा हार्ट के कुछ फीचर सबसे पहले लिखू तो पहले तो मैं कहूंगी कि इनका हार्ट मस्क्यूलर होता है अपना हार्ट भी मस्क्यूलर होता है इनका हार्ट भी मस्क्यूलर अपना हार्ट भी मस्क्यूलर इनका हार्ट भी कवर्ड विद पेरिकार्डियम अपना हार्ट भी कवर्ड विद पेरिकार्डियम, पेरी मींस अराउंड कार्डिया कार्डिया मतलब हार्ट अपना भी पेरिकार्डियम इसका भी पेरिकार्डियम अपना भी मस्क्युलर इसका भी मस्क्यूलर अपना फोर चेंबर लेकिन इनका होता है थ्री चेंबर आ गया डिफरेंस जहां डिफरेंस आ रहा है वहां बेटा टॉपिक को पकड़ना है बहुत अच्छे तरीके से जहां डिफरेंस आता है वहां टॉपिक को पकड़ना है अच्छी तरीके से वहां अटेंशन एकदम वो बाज क्या चील की नजर वैसा वाला करना है ठीक है इनका तीन चेंबर अपना बेटा फोर चेंबर होता है लेकिन इन्होंने कहा कि देखो हमारे पास तीन चेंबर है पर हमारे पास दो एडिशनल चेंबर भी होते हैं इसके अलावा जब मैं बेटा थ्री चेंबर की बात करती हूँ ना बेटा जी तो इनके पास ना थ्री चेंबर में दो एट्रिया होते हैं वेंट्रिकल सिंगल होता है यह भी ध्यान रखने वाली बात है अपने पास तो बेटा तो दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल इनके पास बेटा दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है ठीक है लेकिन ये भाई साहब कहते हैं कि घबराओ मत हमारे पास एडिशनल चेंबर्स भी हैं हमारे पास एडिशनल चेंबर्स भी हैं और हमारे जो एडिशनल चेंबर हैं वो बेटा जी आप सबको याद रखने हैं कौन कौन से एडिशनल चेंबर्स हैं मैम कौन कौन से एडिशनल चेंबर्स हैं तो इनके पास दो एडिशनल चेम्बर होते हैं एक साइनस विनोसिस मैं आपको एग्जैक्टली exactly बता दूंगी बेटा इसमें से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे नीट एग्जाम के लिए आपको ध्यान देना है ठीक है और दूसरा होता है बेटा जिसे बोलते हैं कोनस आर्टीरियोसिस कोनस आरटीरियोसिस ठीक है जैसे एनसीआरटी ने कोनस आर्टिओसिस दिया हुआ है इसका दूसरा नाम होता है ट्रंकस आर्टिओसिस आप सिर्फ एनसीआरटी वाला याद रख सकते हैं या टू जिसका फ्लो चार्ट लिखवाऊंगी मैं आपको ठीक है और वो फ्लो चार्ट लिखने का कारण ये है कि आपको ना इसका डाइ इसका जो एनसीआरटी का एक्सप्लेनेशन है ना बेटा वो समझ आ जाए एनसीआरटी ने आपको इसके पूरे सर्कुलेशन को बेटा एनसीआरटी ने डिस्क्राइब थोड़ी किया है जैसे ह्यूमन के सर्कुलेशन में एनसीआरटी पूरा डिस्क्राइब करती है कहां से ब्लड कहां गया कहां से ब्लड कहां गया कहां से ब्लड कहां आया इसके केस में एनसीआरटी ने एक्सप्लेनेशन इतनी दी नहीं है पर बेटा अगर आप इसके सर्कुलेशन को और डायग्राम से डायग्राम भी एनसीआरटी ने नहीं दिया हुआ है पर अगर मैं आपको डायरेक्ट बता ना कि साइनस विनोस होता है साइनस विनोस से राइट एटर में ब्लड आता है आपको बिल्कुल भी विजुअलाइज नहीं होगा और वही कारण है आपको ये डायग्राम बनाना है ताकि एनसीआरटी का कॉन्टेंट आपको मक्खन लगे एनसीआरटी का कॉन्टेंट ईजी तब होता है जब आप उसको अच्छे से पढ़ ले ठीक है तो इसमें जरूरत है आपको कि आप इसको डायग्रामेटिकली समझे और आपको बिल्कुल सुपर इजी लगेगा एक बार आप सुनो Otherwise, आप सुन पढ़ते हो ना लाइन सेंसियार्टी तो आपको समझने की करते हैं। हम ना वैसा बनाएंगे, जैसा हम अगर आपने कभी, पता नहीं, मेरे से कितने लोगों ने और वैसे हार्ट का डायग्राम भी हम ऐसे डब्बा बना के डब्बा डायग्राम होता है ना डब्बा डायग्राम हम थोड़ा सा डब्बा डायग्राम बना के देखेंगे तो डब्बा डायग्राम विल मेक द थिंग्स क्वाइट इजी ठीक है अस मेक अ डब्बा डायग्राम ऑफ द हार्ट ऑफ फ्रॉगवा ठीक है वाह इनके पास बेटा कितने चेंबर हार्ट है थ्री चेंबर हार्ट यही बोला मैम ने इनके पास थ्री चेंबर हार्ट है जहां मैम ने क्या बोला बेटा थ्री चेंबर हार्ट में कि मैम वेंट्रिकल सिंगल है और एट्रिया डबल है ठीक है तो मैं जैसे ह्यूमंस के केस में बेटा लेबलिंग करते हैं ये राइट एट्रियम ये लेफ्ट एट्रियम और ये इनका एक बेचारा सिंगल वेंट्रिकल हाय आना हाय आना यस एवरीवन यस ठीक है ह्यूमन के केस में भी क्या होता है हम ऐसे डब्बा डायग्राम बनाते हैं पर हम क्या बनाते हैं और बेटा मैं क्यों बार बार ह्यूमन बोल रही हूं क्योंकि ह्यूमन से रिलेट करोगे तो लर्न हो जाएगा ठीक है तो अपने केस में भी एक ही वेंट्रिकल होता है और अपने केस में भी बेटा सॉरी अपने केस में दो वेंट्रिकल होते हैं एक नहीं होता दो होते हैं और दो एट्रिया होती है अपना याद करो

जब मैं आपको ह्यूमन वेन की डेफिनेशन बताऊंगी तो आप देखोगे आर्टरीज फ्रॉम हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फिर हम बोलते हैं ऑल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजिनेटेड ब्लड एक्सेप्ट आर्टरी अपने केस में बोलते हैं एंड ऑल वेन कैरी डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन हमारी जो वेन्स होती है मैम वो वेन सारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ना मैम कहा से कैरी करती है अपने पूरे बॉडी पार्ट से और वीना केवा नाम की ब्लड वेजल से जुड़ जाती है और वीना केवा नाम की ब्लड वेजल से जुड़ के वीना केवा राइट एट्रियम में डी ऑक्सीजेड ब्लड को डाल देता है डन 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 एवरीवन पहले आप बताओ ह्यूमन का समझ लग रहा है कि नहीं ह्यूमन का समझ लग रहा है कि नहीं आप पहले ये बताओ तभी आप इसको रिलेट कर पाओगे वीन्स क्या करती है ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है

मैं यहां पे इनके एक एडिशनल चेंबर को बनाने जा रही हूं जिसे बोलते हैं जो ट्रायंगुलर होता है और जिसे बोलते हैं साइनस वीनोसिस जिसे बोलते हैं साइनस वीनोसिस ये जो मैंने ट्रायंगुलर सा बेटा चेंबर बनाया है इसे बोलते हैं साइनस वीनोसिस इसकी कुछ छोटी छोटी बातें लिख दू साइनस वीनोसिस जो हमने लिखा है साइनस वीनोसिस क्या छोटी छोटी बातें छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें प्रेजेंट डोर्सली टू तो राइट एट्रियम ऑल डिऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्रॉम हियर गोज टू तो राइट एट्रियम समझना ये जो साइनस विनोसिस तुम्हें दिख रहा है जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो राइट right एट्रियम के dorsal साइड पे होता है बेटा ये इसको इसको समझने की कोशिश करो बेटा हार्ट अगर ऐसे करके है तो हार्ट का एक हिस्सा dorsal होता एक हिस्सा वेंट्रल होता है एक हिस्सा dorsal होता है हाँ या ना वैसे तो ह्यूमन हार्ट कॉर्डेट्स के केस में हार्ट जो होता है वो ventrally प्लेस्ड होता है अपना हार्ट वेंट्रल होता है अभी कॉकरोच का पड़ाऊंगी इनवर्टीब्रेड जो होते हैं उनका हार्ट डॉर्सल होता है अपना हार्ट वेंट्रल होता है बट मैं कह रही हूँ तुम अपना हार्ट भी ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला हिस्सा तुम्हारा वेंट्रल हो गया ये वाला हिस्सा तुम्हारा डॉर्सल हो गया हो गया कि नहीं अब ये तुम्हारा राइट एट्रियम वाला चेंबर है ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम वाला चेंबर है और नीचे की तरफ क्या है बेटा तुम्हारा कॉमन वेंट्रिकल मैं इसकी बात कर रही हूं तो मैं कह रही हूँ इनके केस में ना मैम राइट एट्रियम जो है ना राइट एट्रियम

मैम इनके केस में इसके आने से क्या डिफरेंस पड़ा ह्यूमन में और फॉग में अपने केस में अब ये मैंने क्या बनाई हुई है बेटा वीना केवा ये मैंने क्या बनाई हुई है वीना केवा ठीक है ये मैंने वीना केवा बनाई हुई है तो अपने केस में क्या होता था कि मैम सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो टिश्यू से आप कलेक्ट कर रहे हो अपने केस में मैम वो वीन्स कलेक्ट करती थी उसको और वेन्स कलेक्ट करके मैम उसे बेचती थी वीना केवा और वीना केवा से कहाँ चला जाता था मैम वो वीना केवा से मैम वो चला जाता था राइट एट्रियम में अपने केस में ऐसा होता था इनके केस में बस एक ही डिफरेंस है। वेन से गया कहा साइनस वीनोस और बेटा साइनस वीनोस से वो कहा गया साइनस वीनोस से वो गया राइट एट्रियम में क्या मेरी बात क्लियर हो गई यस

तो मैम इनके केस में भी वही चीज थी बस हमने ना डायरेक्टली बिना केवर से राइट एट्रियम में नहीं डाला हमने पहले क्या किया हमने इस साइनस साइनसिस पे डाला जो आपके राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पर एक एडिशनल चेंबर था और साइनस और राइट एट्रियम आपस में कनेक्टेड होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं तो साइनस विनोसिस से वो ब्लड कहां चला गया राइट एट्रियम में बस सिंपल यस एवरीवन मैम मेरे रूममेट के बॉडी में भी साइनस विनोसिस है अच्छा और तेरा भी तो हार्ट बेटा थ्री चेम्बर ही है ना तू भी तो सपोला ही है हा? बड़ा आया की उराई कर रहा है अब बेटा देखो डी का मामला क्लियर हो गया ऑक्सीजनेटेड का क्या मामला है मैम लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मैम वो कहाँ आती है मैम वो इनके लेफ्ट एट्रियम में आती है मैम अब मैम यहां तक तो मामला ठीक है चलो अपना भी डी कहां आता है अपना डी राइट एट्रियम में आता है और अपना ऑक्सीजनेटेड होता है वो मैम लेफ्ट एट्रियम में आता है बट अपने केस में मैम दुख दर्द समस्या नहीं है क्योंकि अपना राइट right वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल अलग अलग है सेपरेटेड है हमारे ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है अपने ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है लेकिन इनके केस में बेटा ब्लड हो जाते हैं मिक्स ठीक है ब्लड हो गए मिक्स क्योंकि इनका वेंट्रिकल तो एक ही है इनका वेंट्रिकल तो बेटा एक ही है तो हुआ यूं कि वेंट्रिकल में आके मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई मैम वेंट्रिकल में आके मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई मैम अब बेटा ह्यूमन से रिलेट करो अब ह्यूमन से रिलेट करो ह्यूमन के केस में क्या होता है आप आंसर दो मुझे कमेंट्स में अपने केस में बेटा मैं अगर बोलूं कि लेफ्ट एट्रियम का काम होता है पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना होता है कि नहीं किसके थ्रू देता है पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड

एक एडिशनल चेंबर है वेरी गुड एक एडिशनल चेंबर है कोनस आर्टेरियोसिस बस यही इतनी सी बात है और देखो जैसे साइनस विनोसिस जैसे साइनस रा, विनोसिस राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पे था ट्रायंगुलर वैसे ही कोनस आर्टेरियोसिस सैक लाइक होता है झोले जैसा सैक लाइक एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ वेंट्रिकल अब बच्चों को मौत आती है हाँ मैम हम भूल जाएंगे डॉर्सल और वेंट्रल तो वैसे मैं कोई ट्रिक्स बेटा ज्यादा देती नहीं हूँ बच्चों को पता होगा क्योंकि मुझे पता है अभी ट्रिक में मज़े आते हैं और इस तरीके से याद रख सकते हो तो कोनस आटीरियोसिस वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड पे होती है और साइनस विनोसिस यही सवाल आएगा नीट में ध्यान रखना ठीक है और साइनस विनोसिस आपके राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पे होती है एनसीआर ओके आप देखो क्या बोला मैंने कि मैम ऐसा सा एक चेंबर है ऐसा सा एक चेंबर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं मैम कोनस आटीरियोस और ये जो कोनस आटेरियोसेस है ना मैम यही कोनस आटीरियोस आपके यही कोनस आटेरियोस जो है आपके लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ वेंट्रिकल

तो ईमानदार से अगर आप हैं तो इसका फ्लो चार्ट बनाइए खुद से आप इसका फ्लो चार्ट बनाइए खुद से मैं कह रही थी डी ब्लड और मैं कह रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ही मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया मैंने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैम लंग्स से जो आता है वो आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में और डी ब्लड जो है मैम वो आता है हमारे वेन से और आया हमारे वीना केवा और वीना केवा से आया मैम हमारे साइनस विनोसिस और साइनस विनोसेस से आया मैम कहा साइनस विनोसेस से आया मैम हमारे राइट right एट्रियम में तो राइट right एट्रियम में डी ब्लड आ चुका है मैम और लेफ्ट एट्रियम में मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है राइट right एट्रियम में डी लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड अब इनकी क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी इनकी हो जाएगी मिक्सिंग

डायरेक्ट इसी नहीं जा रहा क्योंकि पहले मैम इससे ब्लड जाएगा कोनस और कोनस से फर्दर निकलती है मैम क्या आयोटा आयोटा से हो जाती है पूरी बॉडी को सप्लाई बस यस एवरीबॉडी डन 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 लोग बना पाए इस फ्लो चार्ट को एग्जैक्टली exactly, एक्जैक्टली exactly यही चीज हमने डायग्राम में पढ़ी एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly यही चीज बेटा हमने वो डायग्राम में पढ़ी अब मैं आपको अगर बताऊं बेटा देखो दिल के बारे में हमने कर लिया अब देखो जैसे अपने केस में बोलते हैं बेटा, जो होती है वो क्या बनाती है बेटा, और वेंस जो होती है, बेटा वो बनाती है आर्टीरियल सिस्टम और वेन बनाती है, और बनाती है वीनस उसको आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है उसको आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ओम पांडे सर आए हैं ओम पांडे सर यहाँ पे आके बिल्कुल सपोलो जैसा बिहेवियर करे ओम पांडे सर कुछ अलग नहीं है सपोले ही है तुम लोगो जैसे वन वन ऑफ ऑफ यू द सपोला आर्मी इज ओम पांडे सर ठीक है सर, सर 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 आके मैं चाय ले सर, आपको मैंने एक बहुत अच्छी आर्मी का पार्ट बनाया सपोला आर्मी का नहीं भैया जब... कैसी बातें कर रहे हो यार और क्या अरे सपोला आर्मी रॉक्स यू आल्सो रॉक ना सर ओ भैया आप लोग कोबरा बना करो कोबरा गैंग बनो तुम क्या ये सपोला पोला मार डालेंगे लोग सपोला बेचारे छोटे होते बच्चे अरे कोबरा बनो कोबरा सर, चार पांच मिल हाँ। जाए सपोले वो खत्म हो जाए तुमसे सर छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऐसा जहर डालेंगे ना कि उठ नहीं पाओगे हाँ। <laughs> <laughs> नहीं नहीं मैं ब्लैक कॉफी सर ब्लैक कॉफी एंड ग्रीन टी ये सभी बाड़ी तो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा बेटा जहर का आतंक दिखाना पड़ेगा मेरे को तुम्हें है तु ना अभी सुनो वापस से टॉपिक पे आओ वापस से टॉपिक पे आओ बेटा यस एवरीबॉडी चलो वापस से आओ क्या बोला बेटा मैंने जैसे हमारी आर्टरी आर्टीरियल सिस्टम फॉर्म करती है हमारी वेन्स वीनस सिस्टम फॉर्म करती है इनके केस में भी बेटा एग्जैक्टली सेम थिंग है यस एग्जैक्टली सेम थिंग है और अगर मैं बेटा बात करूं इनके रक्त की रक्त 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 मतलब बेटा ब्लड इनके अगर मैं ब्लड की बात करूं तो मैम इनका ब्लड ब्लड में होता है प्लाज्मा जैसे हमारे पास होता है ब्लड में प्लाज्मा और इनके पास होते हैं ब्लड सेल्स जैसे अपने पास होते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स जैसे अपने पास होते हैं बिल्कुल ह्यूमन जैसे बेटा बेचारे फ्रॉग बेटा बिल्कुल ह्यूमन जैसे देखो यस 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 एवरीबॉडी और ब्लड सेल्स की अगर मैं बात करूं तो इनके पास भी होते हैं बेटा आरबीसी रेड ब्लड रेड बोल रही हूं बेटा रेड ब्लड सेल एंड डब्ल्यू यानी कि व्हाइट ब्लड सेल इराइथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स हाँ या ना इराइथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स हाँ या ना ठीक है डन 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 कोई दुखदर समस्या तो नहीं कोई दुखदर समस्या तो नहीं यस yes? यस yes?

इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स तो ब्लड की कहानी खत्म ब्लड वेजल्स की कहानी खत्म और बेटा हार्ट की कहानी खत्म लिम्फेटिक सिस्टम बहुत छोटू सा है अगर मैं इनके लिम्फेटिक सिस्टम की बात करूं बच्चों तो इनके लिम्फेटिक सिस्टम में इनके लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है लिम्फ होता है लिम्फ होता है बेटा इनके लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ को कैरी करने के लिए लिम्फ ट्रेवल करते हैं लिम्फ चैनल्स होते हैं और अपने पास भी जैसे बेटा लिम्फ नोड्स होते हैं तो इनके पास भी लिम्फ नाम डुबाना नहीं है नाम रोशन करना है सिलेक्शन लेके आना है ठीक है अपनी जो बेटा हम कहते हैं लिम्फ अपनी लिम्फ क्या होती है कलरलेस होती है क्यों कलरलेस होती है बेटा आरबीसी नहीं होती है लेकिन अपनी जो लिम्फ है उसके पास Uh, WBCs होते हैं यहां पे भी, भी होते हैं अपनी लिम्फ और ब्लड को कंपेयर करोगे तो लिम्फ के पास कंपेरेटिवली कम प्रोटीन होते हैं इनके पास भी वही सिस्टम है बेटा सेम सिस्टम बिल्कुल सेम सिस्टम फिर दुख समस्या सो so, लिम्फ के बारे में हम कह रहे हैं भाई कलरलेस नो आरबीसी नो आरबीसी बिल्कुल फ्लो चार्ट में करो लिम्फ बेटा लेस प्रोटीन एज कंपेयर टू ब्लड लेस प्रोटीन्स एज कंपेर टू ब्लडना प्यारे प्यारे जग से नारे बच्चों दो लाइन्स में दिया हुआ है और हमें भी बेटा बिल्कुल उसी को फॉलो करना है जल्दी 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 बेटा डंडन डन कर लो यहां एसी का टेम्परेचर काफी तेज हो चुका है हमें बेटा जैकेट को वापस से पहनने की जरूरत है देखो बेटा अपने पास ना हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन है और अपने पास हाइपो पोर्टल सर्कुलेशन होता है जो पिट्यूटरी वाला एक सिस्टम होता है जो मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी इनके पास ना बेटा हाइपो पोर्टल सर्कुलेशन नहीं है लेकिन इनके पास हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन है और इनके पास वो है जो हमारे पास नहीं है दैट इज रीनल पोर्टल सर्कुलेशन अच्छा क्या अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप में से किसी को भी पता है आप में से किसी को भी पता है कि Uh, uh, वो क्या होता है पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है वॉट इज अ पोर्टल सर्कुलेशन क्या किसी को पता है क्या किसी को पता है पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है पहले तो मुझे ये बता दो ना बाकी तो एनसीआरटी की लाइन हम लिखेंगे देखो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीआरटी स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग System, बस इतना कहती है. क्या होती है पोर्टल सर्कुलेशन क्या होती है डायरेक्ट ब्लड सप्लाई बिटवीन ऑर्गन एंड हार्ट नहीं वो तो नॉर्मल केस में होता है ना ऑर्गन ऑर्गन ये बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं पर किसी एक बच्चे का तो आया पर वो नाम चला गया बेटा देखो आप यूजुअली क्या करते हैं बॉडी के अंदर अपने बॉडी के अंदर भी बेटा यही आप देखोगे यूजुअली क्या होता है ना यूजुअली ये होता है कि हार्ट हार्ट से निकला आयोटा आयोटा कैपिलरी नेटवर्क में टूटी ऑर्गन के अंदर ऑर्गन से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू होता हुआ हार्ट ऐसा ही सिस्टम चलता है से हार्ट से तो ऑर्गन ऑर्गन से तो हार्ट हार्ट टू तो ऑर्गन ऑर्गन टू तो हार्ट हार्ट टू ऑर्गन ऑर्गन टू हार्ट आर्टरी कैपिलरी वेन हार्ट हार्ट से आर्ट्रीज तो आयोटा आयोटा से आर्टरी आर्टरी से कैपिलरी में टूटी ऑर्गन ऑर्गन से वापस से हार्ट यूजुअली बॉडी का सर्कुलेशन ऐसे चलता है बट जब आप इस तरीके का सर्कुलेशन ना देख के दो ऑर्गन्स के बीच का स्पेशल वैस्क्यूलर कनेक्शन देखते हैं वीनस कनेक्शन मतलब वेन्स से कनेक्टेड होती है स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स मतलब एक ऑर्गन से सीधा हार्ट में ब्लड नहीं गया बल्कि एक ऑर्गन ने दूसरी ऑर्गन को पहले ब्लड दिया ब्लड लेके गया और फिर वहां से आपके आ, क्या बोलते हैं हार्ट में ब्लड गया इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर मेरे को जैसे मैं मैंने फ्लाइट पकड़ी तो मेरे को यहां से जाना है बेटा आ, केरला जैसे मैं अभी अपने भाई के इंडियन नेवल एकेडमी में गई थी विच वाज वेरी वेरी नाइस एंड कितना अच्छा लगता है जब ऐसे चीज़ें देखते हैं और आपको भी जब हम डॉक्टर बनते हुए देखेंगे विद डैट वाइट कोट सो वो भी बहुत अच्छा ऐसा ही एक मोमेंट होता है आपकी अचीवमेंट भी बेटा हमारी हम उसी में खुश होते हैं आपकी अचीवमेंट ही इज़ आर अचीवमेंट तो आई वेंट टू फॉर एग्जाम्पल केरला तो मैं बेटा क्या डायरेक्ट अगर फ्लाइट लेके जा रही हूँ तो वो नॉर्मल सर्कुलेशन है जैसे मैं आपको बता रही हूँ बट अगर मैं पहले यहाँ से गई बैंगलोर और बैंगलोर से गई मैं कहा uh, uh, कन्नूर ठीक है तो मैंने एक बाईपास किया ना डायरेक्ट जाने की बजाय पहले मैं एक दूसरे स्टेशन गई दूसरे एयरपोर्ट गई और दूसरे एयरपोर्ट से फिर मैं वहां गई वैसे ही होता है कि एक ऑर्गन से सीधे हार्ट में ब्लड नहीं लेके जा रही ऑर्गन और ऑर्गन के बीच एक कनेक्शन में बना रही हूं और फिर उस ऑर्गन से मैं हार्ट में ब्लड लेके जा रही हूँ क्लियर sure हो गया होगा ठीक है चाह रही थी आपको बट एक कंप्लीट करते हैं फ्रॉग को उसके बाद बताऊंगी ठीक है तो मैंने बोला वीनस कनेक्शन बेटा ये सेम चीज लिख सकते हो स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वॉट इज बॉटल सर्कुलेशन फिर मैं आपको बताती हूँ ठीक है वॉट इज पोर्टल सर्क्यूलेशन स्पेशल वीनस कनेक्शन स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन बिटवीन ऑर्गन दैट स्टार्ट विथ कैपिलरी नेटवर्क दैट स्टार्ट विथ कैपिलरी नेटवर्क एंड एंड विथ कैपिलरी नेटवर्क ये ना बेटा कैपिलरी नेटवर्क से ही शुरू होता है और कैपिलरी नेटवर्क पर ही खत्म हो जाता है स्टार्ट विद कैपुल एंड एंड कैप्यूलरी और आपको बिल्कुल एनसीआर वाला ही ये याद रखना है जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रही हूं कि इनके पास दो पोर्टल सर्क्यूलेशन है बेटा एक है इनके पास बेटा हिपैटिकेशन और एक है इनके पास बेटा क्या रीनल पोर्टल सर्क्यूलेशन हिपैटिक वर्ड से ही आपको समझ आ रहा है लिवर मतलब और रीनल पोर्टल सर्क्यूलेशन में रीनल से ही बेटा आपको क्या समझ में आ रहा है रीनल से आपको समझ में आ रहा है किडनी रीनल से आपको आप बता समझ में आ रहा है किडनी यस यस एवरीवन यस एवरीवन मेरी बात समझ रहे हो यस एवरीबॉडी यस एवरीबॉडी अभी देखो हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में मैंने बनाया मैम लिवर और मैं कह रही हूं कि लिवर लिवर और इंटेस्टाइन के बीच का स्पेशल कनेक्शन है मैम लिवर और एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइन के बीच का जो कनेक्शन है मैम स्पेशल इंटेस्टाइन स्पेशल वीनस इन टेस्टाइन टेस्टाइन इसे हम कहते हैं मैम हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन देखो सपोज ये कैपिलरी नेटवर्क से शुरू हुआ और कैपिलरी नेटवर्क पे खत्म हो गया देखो इन दोनों में ये कैपिलरी से शुरू हुआ कैपिलरी पे खत्म हुआ इसे आपने बोल दिया हिपैटिक पोर्टल वेन Hippatic, portal, vein. तो वीनस कनेक्शन है ना बेटा जी वीनस कनेक्शन है ना सिर्फ इतना ही याद रखना है बेटा When blood passes from one organ to another without directly passing the heart, absolutely right बेटा विवेक जैन बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही बिल्कुल सही और अगर मैं बेटा रीनल पोर्टल सर्कुलेशन की बात करती हूं तो किडनी और लोअर बॉडी पार्ट के बीच का स्पेशल कनेक्शन है ये मैंने बना दी किडनी जो मैं अभी आपको बेटा एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी पढ़ाऊंगी ये हमने बना दी बेटा किडनी और किडनी के साथ में मैंने कहा कनेक्शन किसका है लोअर बॉडी ये ध्यान रखना है अपर बॉडी पार्ट्स नहीं है मैं जो जो शब्द आपको बेटा बताती हूँ ना वो वो शब्द पे फोकस करना जो जो शब्द मैं आपको बताती हूँ ना जहाँ गलती करते हो वो वो शब्द पे फोकस करना तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और बेटा किडनी के बीच का कनेक्शन है दैट इज रीनल पोर्टल सर्क्यूलेशन सर्क्युलेन कैपुलरी नेटवर्क से शुरू कैपिलरी नेटवर्क पे खत्म ठीक है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड किडनी क्या आप लोगों ने यहां तक खत्म कर लिया है येस yes, एवरीबॉडी क्या आप लोगों ने यहां तक खत्म कर लिया है एक थम्सअप दे दो पहले एक क्विक रिविजन करेंगे यहां तक की समाप्ति एक्सप्रेस करेंगे एक्स एक समझाना पड़ेगा क्योंकि और उसको समझेंगे कैसे जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी बस रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट होगा फ्रॉग बस खत्म होने वाला है पंद्रह बीस मिनट में पर आप पहले मेरे को बताओ जल्दी से हो गया आप लोग तैयार हैं फिर यस yes, तो कुर्सियों की पेटी बेटा बांध ली जाए कुर्सियों की पेटी इसीलिए बांध ली जाए क्योंकि अब बेटा हम नॉन स्टॉप देखो गला मेरा दुखेगा, बट कोई नहीं समाप्ति एक्सप्रेस चलाए कृपया करके कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए क्योंकि अब हम क्या करेंगे फटाफट फ़ड़ से बेटा क्विक 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 रिवीजन करेंगे जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है योर आईज सारा टॉपिक यहीं पे चलना चाहिए मुझे आप बेटा बिल्कुल क्लास में याद कर चुके हो ये मेरे को सुनना है आप लोगों से कि यस मैम याद हो गया हमें ठीक है फटाफट फ़ड़ से फटाफट फ़ड़ से हमने बोला मैम फ्रॉग बिलोंग्स टू कॉर्डेटा इट बिलोंग्स टू मैम क्लास का मतलब होता है लाइफ बिकॉज ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और ये मैम लैंड पे भी रह सकते हैं डुअल लाइफ होती है अगर हम फ्रॉक को देखें ये होता होता है कोल होता है कोल्ड ब्लडेड क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता इट चेंजेस विद द चेंज इन आउटसाइड मैम ये जब ग्रास पे होते हैं हो है, लैंड पे होते हैं लैंड जैसे हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके की प्रोटेक्टिव कलरेशन जिसे केमोफ्लेज कहते हैं इसे मिमिक्री भी कहते हैं और ये इनको प्रिडेशन होने से बचाता है और प्रिडेशन करने में भी हेल्प करता है अगर मैम आप देखोगे पीक समर में और पीक विंटर में ये नजर नहीं आते हैं पीक समर

उथ बकल कैविटी फैरिंग स्टमक इंटरस्टाइन इंटरटाइन में ड्यूडेनम एलियम रेक्टम रेक्टम ओपन टू सीकम सीकम टू बेटा आउटसाइड सॉरी सीकम नहीं कोल

डाइजेस्टेड ऑफ फूड को बेटा आप फीकल मैटर को आप पास आउट करते हो रेक्टम क्लोयका क्लोइकल अपर्चर एंड आउटसाइड रेस्पिरेशन लैंड पे हो चाहे पानी में हो चाहे हाइबरनेशन एस्टिवेशन में हो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पर लैंड में जो होता है बेटा वो क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी एंड बेटा एंड टैडपोल लार्वा में गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो बेटा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स बाउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरी थ्री चेंबर हार्ट टू एट्रिया सिंगल वेंट्रिकल two additional chambers sinus venosus and conus arteriosus sinus venosus on the dorsal side of your right atrium conus arteriosus is on the ventral side of the ventricle ma'am dekho right side pe inke bhi deoxygenated blood hai deoxygenated blood puri body se vein se collect hota hua vena cava se hota hua sinus venosus में जाता है और sinus venosus से right atrium में आता है ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो वेंट्रिकल में आ रहा है ब्लड लंग से आ रहा है लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम एट्रियम में में से से वेंट्रिकल वेंट्रिकल में वेंट्रिकल मैम मिक्सिंग हो गई ब्लड की डायरेक्टली ब्लड पूरी बॉडी को नहीं जा रहा है वेंट्रिकल से पहले निकलता है बेटा क्या आपका कोनस एट्रियोस कोनस आट्रियोसिस से बेटा जाता है वो आयोटा आयोटा से पूरी बॉडी ब्लड में होते हैं ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल इज न्यूक्लिएटेड बट कंटेन हीमोग्लोबिन फिर बेटा बात करते हैं इनके Uh, किसकी लिम्फ की लिम्फेटिक Lymph सिस्टम में इनके पास हो गया लिम्फ कलरलेस नो आरबीसी डब्ल्यू प्रेजेंट बट लैक्स यू प्रोटीन फिर होते हैं लिम्फ फिर होते हैं सर्क्यूलेशन हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन लिवर और इंटेस्टाइन के बीच का कनेक्शन रीनल पोर्टल सर्कुलेशन किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट का कनेक्शन डन डना डन जल्दी बताओ यस एवरीबॉडी क्विक क्विक रिवीजन हुआ कितने मिनट में रिवीजन किया दो तीन मिनट में तो रिवीजन कर लिया बेटा यस yes? Done done done, done done done. and 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 Everybody, black coffee देखो तुम अगर बेटा अगर इसमें तुमने जरा भी कंजूसी की ना अभी मैं बताती हूँ तुम्हें ठीक है चलिए बढ़िया बात है बेटा अब शुरू करेंगे Excretory सिस्टम और reproductive सिस्टम दिस इज द लास्ट ऑफ फ्रॉग 10 -15 में फ्रॉग निपट जाएगा बेटा ठीक है फ्रॉग को निपटा देते हैं एकदम ओके जी एक्सक्रीटरी सिस्टम के पहले मैं आपको पार्ट लिखवाऊंगी और बेटा इसको डायग्राम से कैसे समझेंगे जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाऊंगी दोनों काफी रिलेटेड है इसीलिए इसको पहले फ्लोचार्ट में करते हैं फिर डायग्राम में करेंगे ठीक है यस एवरीबॉडी ओके जी एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम बात करें क्या क्या होता है इन भाई साहब के पास इनके पास होते हैं पेयर्ड किडनी पेयर्ड किडनी और इनके पास होता है मैम पेयर्ड यूरेटर इनके पास होता है मैम यूरिनरी ब्लैडर और इनके पास होता है मैम क्लोइका ठीक है पहले मैं कुछ कुछ बातें लिखवा दे रही हूं और डायग्राम से समझाऊंगी बाद में इनके ना किडनी के बारे में एक बात कही हुई है क्या बात कही हुई है, है किडनी के बारे में किडनी के बारे में ही थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है उन्होंने कि दीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड बीन शेप स्ट्रक्चर हमारा भी तो बेटा बीन शेप ही होता है प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड बहुत इंपॉर्टेंट बात जहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती हूं उसको फोकस करने का है ठीक है भैया चीनी नहीं चाहिए बस कॉफी कॉफी हाँ डार्क शेप बीन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम यानी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ में बेटा होता है ये दोनों तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम के साइड साइड में है ठीक है ये इसका मतलब है इधर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लोकेटेड पोस्टीरियरली बेटा हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है अपने किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है क्या होते हैं हमारे किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल वेरी गुड तो बेटा इसीलिए तो एक्सप्रेस चलाया हालांकि मेरी बैंड बच जाती है गले की बट है ना यस yes. अरे ब्रेक ब्रेक जो मांग रहा है वो ब्रेक ले लो ना यार ब्रेक मांगने की जरूरत ब्रेक है ब्रेक ही ब्रेक है वो होता स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है नेफ्रॉन बिल्कुल वही होता है और नेफ्रॉन का ही बेटा दूसरा नाम क्या होता है यूरिनी फेरस ट्रिब्यूल अपना भी होता है इनका भी होता है यूरिनी फेरस टिब्यूल इनका भी होता है ज्यादा कहानी बेटा इसके बारे में दी ही नहीं हुई है अब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाऊंगी तो वहां पे मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूंगी ठीक है यस यस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गया मैम यूरिनी फेरेस्टिब्यूल अपना भी यूरिनी फेरेस्टिब्यूल इनका भी यूरिनी फेरेस्टिब्यूल अपना भी नेफ्रॉन इनका भी नेफ्रॉन ठीक है इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेटा ध्यान देना है वैसे मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बहुत सारे एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बताऊंगी तो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है बेटा जल्दी किसी को याद है क्या किसी को याद है क्या ये कैसे एनिमल होते हैं यूरिया रिलीज करने वाले तो इनको बोला जाता है यूरियो टेलिक एनिमल हम भी यूरियो -टेलिक, टेलिक होते हैं बेटा हम भी यूरियोटेलिक होते हैं हालांकि इनका जो टेडपो लार्वा है ना बेटा वो अमोनिया रिलीज करता है पानी में रहने वाले एम्फीबियंस अमोनोटेलिक होते हैं ठीक है चलो इनका बेटा क्या है यूरिया यूरी एनिमल टेलीग एनिमल ठीक है यस yes, यस yes, देखो अब मैं एक्सक्रीटरी यूरी और टेलीग एनिमल ठीक है बेटा अब मैं आपको ये जो दिखाए हैं ना ये पार्ट में मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है इस यूरेटर का अभी मैं समझाऊंगी और वो मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेट करते हुए चलूंगी तो हम क्या करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ना इसी चीज अच्छा, तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, करते, हैं, करते हैं, ही किया था और बाद में मैं आपको फ्लो चार्ट बना के बता दूंगी आप क्या करो ना साइड बाई साइड ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो अभी हम क्या करने जा रहे हैं अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने जा रहे हैं अभी हम क्या करने जा रहे हैं बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने जा रहे हैं तो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना बेटा साइड बाई साइड करना मेल और फीमेल को कंपेयर करते हुए ठीक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में साइड बाई साइड करना मेल और फीमेल को कंपेयर करते हुए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इधर को बनाते हैं बेटा मेल इधर को बनाते हैं फीमेल इधर को बनाते हैं मेल इधर को बनाते हैं बेटा फीमेल ठीक है यस yes? चलो पहले बनाते हैं इनकी किडनी बेटा मेरे साथ साथ बनाओ इनके पास भी किडनी है बीन शेप ऑन साइड ऑफ कॉलम फीमेल के पास भी है मैम अरे थोड़ा नीचे बनाती हूँ मुझे टेस्टिस वगैरह भी दिखानी है ना ये एक किडनी बना ली मैंने ये दूसरी किडनी तो किडनी से ही क्योंकि अटैचमेंट है टेस्टिस की तो मुझे दिखाना पड़ेगा इसीलिए मैंने बोला ना एक ही डायग्राम में एक्सक्रिटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना साथ में दिख जाएगा देखो पेयर्ड किडनी मैंने बेटा मेल के केस में भी बना दी फीमेल के केस में भी बना दी रेड कलर के बेटा ऑन ईदर साइड ऑफ बेटा वर्टिब्रल कॉलम ठीक है बन गया किडनी इनके पास भी किडनी इनके पास भी किडनी अब अगर आप देखोगे ना बेटा किडनी से जो टेस्टिस होती है ना वो अटैच होती है और ये एनसीआरटी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है इसलिए मैं एक एक करके बना रही हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ में बनाओ मैंने इसीलिए बनाने के लिए बेटा ये जिम्मा उठाया है इनके पास जो किडनी होती है बेटा दैट इज अटैच टू द सॉरी इनके पास जो टेस्टिस होती है टू द किडनी ओवॉइड ओवल येलोइश किडनी इज अटैच सॉरी येलोइश टेस्टिस इज अटैच टू द किडनी बाई फोर्स ऑफ पेरिटोनियम फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम बेटा पेरिटोनियम के फोल्ड से बेटा बॉडी वॉल के फोल्ड से बेटा ये किडनी से अटैच होती है ओवरी नहीं होती इसके अटैच होने का कारण है बेटा ये क्यों अटैच है इसका कारण है ओवरी का ऐसा कोई मामला नहीं है ओवरी अपनी मस्त है बेटा ओवरी का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किडनी से इनका होता है मैं ये सारे पॉइंट्स लिखूंगी बाद में ये मैंने क्या बनाया बेटा टेस्टिस और ओवरी को ना एनसीआर ने कुछ ऐसे बना के रखा है आप भी ऐसे बना लो ये सिर्फ यहाँ पे इसकी पोजिशन दिखाई है ये किडनी से कतई अटैच नहीं है बेटा ये किडनी से कतई अटैच नहीं है बिल्कुल भी अटैच नहीं है मैं लिखवाऊंगी आपको आप पहले बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम को इनके जरा कंप्लीट करिए किडनी हो गया जो मैंने बोला एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर्ड किडनी होती है फिर मैंने आपको क्या बताया था इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरेटर होते हैं होंगे तो ये यूरेटर बना दिए ओपन हो रहा होगा बेटा वही कॉमन जिसे आपने क्या बोला तो मैंने मैंने बना दिया और मैंने बताया एक यूरिनरी ब्लैडर होता है ये यूरिनरी ब्लैडर बना दिया बहुत ही थिन वॉल्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर और एक लाइन एनसीआरटी में दिए कि रेक्टम से अगर कंपेयर करोगे तो रेक्टम के कंपैरिजन में इसकी पोजीशन जो होती है वेंट्रल होती है ठीक है तो ये इनके केस में भी मैम यूरेटर बनाया और यूरिनरी ब्लैडर बनाया और क्लोयका बनाया इनके केस में भी मैम यूरेटर बनाया क्लोयका बनाया और यूरिनरी ब्लैडर बनाया पहले मेरे को बताओ एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट तो आप सबको समझ में आ रहे हैं ना मेरे को ये बताओ एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स को समझने में कोई दुखदार समस्या तो नहीं है एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स को समझने में कोई दुखदार समस्या तो नहीं है अब इससे मैं आपको रिलेट करके बता रही हूं इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इससे मैं बेटा आपको रिलेट करके बता रही हूं इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूरिनरी ब्लैडर की वॉल थिन है बिल्कुल एनसीआरटी की लाइन थिन वॉल्ड वेंट्रल टू रेक्टम अपने मन से नहीं लिखवा रही हूं एनसीआरटी में दिया है ठीक है मैम यहां तक तो हमें बिल्कुल मौत नहीं आती समझने में ये तो बड़ा ही सरल है कि किडनी है किडनी से यूरेटर निकला यूरेटर किससे कनेक्टेड है मैम यूरेटर कनेक्टेड है हमारे कॉमन चेंबर क्लोयका से यहां तक तो मैम हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बहुत ईजी है आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल ईजी है और इसीलिए डायग्राम मेरे साथ बनाओ एनसीआरटी का डायग्राम देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैम क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन इसका अगर आप साथ के साथ डायग्राम बनाते हो तो कोई दुखद समस्या नहीं होती एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जब फ्रॉग से क्वेश्चन आया करता था ना बेटा तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फ्रॉग में एक डक्ट डक्ट होती है जिसे बोलते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ था जब फ्रॉग से क्वेश्चन आया करता था कई साल पहले ठीक है अब मैं आपको समझाती हूँ बड़ा जबरदस्त बेटा मैं आपको एक चीज बताती हूं अभी देखो टेस्टिस पेयर्ड होती है और मैंने कहा कि इट इज

किसके अंदर लेके जा रहे हैं एक्चुअल में एक केनाल होती है जिसे बोलते हैं बिडर्स केनाल किसके अंदर लेके जा रहे हैं बेटा एक केनाल होती है जिसे बोलते हैं ऐसे बिडर्स केनाल ये जो मैंने बनाया बेटा ये दिस इज द बिडर्स केनाल इससे भी जब पहले क्वेश्चन आता था तो इससे क्वेश्चन आया हुआ था बिडर्स केनाल से इससे क्वेश्चन आया हुआ था बेटा बिडर्स केनाल से दिस इज वॉट बेटा दिस इज बिडर्स केनाल दिस इज बिडर्स केनाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट यानी कि मैम जो स्पर्म टेस्टिस में बने वो पहले वास्फरेंशिया गए और वाफरेंशिया से मैम वो गए इस हरे वाले केनाल के अंदर जिसे बिडर्स केनाल बोला और बिडर्स केनाल से मैम वो सफेद वाली केनाल में गए जिसे अभी तक तो हम यूरेटर बोल रहे थे बट इनकेस ऑफ मेल फ्रॉग दिस यूरेटर इज कॉल्ड एज यूरिनो जेनाइटल डाक्ट क्यों बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डाक क्यों बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डाक यूरिनो जेनाइटल डाक का मतलब यूरिन भी कैरी कर सकता है स्पॉम भी कैरी कर सकता है क्या ह्यूमंस में भी यूरेटर ऐसा ही काम करता है मेल्स के केस में येस या नो में आंसर देना क्या मेल ह्यूमंस ने भी बेटा यूरेटर एक्ट एज यूरिनो जेनाइटल डक्ट यस और नो जल्दी बताओ हाँ अब कई बच्चे यस कह रहे हैं कई बच्चे नो कह रहे हैं कई बच्चे यस कई बच्चे नो जो बच्चे यस कर रहे हैं ना उनकी पिटाई पड़ेगी जो बच्चे यस कह रहे हैं उनकी पिटाई पड़ेगी और यही तो बेटा प्रॉब्लम होती है यही पेपर में देते हैं तुम्हें तो बिल्कुल मौत आती है आउट ऑफ एनसीआर बेटा अपने केस में यूरेटर होता है क्या या यूरेथ्रा होता है याद करो अब करोगे शिट मैम ऐसे करोगे बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ोगे नलायकों यूरेथ्रा होती है यूरेथ्रा यूरे यूर डक्ट यूरेटर नहीं होती है यस कैसी बातें कर दी तुम लोगों ने आ बेटा एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रॉग का एक यूरेटर एक्ट एज अनो जेनाइटल यूरेटर एक्ट एज अनो जेनाइटल कैन कैरी स्पॉम एज वेल एज यूरिन लेकिन ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ मेल लेकिन ओनली एंड ओनली इन मेल्स फीमेल में तो ऐसा है ही नहीं अभी आपको देखोगे यस yes, एवरीबॉडी एवरीबॉडी yes, मजा आया एकदम एकदम जनता एक पलट गई वक्त, मैंने बोला ना तुम, द, तुम, भी कम नहीं हो, तुम भी दल बदलू हो वो रंग बदलू है तुम दल बदलो ठीक है क्या बोला मैम दस से बारह वासा से बिडर्स केनाल बिडर्स केनाल से यूरेटर यूरेटर से क्लाइका से क्लाइकल अपर्चर आउटसाइड दैट्स इट और यहां बेटा ऑफकोर्स विसरल ऑर्गन्स ऑर्गन के पास हमेशा प्रोटेक्शन के लिए कुछ फैट बॉडीज होती है तो हमारे भी पास बेटा होती है फैट तो ठीक है टिश्यू इनके पास भी बेटा ऐसे विस्तरल ऑर्गन के पास क्या बनाया हुआ है फैट बॉडीज तो आप भी ऐसे करके फैट बॉडीज बना सकते हो दीज आर वॉट दीज आर फैट बॉडीज दीज आर फैट बॉडीज यस एवरी वन ये भी बेटा फैट बॉडीज यहाँ पे भी बेटा फैट बॉडीज बस एक चीज और दिखा देती हूँ मैं जैसे अपने पास बेटा क्या होता, होता है ना अपना होता है? अपना ऐसे मिड वेंट्रल इसीलिए मैंने यहाँ पे बिडर्स कैनाल नहीं दिखाई अब बेटा आप में से कई लोग होंगे महान लोग जिनको ना लेक्चर से मतलब नहीं है वो लेक्चर नहीं देखेंगे सीधे पीडीएफ से पढ़ेंगे और जब वो सीधे पीडीएफ से पढ़ेंगे तो उनको लगेगा अच्छा यानी कि एक किडनी के तरफ एड्रिनल ग्लैंड होता है और एक किडनी के तरफ मैम एड्रीनल ग्लैंड नहीं होता बिडर्स नाल होता है और सिर्फ मेल के केस में होता है ऐसा नहीं है बेटा ये डायग्राम मैं एक ही डायग्राम में सारा कंप्लीट कर दूं इसीलिए मैंने ऐसा दिखाया है यहाँ पे भी एडिनल ग्लैंड है यहाँ पे भी ग्लैंड है यहाँ पे भी बिडर्स नाल है यहां पे भी बिडर्स नाल है ये मिड वेंट्रली प्रेजेंट होती है ये मिड वेंट्रली प्रेजेंट होती है दैट्स ऑल अब देखो बेटा इनको तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है इनका अपना खेल है इनको कोई दिक्कत नहीं इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता टेस्टिस सॉरी ओवरी का किडनी के साथ ओवरी अपना मस्त मौजी और बेटा किडनी अपने में है किडनी का सिस्टम अलग है यूरेटर अपनी अलग खुल रही है बेटा और ओवरी में जो एग बन रहे हैं ओवरी में जो एग बन रहे हैं मैम वो अपना अलग मैम ओवी डक्ट से कलेक्ट होते हैं और वो ओवी मैम अपना अलग से खुलते हैं क्लोइका में इनको यूरेटर से कोई मतलब नहीं है इनको यूरेटर से बेटा कोई मतलब नहीं है ये अपना खुल रहे हैं अलग से क्लोइका के अंदर समझ आ गई सभी को बात समझ आ गई सभी को बात बस फिर क्या, क्या 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 बेटा कोई समस्या ही नहीं है कोई समस्या ही नहीं है ठीक है तो ये हमने क्या बनाई ये हमने बनाई ओविडक्ट ओविडक्ट नाम अलग से यहां से एग कलेक्ट कर रही है और एग कलेक्ट करके अपनी अलग ओपन हो रही है इसी का फ्लो चार्ट बनाओ वेरी गुड तुषार एब्सोल्युटली बेटा एब्सोल्युटली यस डन डन इसका फ्लो चार्ट बना ले एक बारी इसका फ्लो चार्ट बना ले देखो एग्जैक्टली exactly वही डायग्राम है ओवरी ओवीडक्ट अलग ओपन हो रही है क्लोयका में किडनी किडनी के यहां वेंट्रल साइड पे ग्लैंड ये फैट बॉडी ये यूरेटर ये यूरिनरी ब्लैडर मेल के केस में क्या है किडनी किडनी से सॉरी टेस्टिस टेस्टिस से वासाएफेरेंशिया वासाएफेरेंशिया बेडरस कैनाल से कनेक्टेड है बेडरस कैनाल यूरेटर से कनेक्टेड है इसीलिए यूरेटर इज एक्टिंग एज ए यूरोजेनाइटल डक्ट और ये यूरिनरी ब्लैडर ये बेटा आपकी क्लोइका एंड क्लोइका ओपनस आउटसाइड वाया क्लोइकल अपर्चर ठीक है चलो इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं बेटा बिल्कुल छोटा सा फ्लो चार्ट और जैसे कि मैंने कहा अगर आप ईमानदार हैं तो ये फ्लो चार्ट आप खुद से बना सकते हैं अगर आप ईमानदार हैं ये फ्लो चार्ट आप खुद से बना सकते हैं मैंने सबसे पहले मेल में बात करी टेस्टिस टेस्टिस के बारे में मैंने कहा पेयर्ड पेयर्ड येलोइश, बिल्कुल एनसीआरटी की भाषा ओवॉइड ओवॉइड स्ट्रक्चर ओवॉइड स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू दी किडनी

टेस्टिस से मैम 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया ठीक है और 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया वासा इफ्रेंशिया बिडर्स कैनाल से कनेक्टेड है वासा इफ्रेंशिया बिडर्स कैनाल से कनेक्टेड है और बिडर्स कैनाल बेटा किससे कनेक्टेड है यूरिनोजेनाइटल डक्ट यानी कि यूरेटर यूरोनोजेनाइटल डक्ट यानी कि यूरेटर ठीक है और यूरिनेजटल डक्ट क्लोएका और क्लोएका मतलब मैम क्लोएकल अपर्चर बस दैट्स दैट्स ऑल ऑल यस यस एवरीबॉडी एवरीबॉडी अरे भाई वो oh गॉड मैं बेटा एकदम से डर गई हाँ <laughs> फीमेल में बेटा ओवरी इसके ब्रैकेट में लिखोगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम से नो फंक्शनल कनेक्शन विद नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी ठीक है किडनी के साथ हमें कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है ठीक है और ओवरी से ओवीडक्ट ओवीडक्ट से बेटा क्लोयका क्लोयका से बेटा क्लोयकल अपर्चर

तो टेडपोल लार्वा में चेंजेस होते हैं मोर्फोलॉजी मेटामॉरफोसिस मतलब चेंज इन द शकल सूरत चेंज इन द मॉर्फोलॉजी और फिर बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉग में ठीक है यस yes, एवरीबॉडी तो मैं यही पे बेटा ये चीज़ लिख देती ना फिर अलग से क्यों करना है है ना यही पे ये चीज कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट तो अगर इनकी फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बात की जाए तो जैसा कि मैम ने आपको बताया कि मैम एट वन टाइम एट वन टाइम पच्चीस से तीन हजार ओवा आर रिलीज एक बारी में इतने ओवा रिलीज हुए फिर मैम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई हमने हर एक चीज को बेटा देखो बिल्कुल फोचाट में किया है क्योंकि पोथियां नहीं बनानी आपको ना इस मोमेंट में तो बिल्कुल याद करना है And these are, बेटा, I think, आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी अगर आप ना रेगुलर क्लासेस में भी पढ़ते हो ना तो भी आप कोशिश किया करो कि हमेशा नोट्स को ना नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन नोट्स जैसे होते हैं आपको एंड मोमेंट पे वैसा ही रिविजन में हेल्प होता है ठीक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब आउटसाइड बॉडी आउटसाइड बॉडी बेटा फर्टिलाइजेशन हुई और मैम फिर टैडपुल लार्वा जो होता है टैडपोल लार्वा अंडरगोज मेटामोरफोसिस अंडरगोज मेटामोरफोसिस मेटामोरफोसिस का मतलब चेंज इन द शक्ल सूरत चेंज इन मॉर्फोलॉजी चेंज इन मॉर्फोलॉजी एंड बेटा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग किस में कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट फ्रॉग में यानी कि मैम इन डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि मैम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन डायरेक्ट डेवलपमेंट बहुत छोटे छोटे से बेटा इनके दो सिस्टम्स हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एनसीईआरटी वाला मैंने लिखा हुआ है क्योंकि बस वही सेंसरी स्ट्रक्चर्स के नाम आपको लिखने हैं कौन सा वेल well डेवलप्ड है बस वो बताना है और फिर बेटा ग्लैंड इनके कौन कौन से बिल्कुल ह्यूमन से मिलते जुलते हैं नर्वस सिस्टम क्या है बिल्कुल ह्यूमन से मिलता जुलता है वो करेंगे यस yes? चलो चलो सबसे पहले बेटा सेंस सेंसरी स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली यही लिखो इसके अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स को बेटा ऑब्जर्व करोगे एग्जैक्टली एनसीआरटी ने बेटा ये चीज दी हुई है इनके पास सेंसरी पैपिले होते हैं टच के लिए इनके पास तेज वर्ड जैसे अपने पास है टेस्ट के लिए इनके पास नेजल एपिथेलियम है जैसे अपने पास है ऑलफैक्शन स्मेल के लिए इनके पास आईज है जैसे अपने पास है बेटा विजन के लिए इनके पास हियरिंग के लिए एंड बैलेंसिंग के लिए भी बेटा हियरिंग एंड बैलेंसिंग इंटरनल ईयर है हमारी भी बेटा इंटरनल इयर्स क्या करती है हियरिंग एंड बैलेंसिंग लेकिन इसमें जो एक खास बात है ना ये तो बहुत आसान है कि सेंसरी पैपी मतलब आपके टच के लिए हो गया या टेस्ट बर्ड्स आपके टेस्ट के लिए हो गया नेजल एपिथिलियम स्मेल के लिए होगा आईज आपके विजन के लिए हो गया इंटरनल ईयर विथ टिम्पेनम आपकी हियरिंग ये तो सबको आसानी है आप बस एक चीज याद रखो शायद उसमें से क्वेश्चन बन जाए कि इनमें से ये जो दो होते हैं ना बेटा ये वेल डेवलप्ड है आपकी अरे आपकी जो विजन के लिए बेटा आईज है या आपके बेटा ये है ना ये दोनों इंटरनल ईयर ये वेल डेवलप्ड सेंसरी क्योंकि आप ना एनसीईआरटी के बहुत छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं लेकिन वहीं से फिर सवाल बनता है वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स में बेटा ये दो आते हैं वेल वेल डेवलप्ड डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स में में बेटा ये दो आते हैं। well developed structures में बेटा ये दो आते हैं। well developed structures में ये दो आते आते हैं हैं और ये जो होते हैं ना ये उतने वेल well डेवलप नहीं होते एनसीईआरटी कहती है दीज आर जस्ट सेल्यूलर एग्रीगेशन सेल्स का एग्रीगेशन होते हैं मतलब कि पुअर डेवलप्ड इसके कहने का मतलब है सेल्यूलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग्स सेल्यूलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग का मतलब है 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 बेटा नॉट दैट ग्रेटली डेवलप्ड 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 थोड़े पुअरली ये ये वेल वेल होते होते हैं ये well होते हैं ठीक कोई दुखद नहीं बेटा जी यस सो आई एंड इंटरनली आर वेल डेवलप्ड बाकी ये बेटा जस्ट सेल्यूलर एग्रीगेशन से नॉट दैट वेल डेवलप्ड बात करते हैं बेटा इनके आखिरी सिस्टम की दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही काफी अच्छी तरीके से डेवलप्ड होते हैं दोनों ही काफी अच्छी तरीके से बेटा डेवलप्ड होते हैं देखो क्या लिखा है एनसीआरटी ने पहले एनसीआर की लाइन पढ़ते हैं द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली ये वर्ड को इग्नोर किया फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में मौत आती है हाईली इवॉल्व अच्छा खासा इवॉल्व है वैसे भी कॉडेटा है क्वारेटा में वेल well इवॉल्व ही आपको दिखेगा और इसमें न्यूरल सिस्टम भी है मैम एंडोक्राइन ग्लैंड भी है न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन से रिलेटेड आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे एंडोक्राइन मतलब ग्लैंड हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो बोला कि केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज बाय बाय आर एंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन से केमिकल कोऑर्डिनेशन इनका रेग्युलेटर है और हॉर्मोन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड और एनसीआरटी ने कहा इनमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड मैम आपको वेल well डेवलप्ड दिखते हैं उनमें होता है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड के नाम लिखो बेटा एनसीआरटी वाले पेटीटरी ग्लैंड हो गया मैम पीनियल ग्लैंड हो गया मैम फिर हो गया मैम फिर हो गया मैम ठीक है फिर हो गया मैम पैराथाइरोड ये इनके वेल डेवलप ग्लैंड से बेटा पैराथाइर ठीक है फिर हो गया मैम एड्रीनल ग्लैंड जो अभी अभी बनाया था एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड

बिल्कुल एनसीआरटी बेस्ड बिल्कुल ह्यूमन से रिलेट करते हुए चलना फ्लो चार्ट एक ही पेज में खत्म करेंगे नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जी, क्या होता है अपने नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बस सेंट्रल नर्वस सिस्टम शॉर्ट में लिखो एन एस शॉर्ट में लिखो सी एन एस और पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम शॉर्ट में लिखो PNS ठीक है क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने पास मतलब अपना अपना चेक कर लो मेरे को डाउट है कुछ पैमर्स के पास बेटा ये होगा नहीं और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इनके पास भी बेटा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम में हम कह रहे हैं जैसे हमारे पास होता है ठीक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरा सिंपेटिक नर्वस सिस्टम सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम यस यस, ठीक है यस अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे नो इनका भी ब्रेन किसके अंदर प्रोटेक्टेड है देखो आई डाउट कई लोगों का बेटा तुम्हारा पटेला के पास होगा ब्रेन और कई लोगों का क्रेनियम के अंदर बेटा बिल्कुल मामला साफ है ब्रेन क्या है वेल प्रोटेक्टेड इन क्रेनियम वेल प्रोटेक्टेड इन क्रेनियम और बेटा इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कहां प्रोटेक्टेड है बेटा वेल प्रोटेक्टेड इन वोटिबल कॉलम वेल प्रोटेक्टेड इन वोटिबल कॉलम यस एवरीबॉडी? हा या हा या क्या कहती है जनता यस yes. यस yes. बेटा देखो इनका भी जो ब्रेन होता है उसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं फोर ब्रेन जैसे हम अपने केस में कहते हैं फोर ब्रेन 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 मिड एंड हाइंड इनको भी बेटा आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा ध्यान देना अगेन मैं फिर से बेटा आपको वो करा रही हूं अटेंशन 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 एवरीबॉडी क्वेश्चन आता है हमारे ब्रेन में क्या क्या होता है सेरिबेलम पॉन्स एंड मेड्यूला

इनके केस में भी वही है इनके पास भी एक ओपनिंग होती है स्कल के नीचे फोरामेन मैग्नम, जिससे कि क्या वो मेड्यूला पास होगी स्पाइनल से कनेक्ट होगी यस 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 तो मेड्यूला पासिस थ्रू मेड्यूला पासिस थ्रू फोरामेन मैग्नम, इट पास थ्रू फोरामेन मैग्नम टू तो कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड टू कनेक्ट टू स्पाइनल हा या ना हा या ना? क्लियर है बेटा यहां तक तो कोई दुखदर समस्या तो नहीं यस यस अपने पास भी मेड्यूला ओब्लोंगेटा होता है और वो अपने स्कल के नीचे जो क्योंकि मेड्यूला ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड से अलग थोड़ी है ब्रेन को हाथ में लेके घूमते हो क्या हाँ आधो का तो खाली है

इट इज सेल नॉट सेलम पेयर्ड सेल हेमस्पियर इनके पास भी है अनपेयर्ड डायन सेफेलॉन होता है हमारे पास भी डायनसेफेलॉन होता है बेटा अनपेयर्ड डायन ठीक है और इनके पास होता है बेटा ऑल्फैक्ट्री लोब्स, फोर ब्रेन का पार्ट है ऑलफेक्ट्री लोब और मिड ब्रेन का पार्ट है ऑप्टिक लोब जहां गलती करते हो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो जहां गलती करते हो वहां बिल्कुल ध्यान से सुनो बाकी चीजें तो तुम गलत नहीं करोगे लेकिन जहां गलत करोगे बेटा वहां ध्यान से सुनना है या हाँ या हाँ ना दन? दन ना एवरीबॉडी एवरीबॉडी ठीक है अब देखो बेटा मैं आपको बताती हूं इसको लिखने की जरूरत नहीं है यह बस एनसीआरटी में दिया हुआ है जो मैंने आपको बोला ना फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड बिकॉज दे कैन ईट इनसे कैन प्रोटेक्ट द क्रॉप और इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करते हैं क्योंकि फूड चेन फूड वेब का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर्म करते हैं लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इको ठीक है और मैंने ये भी बताया कई देशों में मस्क्यूलर मोटे तगड़े फ्रॉग की टांगों को खाया जाता है एज फूड बाई मैन That's all. अब मैं दूसरा समाप्ति एक्सप्रेस चला रही हूं और बेटा फिर हम कॉक्रोच करेंगे ठीक है क्योंकि अभी हमने क्या ही पढ़ा है बेटा। मेरे साथ में बेटा दबाके दार तरीके से करते हैं। हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी पेयर्ड यूरेटर यूरिनरी ब्लेडर विच हैज थिन वॉल Ventral to the rectum and a cloaca. Cloaca opens outside via cloacal aperture. In case of male, ureter acts as a urinogenital duct, not in case of female because it can carry sperm as well as urine. Reproductive system in case of male consists of a paired beta ovoid yellowish testes attached to the kidney with the attachment with the help of fold of peritoneum called as mesorchium.

और वो कैरी होता है ओवी डक्ट से अलग से उसको यूरेटर से कोई लेना देना नहीं है Ureter, अपना अलग ओपन हो, हो रही है क्लाइका के अंदर एक बारी में 2500 से 3000 हजार ओवा रिलीज होते हैं बॉडी बा, के बाहर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टैडपोलार्वा के थ्रू डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर मैं बात करूं सेंसरी स्ट्रक्चर की बेटा टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड स्मेल के लिए नेजल एपिथिलियम होगी बेटा टच के लिए बेटा इनके पास सेंसरी पैपिले होते हैं इसके अलावा आई विजन के लिए आई होगा वेल well डेवलप्ड है बेटा आई और हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर वेरी वेल डेवलप्ड कौन से आई और टिम्पेनम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक चीज भूल गई वो लिखवाना क्रेनियल नर्व लिखवा दूंगी अभी मैं बात करूं ब्रेन की तो और स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ब्रेन है क्रेनियम में प्रोटेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड क्रेनियम uh, के अंदर प्रोटेक्टेड ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइड ब्रेन हाइंड ब्रेन में होता है सेरबल है मेड्यूला मेड्यूला कनेक्टेड होती है स्पाइनल कॉर्ड से फोरामेन मैग्नम से पास होती है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है मिड ब्रेन में होता है बेटा आपके ऑप्टिक लोब्स फोर ब्रेन की बात करूं तो आ, आपके ऑल्फेक्ट्री लोब्स होते हैं अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन होता है और पेयर सेरिब्रल हेमिस्फियर्स होते हैं मैं एक चीज और लिखवा देती हूं बाकी को रिवीजन हो गई है जल्दी से बेटा जल्दी से एवरीबॉडी यस बेटा आप मुझे बताओ क्या फ्रॉग्स बेटा आप एक बस नोट डाल के एक चीज लिख लो कि फ्रॉग के पास ना टेन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व एनसीआरटी में दिया हुआ है टेन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व मतलब आपके ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व है ना वो दस पेयर होते हैं फ्रॉग के केस में और ये एनसीआरटी में दिया है इसीलिए लिखो क्या आप लोगों को बेटा याद हो गया ये और नो Did you guys beta memorize the whole thing inside inside the class in the class? Yes, everybody. Yes. Yes, everybody. जल्दी बता बेटा प्यार मोहब्बत अगर तुम कम करोगे फिर कैसे चलेगा बेटा इतनी मेहनत कर रही हूं मैं कैसे चलेगा बेटा कैसे तुम्हारे प्रेम से ही तो बेटा हमें मोटिवेशन मिलती है हाँ तुम्हारी हमारी मोटिवेशन तुम्हारे प्रेम से है और हम तुम्हारी मोटिवेशन हमारे पढ़ाने से है इट्स अ म्यूचुअल बेटा गिव एंड टेक Yes, everybody. Done, done, done. बेटा 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 तो नहीं मिलेगा बहुत important है बेटा, बहुत है yes. शुरू करेंगे बेटा, कौकरोज. कौकरोज के भी दो ही सिस्टम्स बड़े हैं आ, वैसे तो देखो मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी ज्यादा है कॉकरोच की एनाटॉमी छोटी छोटी सी है ठीक है यस एवरीबॉडी करें ठीक है चलो कॉकरोच की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा इसकी जनरल फीचर्स थोड़ा पानी भी मंगा लेते हैं और ये बेल काम नहीं कर रहा है बेटा एक सेकंड दे दो युगल पानी भिजवा दे यार ये बेल काम नहीं कर रहा है इस बेल को चेक कर ले पानी और पानी के लिए भी बोल देना प्लीज बेटा कॉकरोच की पहले हम एनसीईआरटी के पैराग्राफ की एक बात करते हैं ये एवरीबॉडी जिसको बेटा ब्रेक लेना है आप खुशी खुशी ब्रेक लीजिए मैं तो कहती हूं कि आप बेटा नहीं 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 ठीक है सॉन्ग में सुना देती हूँ ठीक है कोई बात नहीं पर फिर बेटा तुम लोग फिर ऐसे मत कहना कि यार बेटा मैं गाने के लिए ही आती हूँ बेटा यार ठीक है इमेज ही खराब कर दोगे मेरी तुम हाँ कोई नहीं देखेगा कि मैं पढ़ा रही हूं फिर कहोगे अरे मैम गाना ही गाते रहोगे क्या ऐसा मत करना बेटा मैं पढ़ाता है तुमको यार कितनी मेहनत से मैं तुम्हें गाना जरूर सुना सकती हूँ वही तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा ठीक है यस आ, फिर मुझे गाने के लिए बदनाम मत करना मैं तुम्हें बेटा गाना सिर्फ बच... क्योंकि आपको पता है बेटा ऐसा हुआ था कि इस साल जब मैं रिजल्ट सेलिब्रेशन में अपने कुछ लक्ष्य के स्टूडेंट से मिली थी जो मेरे अर्जुन और लक्ष्य में पढ़े थे मैं आपको ये ईमानदारी से दिल से ये बात बता रही हूँ तो उन बच्चों से जब मैं मिली थी उसमें से एक बच्चा था सैम्यूल अगर आप जानते हो है ना तो उसने मुझे बोला था कि मैम पता है आप जब गाना सुनाते थे लेक्चर खत्म होने के बाद तो हमें बहुत ज्यादा ऐसे रिलैक्सिंग फील होता था और अच्छा फील होता था तो पहले आपको पता है बेटा इस साल से ना मैं हर थैंक यू स्लाइड के बाद आपको गाना सुना देती हूँ उसके पहले मैं ना ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं सुनाती तो थी मेरे को लगता था क्या सुनाना पर जब मैंने बच्चे से सुना जो कि इतनी अच्छी रैंक लेके बेटा सिलेक्ट हुआ अंडर फिफ्टी आपको पता है तो फिर मुझे लगा नहीं यार जेनुअनली शायद बच्चों को थोड़ा रिलैक्सिंग लगता होगा भले ही मैं बेसुरा गाऊँ चाहे मैं सुर में गाऊँ पर बच्चों को अच्छा लगता है और बच्चों को अच्छा लगता है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है जो इमेज आपकी ऐसे बना दे अरे आप गाते हो पढ़ाते नहीं हो मैं दोनों करती हूँ सुप्रीमली टैलेंटेड ठीक है चलो चलो मोटिवेशन के लिए तो कैसे मोटिवेशन आएगी कैसे मोटिवेशन आएगी कॉक्रोच लिखा हो और गाना देखो मैं कौन सा रुक जाना नहीं तू कहीं हार के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काटो पे ही चल के मिलेंगे साये बाहर के काटो पे ही चल के मिलेंगे साए बाहर के ओ राही 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 ओ राही ओ राही ओ राही राही ओ राही तो ये गाना काफी मीनिंगफुल है आज तक कोई भी बेटा विद सम एक्सेप्शन एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर पर बिना किसी मुश्किलों के बेटा किसी को भी बेटा फल हासिल नहीं होता है हर कोई स्ट्रगल करता है हर कोई मेहनत करता है मेहनत करने से नहीं डरना है और सिर्फ फल की चिंता नहीं करनी है आपको उस फल को पाने की आशा ठीक है थोड़ी बहुत तो बेटा होती है बट यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस यू हैव टू बेटा लर्न एंड एंजॉय द जर्नी ठीक है तो कॉकरोच की सफर में बेटा आ जाइए फटाफट पत से ये बाडी ठीक है ठीक है तो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कॉकरोच को पढ़ के ही मिलेंगे बेटा नंबर हमारे एग्जाम के ठीक है कॉकरोच की कुछ जनरल बातें अगर करें जो आपको अपने घरों में नजर आते हैं अगर आप अपने घरों में आसपास भी देखेंगे बेटा तो आपको कॉकरोच हो सकता है नजर आ जाए आई डोंट नो आई डोंट नो ठीक है तो कॉकरोच के बारे में हम कहते हैं दे आर ब्राउन ब्लैक बॉडीड एनिमल दैट आर इंक्लूडेड इन द क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा जो मैं अभी आपको लिखवाऊंगी जो मैं अभी आपको बेटा लिखवाऊंगी ठीक है ब्राइट येलो यानी कि चमकीले पीले रंग के और लाल रंग के और हले हरे हरे रंग के कॉकरोचेस भी मैम कई सारे ट्रॉपिकल रीजन में आ, देखे गए हैं पाए गए हैं अगर आप इन जनरल कॉकरोचेस की बात करें तो उनका साइज जो होता है मैम वन बाई फोर इंच से तीन इंच तक यानी कि से, से, से सेंटीमीटर इन जनरल कॉकरोचेस की लेंथ फिर मैं आपको पेरी प्लानिट अमेरिकाना के बारे में बताऊंगी जिसकी आपको साइज दी गई है थर्टी फोर से फिफ्टी थ्री एम एम लॉन्ग ठीक है यस हैव लॉन्ग एंटी दे हैव लेग्स

अभी किसके बारे में बात करना है ठीक है है जिसका साइज बताया हुआ अच्छा ये वाली लाइन में अभी आपको बेटा बताऊंगी भी विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड टिप ऑफ एब्डोमेन इन केस ऑफ मेल थोड़ा सब्र करो अभी मैं बताती हूं पर पहले बेटा हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है कॉकरोच कॉकरोच बिलोंग करता है मैम फाइलम आर्थ्रोपोडा जैसे कि हमने अभी फ्रॉक के केस में भी देखा था इट बिलोंग्स टू बेटा फाइलम कॉडेटा ये बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड इसकी जो क्लास होती है मैम दैट इज इंसेक्टा ये इंसेक्ट है और आपको तो पता ही है बेटा इंसेक्ट दुनिया भर में कितने भरे पड़े हैं आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम कारण क्या है आर्थ्रोपोडा का इतना लार्जेस्ट फाइलम होने का क्योंकि इसमें इतने इंसेक्ट्स हैं और बेटा इंसेक्ट जो होते हैं हर जगह है इतने इंसेक्ट हैं इतने कई स्पैमर रूपी भी आते हैं ठीक है जिनको हम इग्नोर करते हैं बट इन जनरल बेटा सच में इतने इंसेक्ट्स है कई तो अनडिस्कवर्ड अननेम्ड सो मेनी इंसेक्ट्स क्या कारण है बेटा इनकी इतनी बिंदास जिंदगी का किस किस तरीके से बेटा इतनी सर्वाइवल रेट इनकी बढ़िया है कैसे ये इतना बेटा मस्त तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं मैं भी आपको बताती हूँ जब मैं बेटा पेरी है अमारी खाना की बात करती हूं जो इंसेक्टा से बिलोंग करता है तो आप देखोगे वैसे मैं मॉर्फोलॉजी में आई थिंक मैंने ये बात कही हुई है कि इनकी जो बॉडी है इनकी जो बॉडी है ना मैम अच्छा बॉडी को डिविजिबल को तो मैं बता दू अच्छा ये कहा कब मिलते हैं क्या खाते हैं बेटा आपने एड देखा होगा रात के अंधेरों में कोनों से निकलते हैं आपके किचन की तरफ लाइए काला हिट पढ़ा है ना पढ़ा गया है देखा है ना काला हिट रात में निकलते हैं मतलब कि मैम ये जो होते हैं कॉकरोच हमारे ये मासूम कॉकरोच हमारे मैम नॉकटर्नल होते हैं नॉकटर्नल का मतलब होता है एक्टिव ड्यूरिंग नाइट एक्टिव ड्यूरिंग नाइट रात के वक्त बेटा ये एक्टिव होते हैं दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट ठीक है दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट रात के समय बेटा ये एक्टिव होते हैं हम कैसे प्राणी है बेटा हम डायरनल है हमें डायरनल होना चाहिए था मतलब हम डे में एक्टिव होते हैं वो अलग बात है हम अपना बायोलॉजिकल क्लॉक का बेटा वक्त और जज्बात सब बदल देते हैं हमारे बेटा अपने बायोलॉजिकल क्लॉक से कोई मतलब नहीं है हमें हम अपने पीनियल ग्लैंड को चैलेंज करते हैं कि तुम तो हमें सुला के दिखा दो रात में ठीक है हम तो बेटा उसको चैलेंज करते हैं बट वी आर डायरनल एनिमल्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे ये होते हैं बेटा नॉक्टर्नल एनिमल्स एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये भाई साहब को कोई चिंता नहीं है ये होते हैं ओमनी कुछ भी खा लेते हैं भाई ओमनी वोरस सब कुछ खा लेते हैं जो दे दोगे खा लेते हैं कोई नखरे नहीं है कि मम्मी मेरे लिए क्यों बनाया है मम्मी मैं को नहीं खाना मम्मी तुमने ये टंडे क्यों बना दिए ऐसे नहीं करता है सब खा लेता है बेटा काफी वो है कोऑपरेटिव विद मम्मा पापा ठीक है ओमनी वोरस होते हैं बेटा फिर ये होते हैं बेटा कर्सोरियल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्सोरियल कर्सोरियल मतलब बेटा ये तो आपने बताने की जरूरत नहीं है ये तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा बेटा जीवन में कभी कॉकरोच तुम्हारे सामने आया होगा ना और तुम कॉकरोच को देख के भाग रहे हो गए कॉक्रोच तुम्हारे पीछे तुम कॉकरोच के पीछे टू मच फन बिकॉज दे फास्ट रनर्स दे कैन रन क्वाइट फास्ट तो जब कॉकरोच आप कॉकरोच से दूर भागो ना कॉकरोच आप ही के पीछे भागेगा बेटा <laughs> ऐसा हुआ है कभी और कॉकरोच को उड़ते हुए देखा है बेटा कभी वैसे कॉकरोच वैसे तुम्हारे बर्ड्स की तरह तो उड़ते हुए तुम्हें आसमान में नहीं नजर आएगा पर थोड़ा 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 उड़ सकता है विंग्स होती है बेटा इनके पास मैं आपको बताऊंगी अभी ठीक है विंग्स होती है बेटा अभी मैं आपको बताऊंगी सो फास्ट रनर्स होते हैं तगड़े बेटा स्पीड में दौड़ते हैं रेसिंग जीत जाएंगे एकदम आपसे होते हैं सब खा सकते हैं नॉक्टर्नल होते हैं एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम ठीक है ये इसकी कुछ आम बातें मैंने आपको बताई अब मैं पहले इसकी मॉर्फोलॉजी में जाऊंगी की इंसेक्टा है तो इसकी बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया कितने सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में थोरैक्स में क्या होता है हेड में क्या होता है एबडोम में क्या होता है यस yes, एक बारी मैं वो सारी चीजें आपको बताती हूं यहां तक बेटा कोई दुग्ध समस्या तो नहीं अब मैंने कैसे बताया बेटा मैं कह रही हूं मॉर्फोलॉजी में जाएंगे ठीक है बात कॉकरोच की शक्ल सूरत मॉर्फोलॉजी की बेटा ये किससे बिलोंग करता है इंसेक्टा से बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली बात है मैम अगर इंसेक्ट्स की आप, और में भी बेटा ये बात कही हुई है कि आर्थ्रोपोड्स को यूजुअली आप उसकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हो इनटू हेड, इनटू हेड इन टू हेड इन एक ना छोटा सा डायग्राम ही बना लेते हैं ठीक है छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं यार ठीक है ना head, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन इनकी बॉडी को आप तीन हिस्सों में डिवाइड करो बेटा हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन छोटा सा एक बेटा छवि बना ही लेते हैं ना कॉकरोच की प्यारा सा एक छोटा सा कॉकरोच बना ही लेते हैं है ना सारे सेगमेंट्स भले ही ना बनाओ सारे सेगमेंट्स भले ही ना बनाओ ठीक है चलो इनके बेटा पर बनाते हैं विंग्स मेरे साथ साथ बनाओ बेटा बनाना है अभी मैं बना रही हूं तो तुमको भी बनाने का है मैं बना रही हूँ तो तुम भी बनाओ भाई हम हम देखो हमारा फ्रॉग भी खाते पीते घर का था और हमारा जो कॉकरोच है ये भी खाते पीते घर का है भाई हम अपने कॉकरोच को और फ्रॉग को भूखा नहीं रखते हैं तो और कोई डाइट वाइट भी बेटा इसका कोई सिस्टम नहीं है ये कोई योग वोगा भी नहीं करता है अपना मस्त बेटा खा पी के बैठा है ठीक है तुम्हें एग्जैक्टली exactly खाते पीते घर का ही कॉकरोच बनाना है अब इसके बेटा टांगों को बना देते हैं थोड़ा अरे पिंक कलर से नहीं बनाएंगे सफेद से बनाएंगे ज्वाइंटेड अपेंडेजेस है भाई ज्वाइंटेड अपेंडेजेस ज्वाइंटेड अपेंडेजेस तो होगा ही ना आर्थ्रोपोडा है ठीक है हाँ कह रहे हैं मैम उड़ जाएगा हाँ हाँ उड़ के तेरे पास ही आ रहा है अभी ये कॉकरोच इनकी बेटा खूबसूरत सी एंटी ने बना देते हैं इन मैडम की तुम्हें तो कैसे पता ये मैडम है या मिस्टर है अभी बताती हूं अरे भाई चलो पहली वाली जो विंग है वो थोड़ी डार्क होती है तो उसको डार्क कर देते हैं डार्क और ओपेक एंड मेम्ब्रेनस होती है पहली वाली विंग और यहां पे बना देते हैं इनकी ये ठीक है यस yes, बन गया हाँ हाँ हाँ, हाँ आदि बेटा बिल्कुल बिल्कुल हंड्रेड परसेंट पर तू सिलेक्ट होके बस आ उसके बाद बेटा इसको धर, धरा बोल रही हो इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो लॉन्ग बेटा मैंने इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटी ने ये इनके सेंसरी स्ट्रक्चर है भाई साहब के एंटी ने ये मैंने बेटा इनकी जो आंखें बनाई है जिससे ये देखते हैं दिस इज द कंपाउंड आइस कंपाउंड आइस अभी आप देखोगे इनकी बॉडी को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा हेड थोरैक्स एंड एबन जैसे बेटा क्या बनाया जाना आगे एक्सप्लेनेशन आएगी ठीक है अच्छा थोरैक्स के इनके तीन सेगमेंट्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स तो जो इनका प्रोथोरैक्स थोराक्स का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है ना उसके ऊपर बड़ी ही बड़ी सी एक प्लेट होती है आपको पढ़ाऊंगी काइटन की बनी हुई जिसे प्रोनोटम बोलते हैं प्रोनोटम जो होता है बड़ा सा प्लेट होता है बड़ा सा हार्ड काइटिन का बना हुआ एक प्लेट होता है जो इनके प्रोथोरैक्स को कवर कर रहा होता है फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट को कवर कर रहा होता है जो मैंने इतना बड़ा सा ये बनाया और हेड को भी थोड़ा सा कंसील करता है हेड को भी थोड़ा कवर करता है सब लिखेंगे अभी मैं सिर्फ इसको बता रही हूं कि ये ना प्रोनोटम कवरिंग ये प्रोनोटम है बिग काइटिनस प्लेट काइटिनस प्लेट ये बेटा ये आपके आप प्रोथोरैक्स के ऊपर ही है तो ये वाला पार्ट जो है ना आपका प्रोथोरैक्स का ही है ठीक है कवरिंग दी प्रोथोरैक्स कवरिंग प्रोथोरैक्स फर्स्ट थोरैक्स एक सेगमेंट कवरिंग प्रोथोरैक्स एंड कंसील सम पार्ट ऑफ कंसील सम पार्ट ऑफ हेड हेड को भी थोड़ा सा ना ये बड़ा सा प्लेट थोड़ा सा कवर कर देता है यस एवरीबॉडी यस एवरीबॉडी ठीक है <coughs> मैं बात करती हूँ बेटा इस विंग की तो हरे रंग की जो विंग बनाई हुई है ना इसे बोलते हैं बेटा फोर विंग्स जो मैं आपको अभी समझाऊंगी थोड़े टाइम में ये जो मैंने बेटा ऐसे सी बनाई हुई है इसे बोलते हैं बेटा हाइंड विंग जो मैं अभी आपको समझाऊंगी ठीक है ये जो बेटा स्ट्रक्चर ये जो मैंने पार्ट बनाया है ये बनायाबडोमन का है जिसके सेगमेंट्स मैंने काउंट करके नहीं बनाए हैं तो आपको काउंट करके नहीं बनाना है अभी और ये मैंने बेटा क्या बनाया इनके लेग्स को बनाया जो मैं अभी आपको समझाऊंगी थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं अब कई बच्चे बेटा वही पीडीएफ वाले जो आते हैं अच्छा एक तरफ से कॉकरोच लेग से चलता है और दूसरी तरफ से कॉकरोच उड़ता है क्योंकि एक तरफ लेग्स दिखाए हैं मैंने एक तरफ विंग्स दिखाई है ऐसा नहीं है बेटा विंग्स इस तरफ भी है विंग्स इस तरफ भी है टांगे इस तरफ भी है टांगे इस तरफ भी है बेटा वो मैंने इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि हलवा बना दोगे डायग्राम का ठीक है तो लेग्स भी है विंग्स भी है दोनों तरफ है बेटा ऐसा नहीं कि एक ही तरफ है ये बात क्लियर है, येस एवरी येस एवरी है? इसके अलावा बेटा मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिसे मैंने बोला एनल सरकाई सेंसरी स्ट्रक्चर होता है टेंथ सेगमेंट में प्रेजेंट होता है नीट में आया हुआ सवाल भी है और ये मेल और फीमेल दोनों में है अभी मैं आपको समझाऊंगी एनल सरकाई नाम का जो स्ट्रक्चर है वो मेल और फीमेल दोनों में भी होता है दोनों में ही होता है और अगर कोई डायग्राम आपको सिर्फ ऐसा दिख रहा है ना सिर्फ एनल सरकाई के साथ तो आपको क्लियरली समझना है कि ये हमारी मोहतरमा है हमारी फीमेल है ठीक है हेलो मिस मिस बोलिएगा आप मिस्टर नहीं ठीक है जी अगर सिर्फ एनल सरकाई दिख रहा है और इसी के साथ अगर किसी डायग्राम में आपको ऐसा सा भी एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे बोलते हैं एनल स्टाइल्स ऐसा सा जो मैंने डायग्राम में अभी नहीं बनाए क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया ही नहीं है मैं आपको समझाऊंगी तो वो हो जाते हैं मेल कॉकरोच यानी कि जस्ट लाइक like हमारा फ्रॉग इसमें भी बेटा सेक्सुअल डाइमोरफिज होता है मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है इसमें भी यही सेम है मेल अलग है फीमेल अलग है मैं आपको पॉइंट लिखवा दूंगी कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक मेल को फीमेल से ये तो मैंने बेटा आपको सिर्फ एक छवि दिखाई है इनकी छवि नहीं बनाएंगे तो ये भी बुरा मानेंगे फ्रॉग को भी हमने बनाया था तो हेड थोरैक्स एंड एबडोम विंग्स दिखा दी मैंने जॉइंटेड दिखा दिए, मैंने एनल सरकाई दिखा दिया मैं आगे आपको लिखवा भी दूंगी मेल और फीमेल दोनों में होता है ठीक है आगे yes, yes, yes! आगे बेटा जी, yes! आगे बेटा जी, जी अगर मैं आपसे कहूं कि इनकी बॉडी बेटा किससे कवर्ड थी इनकी बॉडी जो है इट इज कवर्ड विद इट इज कवर्ड विद हार्ड हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन तो गलत नहीं होगा और बेटा यही काइटिनस एक्सोस्केलेटन ना इनको एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में भी बेटा सर्वाइव करने में काफी सहायता करता है मदद करता है काइटिन का बना हुआ काइटिन के बारे में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे तो काइटिन से बना हुआ हार्ड एक्सोस्केलेटन इनके पास होता है बेटा अगर एनिमल किंगडम थोड़ा सा याद आ रहा हो एनिमल किंगडम अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो क्या आपको एनिमल किंगडम में याद है तीन फाइलम्स ऐसे होते हैं जब आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम अगला चैप्टर एनिमल किंगडम ही पढ़ेंगे ठीक है एनिमल किंगडम से मेरी काफी पुरानी यादें जुड़ी है मैं आपको बताऊंगी उसी दिन तो जब आप एनिमल किंगडम देखेंगे ना बेटा तो आप देखेंगे कि तीन ही फाइलम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है ओनली थ्री फाइलम्स विद मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड विद सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स वहां पे पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है

मैंने ये बोला बेटा जी कि ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखती है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा ये इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखती है राइट मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखती है और मैम अगर मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात करें ना तो हर एक जो ऐसे ऐसे करके हम बनाते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन हर एक जो ये सेगमेंट है ना मैम ईच सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ मेटामियर हर एक जो मैम इसका सेगमेंट है ना हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा एक मेटामियर हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा मेटामियर ठीक है metamere. और हर एक मेटामियर इज कवर्ड विद इज कवर्ड विद इज कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन हर एक मेटामियर के ऊपर बेटा काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है हर एक मेटामियर के ऊपर ये हार्ड बेटा एक्सोस्केलेटन है और हरेक मेटामियर के ऊपर बेटा हर एक मेटामियर के ऊपर बेटा जो एग्जोस्केलेटन है ना काइटिन की जो प्लेट है हार्ड कवर है इसी बेटा काइटिनियस एक्सोस्केलेटन को बोलते हैं स्क्लेराइट क्या मेरी बात सबको समझ लगी मैंने बोला है इनकी बॉडी जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है मेटामेरिकली सेगमेंट मतलब मैं होते हैं और मैं जो मैं की बात करूं तो मेटामियर्स हर एक मेटामियर के ऊपर ना आपके के एग्जोस्केलेटन है।, है जो काइटिन की मैम कवरिंग है ना हर एक सेगमेंट के ऊपर उसी को हम बोलते हैं स्क्लेराइट उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा स्क्लेराइट यस yes, एवरीबॉडी

कॉकरोच की बॉडी को ऑब्जर्व करो कॉकरोच की बॉडी को ऑब्जर्व करो आपको दिख रहा है बेटा ये जो इसकी बॉडी है अगर ये कॉकरोच ऐसे खड़ा है बेटा कॉकरोच ऐसे ही खड़ा होगा ना कॉकरोच ऐसे तो खड़ा नहीं होगा जैसे हम खड़े हैं ऐसे करके खड़ा है हाय हाय हेलो ह्यूमन कॉकरोच इज स्टैंडिंग लाइक दिस ऑलवेज बेटा मुंह इसका होगा धरती की तरफ देखोगे ये देखो मुंह इसका तो अगर तुम इस कॉकरोच को ऑब्जर्व करोगे तो ये एक सेगमेंट के ऊपर का एक हार्ड प्लेट है स्क्लेराइट और ये एक सेगमेंट के ऊपर है बेटा ऐसे करके स्क्लेराइट फिर अगले सेगमेंट के ऊपर है स्क्लेराइट। ये हार्ड प्लेट जो है हर एक सेगमेंट के ऊपर उसे मैं स्क्लेराइट बोल रही हूँ राइट अगर मैं देखूं बेटा इसके स्क्लेराइट में जो इसका डोरसल स्क्लेराइट है जो डोरसल तरफ पे जो ऊपर की तरफ डोरसल की तरफ पे बेटा जो स्क्लेराइट है उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं टर्गम या टर्गाइट और वैसे ही जो नीचे की तरफ मैम स्क्लेराइट है उसे क्या बोलते हैं स्टर्नम या स्टरनाइट और ऊपर और नीचे तो हो गया साइड से भी है ना इसे डब्बे जैसा मैं बोल रूं डब्बे जैसा डब्बे जैसा शाश्वत बेटा एब्सोल्युटली ठीक है डब्बे जैसा है ना तो डॉसल साइड पे स्क्लेराइट स्टर्गम वेंट्रल साइड पे स्टर्नम और लेट्रल साइड पे प्लिय क्या मेरी बात समझ आ रही है यस yes, एवरीबॉडी मेरी बात समझ आ रही है

तो ये ब्रेन इज ऑल्सो लाइक दिस कीप योर स्पाइन स्ट्रेट सो दैट योर ब्रेन इज ऑलवेज एक्टिव तो ब्रेन को एक्टिव रखने का है बेटा अगर आप क्लास में बैठे हो देखो मैं आपको ना क्लियरली बता रही हूं अगर आपको चाहिए आपको नींद आ रही है आपको मौत आ रही है आपको सोना है आपको ब्रेक चाहिए आप बेटा मेरी एडवाइस मानो आप ब्रेक लो और सो जाओ बेटा जाके ठीक है रिकॉर्डेड देख लेना कोई बात नहीं पर अगर आप क्लास में बैठे हो क्लास में समय दे रहे हो आप बिल्कुल अटेंशन के साथ में कमर गर्दन सीधी करके मैम भी खड़ी है तो आपको तो दो स्पाइन्स स्ट्रेट रखना है और पानी पीते रहो मस्त ठीक है चलो मैंने क्या बोला बेटा डोरसल साइड पे डोरसल साइड पे आ, इसकी जो स्क्लेराइट होती है इसको बोलते हैं टर्गम इट इज नोन एज टर्गम टर्गम या टर्गाइट ठीक है वेंट्रल साइड पे इसे बोलते हैं स्टर्नम या स्टरनाइट ठीक है और बेटा लेटरल साइड पे इसे बोलते हैं प्लूरा तो एक कंप्लीट स्क्लेराइट को बनाने के लिए एक कंप्लीट स्क्लेराइट को बनाने के लिए बच्चा पार्टी मेरे को एक बात बताओ एक कंप्लीट स्क्लेराइट को बनाने के लिए कितने टर्गम कितने स्टर्नम और कितने प्लूरा अगर मेरे को एक स्क्लेराइट बनाने का है अगर मेरे को एक स्क्लेराइट बनाने का है तो मेरे को चाहिए है एक टर्गा एक प्लूरा नहीं एक स्टरना, ठीक है प्लस टू प्लूरा हा ना? हा या ना बच्चा पार्टी एक स्क्लेराइट को बनाने के लिए एक स्क्लेराइट को बनाने के लिए एक टर्गम एक स्टर्नम एंड दो प्लूरा हा याना हा ना? यस यस डन डना डन डन न वन टू एब्सोल्यूटली जिसको आंसर पता है वो कमेंट्स में आंसर जरूर लिखना बेटा जिसको आंसर पता है वो कमेंट्स में जरूर आंसर लिखना बेटा अब बात की मैंने बेटा आर्थ्रोडियल आर्थ्रोडियल क्या होता है पहले डेफिनेशन लिखो फिर मैं बता दू फ्लेक्सिबल मेंब्रेन ये फ्लेक्सिबल मेंब्रेन है ये भी ना अगर आप कॉकरोच को पकड़ के ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको दिख जाएगी फ्लेक्सिबल मेंब्रेन कनेक्टिंग दी फ्लेक्सिबल मेंब्रेन कनेक्टिंग दी स्क्राइट मेम्ब्रेन कनेक्टिंग अगर आप कॉक्रोच को बेटा ध्यान से करो ना, अगर आप कॉक्रोच को बना रही अभी मैं तो आपको बेटा थ्री डी नहीं बना के बता सकती बट जैसे आप टू डी में समझो कि एक स्कलैराइट और दूसरी स्कलैराइट है ये ये स्क्लेराइट है दूसरी स्क्लेराइट है आप अगर कॉक्रोच को कभी ना तो पकड़ोगे कभी पकड़ने को अगर आपको मिला और आप उसकी ना फोरसेप फोरसेप पता है ना जैसे आईब्रो प्लग करने के लिए ऐसे फोरसेप्स होती हैं है ना आप मेडिकल उसमें तो बहुत यूज करेंगे तो आप उसकी अगर स्क्लेराइट को उठा उठा के देखोगे ना स्क्लेराइट ऐसे नहीं है कि एकदम जुड़ी हुई है बिल्कुल मूव नहीं कर सकती स्कलैराइट आपस में कनेक्टेड होती है फ्लेक्सिबल मेंबरेन से तो ये स्क्लेराइट जो कनेक्टेड होती है फ्लेक्सिबल मेंबरेन से इसी को बोलते हैं बेटा आर्थ्रोडियल में इसी को क्या बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्या मेरी बात समझ गए येस स्क्राइड्स आर कनेक्टेड विद दी आर थ्रोडियल इज अ फ्लेक्सिबल मेम्रेन कनेक्टिंग दी स्क्राइड्स टूगेदर ठीक है यस yes, धानश्री ने एकदम देसी भाषा में बोला है चिमटा बिल्कुल बेटा चिमटे की ही बात कर रही हूं मैं अब बेटा मैं आपको ना इसकी बॉडी के सेगमेंट्स बता रही हूँ मैंने क्या बोला मेटामेरिकली सेगमेंट है और आगे आप देखोगे की कॉकरोच का जो डेवलपमेंट होता है पहले एग होता है कॉक्रोच का फिर निम्फ बनता है बेबी कॉकरोच छोटू कॉकरोच, बच्चा कॉकरोच निम्फ, निम्फ और निम्फ से देखोगे छह सेगमेंट होते हैं एडल्ट में एक होता है थोरैक्स में देखोगे छोटू कॉकरोच के और बड़ू कॉकरोच के तो तीन तीन सेगमेंट होते हैं एपडोम में देखोगे छोटू कॉकरोच के तो ग्यारह सेगमेंट और एडल्ट में होते हैं दस सेगमेंट ठीक है इसका मतलब मैम एडल्ट में और निम्फ में डिफरेंस है एडल्ट में चौदह सेगमेंट्स होते हैं और निम्फ में मैम सिर्फ एडल्ट में सिर्फ चौदह सेगमेंट होते हैं और निम्फ में मैम बीस सेगमेंट होते हैं एनसीआरटी ने बहुत क्लियरली बेटा एक बात कही हुई है कि हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट ये एनसीआरटी की लाइन बता रही हूं ये मैं एग्जैक्ट एनसीआरटी की लाइन बता रही हूं तो एनसीआरटी में बताया है कि जो बेबी कॉकरोच है जो निम्फ था बेटा उसके हेड में छह सेगमेंट थे से। बेटा हमारे केस में भी तो होता है हमारे जो एडल्ट्स में हड्डियां होती है दो पहले ज्यादा होती है और पहले होती है, फ्यूज हो जाती है यस 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 एवरीबॉडी क्या मेरी बात समझ रहे हो यस एवरीबॉडी है ना वैसे बेटा इसके निम्फ में हेड में छह सेगमेंट होते हैं वो फ्यूज करके एक सिंगल सेगमेंट बनाते हैं थोरैक्स में बेटा तीन और तीन एबडोम में ग्यारह और दस ठीक है अब मैं बेटा एक एक करके ना इसके पार्ट के बारे में आपको बताती जाती हूँ अच्छा इस कॉकरोच को जरा ऑब्जर्व करो कॉकरोच को ऑब्जर्व करो देखो मैम ये नेम क्या है बेटा बेबी कॉकरोच बताया तो अभी है ना छोटू छोटी छोटे छोटे कॉकरोच दिखते हैं तुम्हें बेबी कॉकरोच ठीक है अगर बेटा तुम इस कॉकरोच को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें इसका सर दिख रहा है इसका सर जो होता है कितना डाउन टू अर्थ है और तुम लोग देखो आधे बच्चे हवा में उड़ते हैं कितना डाउन टू अर्थ है ऑलवेज इसका जो हेड होता है ऑलवेज टूवर्ड्स द ग्राउंड और हेड में होते हैं माउथ पार्ट्स अभी मैं बताऊंगी ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड है ना एंड वेरी गुड समीर बेटा समीर कह रहा है हेड इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी अभी मैं वही बताऊंगी पहली बात तो हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स छह सेगमेंट और बेटा Exactly एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ट्राइंगुलर मैं सही बता रही हूं अगर कॉकरोच पकड़ने का सौभाग्य कभी तुम्हें मिले तो तुम देखोगे देखो ऐसा देखो इसकी वैसे तो इसमें तुम्हें क्या ही नजर आएगा सामने मुंडी इसकी मुंडी सच में ऐसी होती है और आंखें ऐसी होती है ट्राइंगुलर कसम से बता रही हूं ट्राइंगुलर इन शेप तो एनसीआर कहती है हेड इज अ ट्राइंगर एंड परपेंडिकुलर टू द बॉडी वेरी डाउन टू अर्थ बेटा बिकॉज माउथ पार्ट हमेशा ग्राउंड की तरफ होते हैं बॉडी एंड पर पेंडिक्यूलर टू दॉडी पर पेंडिक्युलर टू द बॉडी देखना जरा बेटा इस छवि को जरा देखना ये इसका सर ये इसकी सर और ये इसकी बॉडी और एनसीआरटी ने एक बात कही है हेड जो होता है थोरैक्स से कनेक्टेड होता है स्मॉल गर्दन एक छोटू सी गर्दन से बेटा कनेक्टेड होता है आपने गर्दन अलग से लिखा नहीं आपने लिखा है head, थोराक से पर के उस शब्द को तो हमें समझने की बेटा जरूरत है एनसीआरटी ने क्या कहा है पहले मैं वो लिखती हूं फिर मैं आपको समझाती हूं हेड इज कनेक्टेड टू हेड इज कनेक्टेड टू दू द By short extension of very important line बेटा short extension of prothorax called as neck देखो बेटा गर्दन अलग से ऐसा कुछ नहीं है और गर्दन अलग से ऐसे नहीं है इनकी जो थोरैक्स की फर्स्ट सेगमेंट होती है जैसे प्रोथोरैक्स बोल रहे हो उसी प्रोथोरैक्स की थोड़ी एक्सटेंडेड पार्ट होता है जिसे आप क्या बोलते हो बेटा को आप बोलते हो बिकॉज इट इज कनेक्टेड हेल्प ऑफ दैट शॉर्ट नेक नेक अलग से कुछ नहीं है प्रोथोरैक्स का ही एक्सटेंशन है अलग से कुछ नहीं है प्रोथोरैक्स का ही एक्सटेंशन है और बेटा तुमने देखा था ना

हेड के पास होती है मैम कंपाउंड आइज जिनके हेल्प से बेटा ये देख पाते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी विजन के लिए मैम हेड के पास तो मैम सिंपल आइज भी होती है बट सिंपल आइज का कोई काम नहीं है सिंपल आइज नॉन फंक्शनल होती है जिसे ऑसी लाई भी बोलते है. हैं है, है. मैम हेड से एसोसिएटेड एंटीने भी होते हैं और सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली ये मैम हेड से एसोसिएटेड माउथ पार्ट्स भी होते हैं जो आपको अभी डिस्कस करने हैं जो एनसीआरटी में काफी अच्छी तरीके से दिए हुए हैं माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आप सोचोगे मैम यार इंसेक्ट मैम इसके भी माउथ पार्ट पढ़ने पड़ेंगे पढ़ने पड़ेंगे बेटा एक मार्क्स पे सौ सौ रैंक आ जाती है एक ही नंबर पे एक नंबर एक क्वेश्चन से तो चार नंबर मिलते हैं चार ठीक है यस हम्म मैथ्स में बहुत जल्दी मैथ्स पढ़ाऊंगी तो कह रहे हैं ना मैं मैथ्स पढ़ाऊ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा रही हूँ कल ही पढ़ाती हूँ कल मैं लगाती हूँ अपना जेही वाला पे अपना लेक्चर ठीक है मैथ्स पढ़ाती हूँ चलो माउथ पार्ट की बात करें बेटा ये माउथ पार्ट्स इनके माउथ पार्ट को बेटा क्या बोला जाता है बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट माउथ पार्ट्स को बोला जाता है बाइटिंग एंड चूइंग ये क्यों लिखना जरूरी है पहली बात तो एनसीआरटी में दी है इसीलिए लिखना जरूरी है और बाइटिंग एंड चूइंग का क्या मतलब है आप मच्छर को देख लो बेटा मच्छर इंसेक्ट है ये भी इंसेक्ट है मच्छर बेटा पियर्स करता है एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ मच्छर पियर्स करता है और खून चूसता है एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ और कॉकरोच क्या करता है बाइटिंग बाइटिंग कट कट करता है बेटा चीजों को कट करता है तो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है इनके मच्छर भी इंसेक्ट है पर वो पियर्सिंग एंड सकिंग करता है ठीक है और अगर मैं बेटा इनके माउथ पार्ट्स की बात करूं तो बेटा देखो क्वेश्चन कैसे आएगा माउथ पार्ट्स के नाम पूछे जाएंगे लेब्रम सिंगल होता है अपर लिप को कहते हैं आप सोचो बेटा इनके भी अपर लिप लोअर लिप का नाम हमें याद रखना है और अपर लिप और लोअर लिप के नाम में बेटा कंफ्यूज होते हो अपर लिप और लोअर लिप के नाम में भी कंफ्यूज होते हो बेटा ठीक है लेब्रम अपर लिप लेबियाम लोअर लिप लेबियाम इज आल्सो बेटा सिंगल दैट इज लोअर लिप जैसे हमारे पास टंग है बेटा इनके पास भी टंग होती है जो हाइपोफेरिंग्स होती है इनका जो हाइपो है दैट इज ओनली देयर टंग हाइपोफेरिंग से सिंगल बेटा दैट रिप्रेजेंट्स द टंग ऑफ द कॉकरोच वेरी इंपॉर्टेंट अगेन पूछते हैं टंग कौन रिप्रेजेंट कर रहा है फिर आप पढ़ते हो बेटा मैंडिबल्स फिर आप पढ़ते हो बेटा मैंडिबल्स मैंडिबल्स पेयर हैं और मैगजीले अगेन पेयर्ड हैं। देखो सबके बारे में तो बेटा आपको ज्ञान नहीं लेना है लेकिन मैंडीबल्स के बारे में एनसीआरटी ने कहा है कि ये जो मैंडीबल्स होते हैं इनके इनर साइड पर और मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगी भी इनके इनर साइड पे बेटा इन सीजन रीजन होते हैं इनर साइड पर इन सीजन रीजन होते हैं इन मतलब धारीदार कट करने वाले धारीदार धारीदार रीजन होते हैं जो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं फूड की Grinding food में बेटा हेल्प करते हैं आपको अभी, में दिखाती, हूं। मैं आपको अभी में दिखाती हूं और डायग्राम क्यों जरूरी है क्योंकि कभी-कभी से भी बेटा आ जाती है आप इनके अपर लिप को देखिए बेटा गलती ना करना ये अपर लिप है और इन भाई साहब का लोअर लिप देखिए बेटा दिस इज लेबियम लोअर लिप ये इन भाई साहब की टंग है दैट इज ये सारे सिंगल है बेटा लेबियम और ये मैंडिबल देखो बेटा पेयर्ड है और ये मैग्जिले देखो बेटा पेयर्ड है पेयर्ड मैग्जिले पेयर्ड मैंडिबल मैंडिबल का बेटा अंदर की तरफ रीजन देखो देखो कैसा है देखो कैसा है बेटा ग्राइंडिंग रीजन बेटा बड़ा ही धारदार बेटा मैग्जिले क्या करता है फूड को ना मैंडिबल तक लेके आता है और मैंडिबल mandible... खच खच अब इमेजिन करो अब इमेजिन करो मैंडिबल अगर ऐसे ऐसे मूव करे मैंडिबल अगर ऐसे ऐसे मूव करे तो कैसा बेटा फूड टुकड़े टुकड़े होंगे कि नहीं हालांकि पूरे टुकड़े ये नहीं करता है फिर इसके गट के अंदर बेटा खाना जाता है और गट के अंदर जाके बेटा गिजर्ड नाम की भी एक चीज होती है जिसके अंदर काइटीनियस टीत होते हैं जो कि खाने को वो कर रहा होता है तोड़ रहा होता है राइट यस एवरीबॉडी राइट ये इनके बेटा हेड से रिलेटेड स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज माउथ पार्ट्स एंड ऑल दिस बेटा आई के बारे में तो जब मैं सेंसरी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी ठीक है अब बात करते हैं बेटा इनके थोरैक्स की वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है आप इनके अगर थोरैक्स को ऑब्जर्व करो हम इन्हें ऐसे डायग्राम बना लेते हैं हम ऐसे ही डायग्राम बना लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा बिल्कुल ध्यान से करिए सफेद रंग से बनाते हैं बेटा ठीक है तो इनके पास तीन थोरैसिक रीजन है बेटा प्रोथोरैसिक रीजन न यू हैव मीजोथोरासिक रीजन एंड देन यू हैव मेटाथोरासिक रीजन यही है ये है इनका प्रोथोरैक्स ये है इनका प्रोथोरैक्स ये है इनका, इनका मीजोथोरैक्स और ये है इनका मेटाथोरैक्स हांजी इनकी बेटा हमने पर तो इनके बना के देखी थी ना पर पर विंग्स मीजोथोरैक से निकली एक विंग्स ऐसे नहीं बनाते ऐसे बनाते मीजोथोरैक्स अब बनी ना बेटा अच्छी विंग ऐसी विंग बनानी थी हमें यहां भी थोड़ी एकदम है ना ये मस्त विंग बनी इसकी ये वाली और एक होती है बेटा ऐसी अरे ये एक अच्छी बनी तो एक को बिल्कुल मौत आ रही है ये इनकी मेटाथोरासिक विंग्स अगर आप बेटा देखो आप, बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इनकी पहली विंग को ऑब्जर्व करो तो पहली विंग कहां से निकली है पहली विंग प्रोथोरैक्स से नहीं निकली है बेटा यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहली विंग्स बेटा प्रोथोरैक्स से नहीं निकली है पहली विंग मीजोथोरैक्स से निकली है अगर आप इनकी टांगे देखोगे तो इनकी टांगे बेटा तीनों सेगमेंट्स में है इनकी टांगे तीनों सेगमेंट में है तो टांग को तो याद रखना बेटा मुश्किल नहीं है टांगे तीनों सेगमेंट में है फिर बेटा कौन सी दुखदर्द समस्या टांगे तीनों सेगमेंट में है प्रोथोरैक्स में भी है मीजोथोरैक्स में भी है मेटाथोरैक्स में भी है तो टांगों को तो याद रखने में कोई समस्या नहीं है बेटा यस yes? यस yes? टांगों को तो याद रखने में कोई समस्या ही नहीं है प्रोथोरैक्स से प्रोथोरासिक लेग्स मीजोथोरैक्स से मीजोथोरासिक लेग्स मेटाथोरैक्स से मेटाथोरासिक तो लेग्स दैट्स ऑल थ्री पेयर ऑफ लेग्स फिनिश खत्म लेकिन विंग्स होती है मैम टू पेयर और इसीलिए हमें मौत आती है याद रखने में कि मैम प्रोथोरैक्स है या नहीं है प्रोथोरैक्स से कोई विंग्स नहीं होती है विंग्स होती है सिर्फ मीजोथोरैक्स से और मेटाथोरैक्स से और विंग्स को बेटा देखो कैसी अलग अलग है जो इनकी फोर विंग्स होती है ना आगे वाली विंग्स को बोलते हैं फोर विंग्स और मीजोथोरसिक विंग्स या फिर टेगमिना या फिर एलिट्रा ये सारे एक ही पंछी के नाम हैं फोर विंग्स के अलग अलग नाम है हाइंड विंग्स का सिर्फ एक ही नाम है मेटाथोरसिक विंग्स कई बार बच्चे कहते हैं अच्छा टेगमिना फोर विंग्स का नाम है एलिट्रा हाइंड विंग्स का नाम है नहीं बेटा गलती कर दोगे गलती कर दोगे फोर विंग्स का नाम होता है मेजोथोरासिक विंग्स टेगमिना एंड एलेक्ट्रा हाइन का नाम होता है विंग्स 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 क्या बेटा उसका कोई तीसरा नाम नहीं है फोर लेदरी लेदरी डार्क ओपेक उड़ने के काम में नहीं आती है फिर क्यों होती है जब आप कॉकरोच को चलते हुए देखते हो ना आपको वो कॉकरोच का ऊपर से जो शाइनी शाइनी विंग डार्क कलर का नजर आ रहा होता है चमकीला चमकीला मेमरे लेदरी वो आपका फोर विंग होता है और जैसे ही बेटा वो फोर विंग को जैसे ही आप उसके करीब आए फोर विंग जो अभी तक बेटा कवर थी फोर विंग को हटाएगा हाइंड निकलेगा और कॉकरोच उड़ेगा समझ में आ आगे बेटा बात यस हाइंड बेटा बिल्कुल होती है ऐसी मेम्ब्रेनस ट्रांसपेरेंट कभी तुमने बेटा हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर बोलते थे उसको ड्रैगन फ्लाई को बोलते हो तुम लोग के यहाँ बोलते हो हम लोग तो बोलते थे हेलीकॉप्टर बोलते थे उस उसकी विंग्स आपने देखी है कैसी पतली पतली सी विंग्स ऐसे लगता है छुओ तो फट जाएगी विंग है ना यस हाइंड विंग्स आर मेम्रेनस एंड ट्रांसपेरेंट दो हाइंड विंग्स विंग्स हाइंड उड़ने के काम में आती है फोर विंग्स सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही होती है हाइंड विंग्स को ड्यूरिंग द रेस्ट चलो फटाफट से लिखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज बेटा फटाफट से लिखते हैं ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज टेगमीना या एलेक्ट्रा ऑल्सो नोन एज टेगमीना और एलेक्ट्रा ठीक है यस yes. आ, बोलते नहीं थे तुम लोग हेलीकॉप्टर कैसे बन रहे हो तुम तो बड़े सोफेस्टिकेटेड हो तुमने कभी हेलीकॉप्टर नहीं बोला है बड़े है, बोला है ना हाँ ठीक है तो नॉट यूज फॉर फ्लाइट बेटा याद रखना है याद करते जाओ नॉट यूज फॉर फ्लाइट उड़ने के काम में ये कतई नहीं आती है ठीक है प्रोटेक्ट द हाइंड विंग ड्यूरिंग रेस्ट प्रोटेक्ट द हाइंड विंग ड्यूरिंग रेस्ट प्रोटेक्ट हाइंड विंग ड्यूरिंग रेस्ट डन एंड नॉट एंड डन अच्छा एक और चीज लिखनी है ना डार्क ओपेक एंड लेदरी डार्क ओपेक एंड लेदरी हाइंड विंग्स बेटाथोरसिक विंग्स बेटा ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट एंड मेंस transparent and membranous and of course beta they are used for flight udne ke kaam mein aayengi legs beta of course ye to तो wings thi two pair lekin legs hoti hai ma'am three pair three pair में जो प्रोथोरैक्स से निकली वो प्रोथोरैसिक लेग्स जो मीजोथोरैक्स से निकली वो लेग्स और जो मेटाथोर से निकली वो लेग्स क्या सारे बच्चों को समझ लग रहा है हाँ या ना एवरीबॉडी 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 लास्ट बेटा इनकी मॉर्फोलॉजी में क्या बचता है इनका एबडोम और एबडोम की बेटा कुछ कुछ जो पार्ट है ना वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझ में आएंगी कुछ कुछ डायग्राम से रिलेटेड है तो अभी आप मॉर्फोलॉजी में उसे नोट्स में लिख लेना और जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी ना तो उसके डायग्राम से आपको समझाऊंगी ठीक है डन 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 मैम बहुत क्यूट लगती है ड्रैगन फ्लाई भी पकड़ा है मैंने डन ठीक है ना अब चलो एब्डोमेन की बात करते हैं अभी मैं आपको एबडोम में ना बेटा कुछ कुछ चीजें बता रही हूं जो आपको अभी नहीं समझ लगेगी रिप्रोडक्टिव में आपको समझ लग जाएगी देखो फीमेल तो दोनों में दस सेगमेंट्स होते हैं ठीक है अब बेटा मेल में और फीमेल में एबडोम में जेनाइटल पाउच नाम की चीज होती है ठीक है जेनाइटल पाउच जेनाइटल चेंबर ब्रूड पाउच मेल में भी जेनाइटल पाउच है फीमेल में भी जेनाइटल पाउच है बेटा इंपॉर्टेंट बहुत है ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि मेल में भी जेनाइटल पाउच है फीमेल में भी जेनाइटल पाउच है तो ये किस चीज के मिलने से बनता है किस चीज के मिलने से जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चेंबर या आप जो ब्रूट पाउच बोल रहे हो किससे मिलने से बनता है फीमेल में भी है जेनाइटल पाउच मेल में भी है जेनाइटल पाउच एबडोम में स्टारमार्क करके लिखना बेटा इसे स्टारमार्क करके इट इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ ट इज फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ सेवेंथ एथ नाइन्थ स्टर्नम वेरी 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 इंपॉर्टेंट और मेल में ब्रूड पाउच मेल में जेनाइटल पाउच है फ्यूजन ऑफ फॉर्मड बाई द फ्यूजन ऑफ और मैं आपको ना एक चीज इसमें जो लिखी हुई है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम से रिलेट करा दूंगी एक एक चीज जो हमने लिखी हुई है ये मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगी कि ये है फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ नाइन्थ एंड टेंथ टर्गम नाइन्थ एंड टेंथ टर्गम अलोंग विद नाइन्थ स्टर्नम अलोंग विद नाइन्थ स्टर्नम बेटा देखो मेल में भी जेनाइटल पाउच है फीमेल में भी जेनाइटल पाउच है लेकिन मेल का जो जेनाइटल पाउच है वो 9th, 10th और 9th sternum के फ्यूजन से बनाए नाइन्थ और टेंथ पार्ट को बनाती है में में जिसे बोलते हैं का कोई काम नहीं है है के ही fusion से genital pouch बनता ऑल्सो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल का जो सेवेंथ स्टर्नम होता है वो बोट शेप होता है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीड पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड दिखा रहे होती है जेनाइटलोनाइटल फीमेल के फ्यूजन से बनती है अगली जो लाइन मैंने लिखी हुई है ना बेटा वो ये लिखी है कि मेल जेनाइटल पाउच में आपको कौन कौन से डक्ट की या कौन कौन से स्ट्रक्चर की ओपनिंग दिखती है और फीमेल का जेनाइटल पाउच जो है उसमें आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर की कौन कौन सी चीजों की ओपनिंग दिखती है तो जब आप कंपेयर करोगे जब रिपोर्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो इजीली कंपेयर करोगे तो वहां तो आपको समझ आ ही जाएगा पर यहां पे भी एक बार ही देख लो जैसे ये जेनाइटल पाउच है ना इसमें आप देखोगे बेटा ये देखो जैसे स्पर्मा की ओपनिंग होती है इसमें ओविडक्ट की ओपनिंग होती है इसमें कोलेट्रियल ग्लैंड की ओपनिंग होती है ये आपको बेटा अभी आप सिर्फ लिखो आगे आपको समझाऊंगी मैं आगे आपको समझाऊंगी मैं कि फीमेल जेनाइटल पाउच में फीमेल गोनोपोर है मेल जेनाइटल पाउच में मेल गोनोपोर है गोनोपोर को जेनाइटल पोर भी बोलते हैं ठीक है ये याद रखने का तरीका है थोड़ा थोड़ा कंपेयर करो फीमेल जेनाइटल पाउच में फीमेल जेनाइटल पोर है मेल के केस में मेल जेनाइटल पोर है होता क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझोगे फीमेल के केस में स्पर्माथिकल पोर की भी ओपनिंग मैम इसी में होती है और कोलेट्रियल ग्लैंड कोलेट्रियल ग्लैंड की भी मैम ओपनिंग इसी में होती है है और ये पूछा जा सकता बेटा अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा मेल जेनाइटल पाउच और फीमेल पाउच में अलग अलग चीजों की ओपनिंग होती है फीमेल जेनाइटल पाउच के अंदर स्पर्मैथिकल पोर कोलेट्रियल ग्लैंड की ओपनिंग एंड स्पर्मैथिकल पोर की ओपनिंग होती है मेल जेनाइटल पाउच के अंदर बेटा डॉसल एनस डॉर्सल एनस वेंट्रली प्लेस्ड मेल जिनाइटल पोर एंड गोनाइपोफाइसिस पहले आपको बेटा मेरी बात समझ आई मेरी बात समझ में आ गई ये चीज मैं आगे आपको समझाऊंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कोई दुखदार समस्या किसी को यस yes, ये चीज आगे आपको समझाऊंगी बेटा अभी मॉर्फोलॉजी में किसी को कोई दुखदार समस्या यस एवरीबाडी डन डन ठीक है अब एनाटॉमी बेटा वन बाई वन हम करेंगे मैं आपको बताऊं लगातार दो बार डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी आपको मैं कॉकरोच का पीवाई क्यों कराऊंगी ना लास्ट में आप देखना डाइजेस्टिव सिस्टम से लगातार इसके पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को पूछा गया है बेटा लगातार लगातार ठीक है यस अब बेटा देखो सबसे पहले हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में ये बनाया हुआ है ना इसको हम खुद से बनाते हैं इसको हम खुद से बनाते हैं हम ना इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को खुद से बनाते हैं फिर इसके पार्ट्स को मैं आपको लिखवाऊंगी जो एनसीआर में दिया हुआ है एंड यू बिलीव बच्चा पार्टी आप आप विश्वास करो वैसे जब कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं ना बेटा और कट करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप कट करोगे ना आपको exactly एक्जैक्टली ऐसा ही डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता है आप कॉकरोच को कट करो एग्जैक्टली exactly बेटा इधर उधर एक परसेंट भी इधर उधर नहीं Exactly एग्जेक्टली ऐसा बेटा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको नजर आता है exactly एग्जैक्टली ऐसा तो हम सबसे पहले इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा जैसे एनसीआरटी में बनाया थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं इसका सर ज्यादा मोटा कॉकरोच बन गया बेटा हम्म चलो 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 जल्दी 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 माउथ माउथ लीड्स टू फैरिंग्स फैरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस ईसोफेगस लीड्स टू क्रॉप क्रॉप लीड्स टू गिजर्ड एंड दैट इज द फोर गट ऑफ कॉकरोच दैट इज द फोर गट ऑफ कॉकरोच बस देखो मैं आपके साथ साथ बना रही हूं ताकि आप मेरे साथ साथ बनाओ बेटा जिसको भागना है वो भाग गया आप पढ़ रहे हो आप मेरे साथ साथ बनाओ ठीक है मैंने क्या बोला इनका ये इनका इनका हेड है ये मैंने बोला कि मैम इनके पास अच्छा मैं नीचे की तरफ लेबलिंग करती हूं क्योंकि ग्लैंड बना रहे हैं ये है बेटा इनका माउथ यही सीक्वेंस दो बार लगातार नीट में आई है माउथ लीड्स टू बेटा फैरिंग्स इसी फ्लो चार्ट में कंप्लीट कर लो ताकि अलग से लिखने की जरूरत ना पड़े फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस फेगस गस लीड्स टू क्रॉप क्रॉप लीड्स टू बेटा गिजर्ड एंड ऑल दीज पार्ट आर कॉल्ड एज द फोर गट ऑफ कॉक्रोच यही सारे पार्ट मिला के मैम कॉक्रोच के फोरगट को बना रहे हैं माउथ फैरिंग इोफेगस क्रॉप एंड गिजर्ड लगातार दो बार सीक्वेंस से नीट में सवाल आया हुआ है ठीक है अब बेटा माउथ के ना कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवरी रिजर्वायर्स दिखाए चाहो तो बना लो कुछ सलाइवरी ग्लैंड और कुछ सलाइवरी रिजर्वर्स बनाए हुए हैं ये जो मैं अतरंगी तरीके से बना रही हूं ये सलाइवरी ग्लैंड है वन पेयर ही होते होते तो वन पेयर ही हैं पर हर तरफ इनके दो लोब्स हैं होते तो वन पेयर ही हैं, ठीक है ठीके? एक मैंने बनाया ये सलाइवरी ग्लैंड और एक मैंने बनाया बेटा रिजरवयर यह इनका सलाइवरी ग्लैंड और ये जो है बेटा ये है इनका सलाइवरी रिजर्व वॉयर सलाइवरी रिजर्व वॉयर ठीक है फोर गट की में कोई दुखदर समस्या अब मैं आपको बेटा ना एक एक पार्ट की वैसे इंपॉर्टेंस भी बताती जाती हूं और हम इसे ना जैसे कि इसकी गिजर्ड की और क्रॉप की एक प्रॉपर्टी बताई हुई एनसीआरटी में क्रॉप को कहा है कि क्रॉप इज अ लार्ज लाइक झोले जैसा होता है लाइक और ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें बेटा आप फूड को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हो दैट इज क्रॉप गिजर्ड के बारे में क्या कहा है गिजर्ड के बारे में कहा है कि मैम गिजर्ड को बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस क्या कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस अभी आपने बेटा किसकी मदद से फूड की ग्राइंडिंग की थी किसकी मदद से फूड की ग्राइंडिंग की थी बेटा क्या था वो मैंडिबल था मैंडिबल था यस थैंक यू बेटा हबीब है ना यस विशाल हां और अगर आप गिजर्ड को देखेंगे तो गिजर्ड भी अंदर से ना बेटा इसके पूरे फोरगट के अंदर ना क्यूटिकल की लाइनिंग होती है पूरे फोरगट के अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग होती है और अंदर ना गिजर्ड में बहुत ही हार्ड काइटिनस टीत होते हैं छे काइटिनस टीत होते हैं तो ये गिजर्ड के अंदर जो छे काइटिनस टीत होते हैं इसकी हेल्प से भी ग्राइंडिंग होती है तो पूछा जाता है किसके अंदर ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है दैट इज बेटा गिजर्ड गिजर्ड ऑल्सो नोन एज है जैसे तुम्हारे स्टमक के अंदर क्या होता है चर्निंग होती है चर्निंग होती है ना स्टमक की अंदर खाना डाइजेस्ट होता है तो बेटा चर्निंग कराने के लिए मसल्स की जरूरत पड़ती है मसल्स की मूवमेंट होती है वैसे गिजर्ड के अराउंड भी बेटा सर्कुलर मसल्स होती हैं जो सर्कुलर मसल्स आपके गिजर्ड के अंदर जो ये मूवमेंट होती है ना काइटिनस की उसकी मूवमेंट कराता है दैट्स ऑल फोरगट खत्म फिनिश क्रॉप और गिजर्ड के बारे में ही लिखना है अगला जो पार्ट आता है बेटा वो क्या है तुम्हारा मिडगट अगला जो पार्ट आता है वो ट्यूब होती है ऐसी जो मिडगट की ट्यूब है अगला जो पार्ट आता है वो ऐसी ट्यूब होती है जो मिडगट की ट्यूब होती है एक ध्यान देने वाली बात बस इतनी है बेटा कि फोरगट और मिडगट के जंक्शन में फोरगट और मिडगट के जंक्शन में मैम ऐसे स्ट्रक्चर कुछ दिखते हैं जो छे से आठ होते हैं इन्हें बोला जाता है हिपैटिक सी के और ये हिपैटिक सी के अगेन नीट में आया हुआ सवाल है क्या फंक्शन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने का लोकेशन एंड फंक्शन एंड नंबर ये पूछा जाता है लोकेशन फोरगट एंड मिडगट के बीच में नंबर से फंक्शन डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना ठीक है मिडगट के बारे में बेटा बड़ा आसान है आगे कुछ बताया है नहीं है मिडगट एक ऐसी ट्यूब होती है उसके कोई फर्दर बेटा डिविजन नहीं दिए हुए हैं मिडगट में आराम से मस्त डाइजेशन होता है कुछ नहीं दिया हुआ इसके अलावा और मिडगट जैसी ही बेटा एक ट्यूब होती है जो मिडगट से थोड़ी ज्यादा चौड़ी है मिडगट से तो थोड़ी ज्यादा चौड़ी है पार्ट बताए हुए हैं बेटा ठीक है थोड़ी गंदी सी हाइनगढ़ बन गई है थोड़ा सुधार करते हैं बेटा हाइनगढ़ के ट्यूब में ठीक है मिडगट से आया हाइनगढ़ मिडगट से आया बेटा हाइनगट अरे भाई थोड़ा ना अच्छे से नहीं बन रहा बेटा अब बनाते हैं ऐसे और हाइनगट के पार्ट्स में आपको बता देती हूं क्या बताया हुआ एनसीआरटी में जरा ध्यान दो बेटा ये पार्ट मैंने कहा आपको ये है आपका मिडगट ये पार्ट मैंने आपको कहा कि ये पार्ट है आपका मिडगट ये पार्ट बेटा मैंने आपसे क्या कहा हिपैटिक सी के हिपैटिक सी के क्लियर है ठीक है और ये मैंने कहा हाइन गट है हाइन गट के कौन कौन से पार्ट होते हैं इलियम कुछ और मेंशन नहीं किया बेटा हाइन गट के बारे में कोलॉन एंड रेक्टम इलियम कोलॉन एंड रेक्टम दिस इज द पार्ट ऑफ बेटा हाइन गट कुछ भी अतिरिक्त ज्ञान आपको हाइनगढ़ के बारे में नहीं लिखना है आपको कोई भी अतिरिक्त ज्ञान बेटा हाइनगढ़ के बारे में नहीं लिखना है सिर्फ इतनी सी बात दी हुई है बेटा के बारे में नेहा राइट यस कोई और बात नहीं लिखनी है और बेटा हाइनगढ़ फाइनली ओपन आउटसाइड वाया दिस ओपनिंग दिस इज कॉल्ड एज एनस नथिंग एज आपको फोरगट मिडगट के बारे में सॉरी मिडगट और हाइनगढ़ के बारे में और कुछ नहीं लिखना देखो मिडगट और हेन्डगट के बीच में भी बेटा कुछ टिब्यूल्स होती हैं येलोइश ग्रीनिश एंड 100 से 150 होती वन फिफ्टी होती से डेढ़ सौ बेटा, बेटा बोलते बोलते ना कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि मैं बोलती भी बहुत लाउड हूं तो आवाज मेरी बिल्कुल अंतर आत्मा से निकलती है तो बोलते बोलते एकदम ना पेट और थोरैक्स जो है थोड़ा पेन करता है इतनी आवाज अंदर से रही होती है <coughs> तो ये क्या है बेटा? ये टिब्यूल्स है। टिब्यूल्स के बारे में भी नंबर पूछा जाएगा और इसका फंक्शन पूछा जाएगा बेटा मेलफिगन टिब्यूल्स की लोकेशन क्या है ग्रीनिश येलो स्ट्रक्चर लोकेशन बिटवीन मिड गट हेपैटिक सी के 68 नंबर मल्फिगेन टिब्यूल 100 से वन नंबर क्या फंक्शन है एक्सक्रीशन क्या फंक्शन है डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करना दैट्स ऑल इसी को बेटा छोटा सा फ्लोचार्ट में लिख लेते हैं ठीक है डन एंड आर एंड डन एवरीबॉडी डन एंड आर एंड डन एवरीबॉडी ठीक है चलो यार एक गर्म पानी भिजवा देना प्लीज जल्दी 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 बेटा जल्दी 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 और युगल मैम टेक माई नेम ऑल्सो तेरा नाम ही नहीं लिखा है ये क्या थिंकर मी थिंकर मी तूने नाम लिखा है हाँ चलो यार ये स्क्रीन बंद होने वाली है माउथ फैरिंग्स ईसोफेगस अलग से वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी बट अभी हमें बेटा कुछ कुछ पार्ट्स के फंक्शन तो लिखने ही थे इसलिए हमने लिख लिया ईसोफेगस लीड्स टू क्रॉप क्रॉप लीड्स टू गेजर्ड क्रॉप के बारे में क्या लिखेंगे लार्ज सैकलाइक लार्ज सैकलाइक और क्या लिखेंगे बेटा स्टोर फूड इसके अंदर आप फूड को स्टोर कर सकते हो गिजर्ड क्यों ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिकुलस ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिक्यूलस प्रोवेंट्रिक्यूलस और गेजर्ट के बारे में क्या लिखना है बेटा हैज इनसाइड सिक्स काइटीनस टीथ जो क्या करती है वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क ग्राइंडिंग ऑफ फूड ग्राइंडिंग ऑफ फूड या ना बच्चा पार्टी हाँ या ना बच्चा पार्टी यस यस और बेटा गिज़र्ड हैज़ आउटर सर्कुलर मसल्स बिल्कुल एनसीआरटी की लाइन आउटर सर्कुलर मसल्स बिल्कुल की लाइन ठीक है और यहां पे बेटा एक पॉइंट और लिख लो जैसे ये बेटा इसका पार्ट तो नहीं है इस लाइन को बनाने का कोई तात्पर्य नहीं है बट आप एक चीज लिख लो कि इन दोनों के जंक्शन में हिपैटिक सी के आप इस तरीके से लिखो हिपैटिक सी के सिक्स टू एट इन नंबर जंक्शन ऑफ फोरग एंड मिडगट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट काम क्या होता है बेटा काम क्या होता है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स विद डाइजेस्टिव जूस ऑब्वियसली एंजाइम से मतलब जूस मतलब, के थ्रू ही तो एंजाइम आ रहा है ना हा या ना हा या ना राइट right? नहीं महिमा मैं हिंदी में नहीं बोलूंगी मैं चाइनीज में बोलूंगी चलिए चाइनीज में पढ़ते हैं मिड गार्ट इज अ ट्यूब एज अ ट्यूब लेस वाइडर देन हाइंड गट लेस वाइडर देन हाइंड गट हाइंड गट से बेटा कम चौड़ी होती है यह ट्यूब बट एक ट्यूब जैसी होती है इसके अलावा कुछ नहीं दिया है बेटा इसके बारे में इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है बेटा इसके बारे में योर सपोला हियर वेलकम ऑल माई सपोला नीलेष गट में होता है एलियम खोल एंड रेक्टम और बस एक चीज आपको लिखनी है बिटवीन मिडगट एंड आइनग कहां से आते हैं ये ऐसे चाइनीज और हिंदी में क्या कुछ भी बोलते हो बेटा कुछ भी बिट्वीन मिडगट एंड आइनग हंसी आती है मेरे को यार बिटवीन मिडगट एंड आइनग डू यू हैव वन हंड्रेड से वन फिफ्टी मैलफीब्यूल्स 100 से 150 फिफ्टी मैल्फिगिन टिब्यूल्स यस एवरीबॉडी और क्या करती है बेटा ये करती है एक्सक्रीशन ये करती है बेटा एक्सक्रीशन डन 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 एवरीबॉडी ये भी क्लास ले जाए युगल छुप छुप के लेके जा रहे हैं सामने से ले जा। यस एवरीबॉडी। डन डन बेंगली बोलो मैम ना आमी बांग्लाते कथा बोलबो ना ठीक है चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम करें रेस्पिरेटरी सिस्टम करें यस एवरीबॉडी बहुत छोटा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा इंसेक्ट्स के ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या बोला जाता है ट्रेकियल सिस्टम इंसेक्ट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या बोला जाता है ट्रेकियल सिस्टम बोला जाता है इंसेक्टवा का रेस्पिरेटरी सिस्टम इज बा। ट्रेकियल सिस्टम ठीक ठीक बानू हाँ ट्रेकियल सिस्टम होता है और बिल्कुल अगर आपको करना है जो कि हमें करना है ऑब्वियसली क्या होता है बेटा इनके ट्रेकियल सिस्टम में अगर आप इनकी बॉडी को थोड़ा ऑब्जर्व देखो पहले मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी दिस इज स्पाइरिकल्स दिस इज बेटा You have the trachea, then you have beta tracheoles and this is the tissue. इनके पास बॉडी में साइड में ओपनिंग होती है अभी मैं आपको रिलेट करके बताऊंगी ठीक है दिस इज कॉल्ड ए स्पाइरिकल्स इनके बॉडी में अगर आप कॉक्रोच को ऐसे देखोगे ना बेटा ये कॉकरोच की मुंडी ये कॉक्रोच ये कॉक्रोच कॉकरोच के ना साइड में ओपनिंग्स होती है ऐसी टेन पेयर ऑफ ओपनिंग जिन्हें बोलते हैं स्पाइरिकल्स जिन्हें बोलते हैं बेटा स्पाइरिकल्स इनकी लेटरल साइड पर होती है बॉडी के साइड्स में होती है बेटा टेन पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स इनकी बॉडी में बेटा साइड में टेन पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होती है क्या स्पाइरिकल्स हमेशा खुली रहती है या स्पाइरिकल्स के ऊपर कुछ दरवाजे होते हैं जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चा पार्टी टेन पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स बेटा प्रेजेंट साइड में प्रेजेंट लेटरली बेटा और स्पाइरिकल से जो एयर आती है वो जाती है अंदर इस जगह पे इसे बोलते हैं ट्रेकिया और ट्रेकिया से एयर होते हुए जाती है ऐसी टहनियों की तरफ जिसे बोलते हैं ट्रेकी इसे क्या बोलते हैं ट्रेकिओल्स Yes, everybody. Yes, everybody. क्या आपके spiracles किसी चीज़ से ढके होते हैं जैसे हमारे घर का दरवाजा हमेशा खुला होता है क्या नहीं ना तो इनके भी स्पाइरिकल्स का जो ओपनिंग है वो हमेशा खुला नहीं होता वेरी गुड स्पिंगस होते हैं बेटा आपकी स्पाइरिकल्स के ऊपर स्पिंगटर्स होते हैं जो बेटा क्या करते हैं इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं These are guarded बाई sphincters. सभी आपको रिलेट कराती हूं आप पहले लिखो इसके ऊपर sphincters है बेटा गार्ड्स of ओपनिंग ऑफ गार्ड्स of ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल गार्ड्स of स्पाइरिकल्स मेरी बात समझना बेटा और यहां है आपका टिश्यू मैंने क्या बोला बेटा देखो इनकी बॉडी में ना सिंपल डिफ्यूजन हो जाती है इनके बेटा ब्लड का कोई रोल थोड़ी है अपने केस में तो बेटा ब्लड का रोल होता है अपने पास बेटा हीमोग्लोबिन है हमारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सीओ टू दोनों से बाइन कर सकती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मदद करती है इन बिचारे बेटा कॉकरोच है यार इनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई इनका ब्लड का कोई रोल ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं कलरलेस कोई रोल नहीं है उनका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कोई रोल नहीं है बेटा उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ब्लड का कोई रोल नहीं है तुम ऐसे खड़ा, कर दो जो मैं रही थी ना, खड़ा थोड़ी दिखेगा पर कॉकरोच के बेटा साइड में तुम्हें क्या दिखती है लेटरल साइड में ओपनिंग दस पेयर की ओपनिंग दिखती है जिसे स्पाइरिकल्स बोलते हैं स्पायरिकल से हवा अंदर आती है और आपको यहां स्पाइरिकल्स दिखे स्पाइरिकल से हवा अंदर आई किसके अंदर आई बेटा ट्रेकिया किसके अंदर आई बेटा ट्रेकिया के अंदर आई और ट्रेकिया से मैम आगे जाके जो ट्रेकिया की ब्रांच होती है ना ट्रेकिया की ब्रांच को बोलते हैं मैम ट्रेकिओल्स ट्रेकिया की ब्रांच क्या है ये जो ट्रेकिया की ये ट्रेकिया ट्रेकिया की ब्रांच को बोला ट्रेकिओल्स और ट्रेकिओल्स मैम ट्रेकिओल्स होती है वो टिश्यू से कनेक्टेड होती है तो डायरेक्टली मैम यहां से डिफ्यूजन हो जाएगा ट्रेकिओल से मैम सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा दैट्स ऑल सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा यही है स्पाइरिकल से एयर आइट ट्रेकिया ट्रेकिया से एयर आइट ट्रेक्योल ट्रेक्यूल से मैम चली गई टिश्यू सिंपल डिफ्यूजन यस दैट मीन्स देर हीमोलिम्फ हैज नो रोल देअ हीमोलिम्फ हैज अल हैज नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इनके हीमोलिम्फ का कोई रोल नहीं है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में होगा कैसे बेटा इनके पास अपनी जैसी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन थोड़ी है सिंपल डिफ्यूजन और स्पाइरिकल्स खुलेंगे या बंद होंगे इसको रेगुलेट करने वाला होता है इसका दरवाजा खुल जा सिम सिम दैट इज फिंगटर्स इट इज गोइंग टू गार्ड द बेटा स्पाइरिकल्स एंड कंट्रोल इट्स ओपनिंग क्लोजिंग मेरी बात समझ आ गई बच्चा पार्टी यस yes, एवरीबॉडी मेरी बात समझ आ गई बेटा यस इजी ठीक है देखो अगर मैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा सा डायग्राम दिया हुआ है ठीक है एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा सा डायग्राम दिया है फ्रॉग का आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा कि वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का ये ये मतलब नहीं 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 है 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 हैं मैम तो तो कोई बात नहीं, बेटा फिगर नहीं तो कैसे बहुत सारी फिगर्स नहीं थे अभी मैंने हार्ट का बनाया ना चिल करो यार पढ़ो तुम बेटा पढ़ते नहीं हो डाउट 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 वैसा डाउट क्यों है पढ़ो यार है ना बेटा देखो फ्रॉग का जो सर्कुलेटर सॉरी कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन सर्कुलेटरी नेटवर्क ऑफ कैपुल नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम में मैम ब्लड है एंटीरियर आयोटा पहले तो मैं आपको डायग्राम ही थोड़ा सा बताती हूँ फिर मैं इसको लिखूंगी ठीक है अगर आप बेटा इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा ऑब्जर्व करू ना तो इनका जो हार्ट होता है ना बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया था जब आप कॉडेटा पढ़ोगे ना कॉडेटा का जो हार्ट होता है ना बेटा कॉडेटा में वो यूजुअली वेंट्रल आप अपना देखो न, कहा है हा? आपका हार्ट कहा है बेटा आपका हार्ट बेटा, बेटा वेंट्रल साइड पे होता है आपका हार्ट जो होता है वेंट्रल साइड पे होता है कॉकरोच का जो हार्ट होता है डोर्सल साइड पे होता है अगर कॉकरोच ऐसे खड़ा है ना बेटा धरती की तरफ ऊपर की तरफ उसका डॉर्सल साइड है ऊपर मिड वेंट्रल एकदम सेंटर पे उसका हार्ट है और इसका जो हार्ट होता, होता, होता है वो थर्टीन हार्ट होता, होता है बेटा थर्टीन चेंबर हार्ट थर्टीन चेंबर मैं थर्टीन चेंबर गिन के नहीं बना रही हूं लेकिन मैं लिखवा दूंगी बेटा थर्टीन चेंबर तेरा चेंबर हार्ट होती है बेटा थर्टीन चेम्बर हार्ट और दो देखो देखो obvious ही बात है अब मैंने साथ साथ में लिखती भी जाती हूं यहाँ हार्ट की बात बताई तो पहले मैं हार्ट की बात बताती हूँ ये मिड डॉर्सल लाइन पे प्रेजेंट होता है सेंटर और डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है मैंने बोला हार्ट इज मैम कॉकरोच के केस में थर्टीन चेम्बर तुमसे बेटा चार चेम्बर नहीं संभलते कॉकरोच तेरा तेरा चेम्बर लेके घूम रहा है सोचो ठीक है हार्ट के बेटा अगर आप देखोगे ना साइड साइड में यहाँ पे कुछ फैन शेप मसल बनाई है अब मेरी बात समझना बेटा देखो इनका ब्लड जिसको बोलते हैं जो कलरलेस होता है वो इनकी बॉडी में ओपन कैविटी के अंदर ही तो बेटा फैला हुआ है ना ओपन कैविटी के अंदर ही तो बेटा इनका हिमोलिम्फ प्रेजेंट है अपनी तो बेटा जो ब्लड होती है वो क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल से ट्रेवल कर रही है इनके केस में ऐसा थोड़ी है इनका तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड जो है ओपन स्पेस साइनसिस में फैला हुआ है कलरलेस पर हार्ट में कैसे एंटर करता है बेटा <coughs> मैं एनसीआरटी के बाहर नहीं जाऊंगी जैस में तुम्हें ऐसे बताती हूं जैसे हार्ट में ना बेटा इनकी ओपनिंग है साइड में हार्ट के साइड में ये ओपनिंग दिख रही है बेटा इस ओपनिंग को बोलते हैं ऑस्टिया हार्ट के साइड में ये जो ओपनिंग है लेटरल ओपनिंग्स। लेटरल ओपनिंग है ना जो हार्ट के साइड में बेटा क्योंकि हार्ट के अंदर हिमोलिम्फ आना तो पड़ेगा क्योंकि हार्ट क्या करता है जो तेरा चेम्बर्स है ना बेटा हार्ट ब्लड को आगे की तरफ पंप करता है हार्ट के अंदर ब्लड कहां से आया बॉडी कैविटी से जिस बॉडी कैविटी के अंदर हीमोलिम्फ भरा पड़ा है आपके सारे कॉकरोच के विसरल ऑर्गन उसमें स्विम कर रहे हैं हीमोलिम्फ के अंदर तो आपके जो हीमोलिम्फ है बेटा वो हीमोलिम्फ हार्ट के अंदर अंदर घुसता कैसे है इसी लेटरल ओपनिंग से इसी लेटरल ओपनिंग से इसके थ्रू बेटा हीमोलिम्फ जो होता है ना बॉडी के कैविटी से हार्ट के अंदर एंटर करता है एंटर करने के लिए ओपनिंग तो चाहिए और फिर ना बेटा पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड आपका हिमोलिम्फ मूव करता है क्या मेरी बात समझ रहे हो और आपकी जो ये फैन शेप चाइनीज फैन देखा है किसी ने चाइनीज फैन बिल्कुल ऐसा ही शेप होता है फैन शेप एलरी मसल बोलते हैं ये तो दो चेंबर के बीच में वन पेयर एलरी मसल्स दो चेंबर के बीच में वन पेयर एलरी मसल्स यहां पे भी एलरी मसलरी मसल्स पे पे भी muscles, यहां पे भी बिटवीन टू चें बेटा वन पेयर ऑफ एलरी मसल्स होती है फैन शेप मसल्स होती है जो आपके इसी चीज को रेगुलेट करती है कि ऑस्टिया खुल रहा है या ऑस्टिया बंद हो रहा है चेंबर्स के अंदर ब्लड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और ये ना कहीं ना कहीं आपके टर्गम से अटैच होती है बट वो इतनी डिटेल एनसीआरटी में है नहीं एनसीआर कहती है कि ये जो आपने बनाया ना बेटा बिटवीन द ये ये एलेरी एलेरी मसल्स मसल्स है और ये मसल्स दो के बीच में एक है तो ऑब्वियसली अगर आपके बेटा टोटल कितने हैं थर्टीन चेम्बर है तो एलेरी मसल्स कितनी पेयर हो जाएगी बेटा ट्वेल्व पेयर हो जाएगी यस एवरीबॉडी वेरी गुड तुषार वेरी गुड जेसिका वेरी गुड बेटा वेरी गुड आपको जिहान वेरी गुड आपको बस इतना ही याद रखना है। 13 साइड की ओपनिंग को बोला दो के बीच में एक पेयर यानी टोटल ट्वेल्व पेयर एलेरी मसल्स पहला चेंबर अगर आप देखोगे ना पहले चेंबर से बेटा इस तरीके से एक डक्ट निकली हुई है इसे बोलते हैं एंटीरियर आयोटा इसे बोलते हैं एंटीरियर आयोटा जब आपका ही बेटा हार्ट के चेंबर से पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है तो सारा ब्लड इसका सारा हिमोलिम्फ इसका सर के अंदर इसकी एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सिफेलिक साइनस जिसको क्या बोलते हैं सिफेलिक साइनस इस सिफेलिक साइनस के अंदर बेटा यस yes, इस सिफेलिक साइनस के अंदर बेटा ये सारे हिमोलिम्फ को डंप कर देती है सिफेलो वर्ड कहां से आया हेड साइनस वर्ड कहां से आया कैविटी तो हेड के अंदर की जो कैविटी है उसे बोलते हैं सिफेलिक साइनस सिफेलिक वर्ड कहां से आया हेड और बेटा साइनस वर्ड कहां से आया कैविटी तो सिंपल सी बात हुई ना मैम हीमोलिम्फ जो था कलरलेस इनका बॉडी फ्लूइड ये इनकी बॉडी कैविटी के अंदर था जिस बॉडी कैविटी को हीमोसील बोल सकते हैं जो मैं लिखवाऊंगी अभी या साइनस बोल सकते हैं जहां सारे विस्टल ऑर्गन्स हैं मैम वहां से हीमोलिम्फ उठ के पहले इसके हार्ट के अंदर आया हार्ट के अंदर कहां से आया ऑस्टिया से आया हार्ट कितना है, 13 से में तुमने इसके को से क्या है? एक एंटीरियर आयोटा एक लंबी सी डक्ट जैसी आपको जो दिख रही है और ये एंटीरियर आयोटा मैम सिफेलिक साइनस में ओपन हो रही है तो सारा हिमोलिम्फ सिफेलिक साइनस में डंप हो जाता है पहले मेरे को एक थम्सअप दे दो क्या कोई दुखद समस्या क्या यहां तक कोई दुखदर्द समस्या जल्दी बेटा सपोला आर्मी जितने बच्चे लास्ट तक अभी मेरे साथ बने रहेंगे बेटा आप सोच के देखो कितना पेशेंस है आप लोगों के पास मैं इस पेशेंस से आप लोगों को एक कहानी छोटी सी कल मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे एक्चुअली एंड मैं चाह रही थी आप लोगों से शेयर करना तो आप बच्चे कम होते जा रहे हैं तो सही बनता है तुम लोगों के साथ शेयर करना तो आई वॉज एक्चुअली सींग रील ऑफ अ न्यूरो सर्जन मैंने एक न्यूरो सर्जन की रील देखी थी सेव भी करके रखी थी मैं एं� अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी अगर आप चाहो देखो देखना चाहो तो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द सर्जरी दैट दैट गाई वॉज डूइंग मैं बस उसकी सर्जरी को थोड़ा ऑब्जर्व कर रही थी कि कितना आराम से देखो रील थर्टी सेकेंड की फोर्टी सेकेंड में उसने पूरी रील को दिखा दिया कि कैसे उसने ना सर्जरी आई थिंक वो मुझे याद आ रहा है शायद वो कोई ट्यूमर था ट्यूमर को रिमूव कर रहा था ठीक है तो आप सोचो उस ट्यूमर को रिमूव मतलब मैं मैं अभी भी बेटा मेरे हाथ पैर ठंडे हो जा रहे हैं ठीक है ये सोच के आई रियली मीन इट तो यू गाइज आर ऑल्सो फ्यूचर डॉक्टर्स तो मैंने उसको देखा कि यार आ, मतलब सर्जरी कर रहे हैं मैं तो को अभी भी बोलने में डर लग रहा है बेटा डॉक्टर्स मतलब सही में यार हैट्स ऑफ ठीक है तो आप सोचो बेटा आपने पूरा शेव किया फिर आपने स्कल को काटा फिर आपने बेटा अंदर की जो आपके मैनिजस है उसको कट किया फिर आप ब्रेन के अंदर एंड इट वॉज सो डेंजरस टू वॉच आप सोचो उस बंदे को कितना कॉन्फिडेंस चाहिए उस न्यूरो सर्जन को कितना कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप या तुम किसी को पिन तक नहीं चुभो सकते मतलब किसी को पिन चुबोते हैं ना तो हमें दर्द होने लगता है देख के कि यार पिन चुब रहा है मुझे वो वीडियो देखते हुए दर्द हो रहा था हाउ मच कॉन्फिडेंस दैट न्यूरो सर्जन मस्ट मस्ट हैव हैव रिक्वायर्ड गेन इन हिज एंटायर इयर्स ऑफ प्रैक्टिस टू डू सच अ डिफिकल्ट जॉब कितना कॉन्फिडेंस और कितनी हिम्मत कितनी मेहनत कितने टाइम तक वो सर्जरी चली होगी और आप उसको कितनी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं एक एक लेयर को कट कर रहे हैं कि कोई चीज ना येस डॉक्टर आमिर उनका नाम डॉक्टर है अच्छा आप लोगों को पता है एक एक क्लेयर को निकालना और सोचो यार मतलब जो पेशेंट होता है यार उसके भी मतलब फैमिली वाले वेट करते हैं कि भाई हमारा जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो तो डॉक्टर के मन में कितना कुछ चल रहा होता है ना कि यार uh, अभी मेरे को जाके आंसर देना है कि आपका जो फैमिली मेम्बर है वो बिल्कुल ठीक है आपके हाथ में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके हाथों में कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप अगर बेटा आप सोचो बेटा मैं कॉन्स्टेंटली बोल रही हूँ हो सकता है मेरे साथ बैकग्राउंड में और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जो आपको नहीं पता है पर मैं आपको लगातार खड़े होके या जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ वो भी खड़े होके आपको पढ़ा रहे हैं बोले जा रहे हैं वॉइस बॉक्स बेटा दर्द दे रहा है

आप बहुत बड़ा एक काम करने जा रहे हो लोग आपको ना भगवान मानेंगे कहेंगे कि इस ये अगर मेरे पेशेंट मतलब ये पेशेंट को देख लेगा तो मेरे पेशेंट की जान बच जाएगी आप समझ रहे हो आपको कितनी ईमानदारी कितनी ऑनेस्टी कितनी डेडिकेशन की जरूरत है क्या आप बेटा चार पांच क्या है प्रेपरेशन व्हाट इज दिस प्रेपरेशन ये आपके मेडिकल की लाइफ का आई थिंक आई एम नॉट इन टू द मेडिकल लाइफ ऑब्वियसली बट आई थिंक दिस इज द इजिएस्ट फेज

फिर मैं क्योंकि कभी कभी में यूनिक होते हैं।, अपने आप में बहुत करते हैं और हर प्रोफेशन अपनी एक इंपॉर्टेंस रखते हैं है ना हर प्रोफेशन में जाने के लिए बेटा मेहनत सबको करनी पड़ती है बट यार सही में यार एक अलग लेवल का बेटा डेडिकेशन और ट्रस्ट अपने ऊपर भरोसा और हिम्मत चाहिए होती है ठीक है तो बेटा जी इसी बात के साथ में मेरे सारे सबोला आर्मी जो फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हैं क्या आप लोग बेटा कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल मेहनत के साथ में एवरीबॉडी yes, चले यस डन चलिए जोश आ गया सभी के अंदर चलिए इसी जोश के साथ में हमने जो जो बातें बोली बेटा फटाफट से लिख लेते हैं एक बारी ठीक है यस yes. चलिए हार्ट को थर्टीन चेंबर मिड बेटा एंड देन हम कहते हैं लेटरल ओपनिंग है लेटरल ओपनिंग है, है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टिया जिसके थ्रू बेटा ब्लड इसके अंदर आ रहा होता है ब्लड को हिमोलिम्स बोलते हैं यस एवरीबॉडी ठीक है यस yes, yes? अच्छा अचानक से ना तुम्हारे 500 सौ व्यूअर्स और आ गए 4000 बच्चे हो गए क्या बात है क्या बात है पांच सौ छह सौ बच्चे बढ़ गए हैं हाँ, इसके बाद बेटा मैं क्या कह रही हूं कि बिटवीन टू चेंबर बिटवीन टू चेंबर फैन शेप्ड फैन शेप्ड एलरी मसल्स आर प्रेजेंट फैन शेप्ड एलरी मसल्स आर प्रेजेंट यानी कि टोटल ट्वेल्व पेयर होगी यानी कि टोटल ट्वेल्व पेयर होगी ठीक है यस यस एवरीबॉडी ब्लड की अगर मैं बात करूं तो इनका ब्लड कलरलेस है इनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है क्योंकि कलरलेस है ठीक है जी और आरबीसी नहीं है ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल इनके ब्लड सेल्स को ना हीमोसाइट्स बोलते हैं ओवरऑल ब्लड सेल्स को आप हीमोसाइट्स बोल सकते हो ठीक है यस एवरीबॉडी यस यस, ब्लड कलरलेस है और ब्लड इज प्रेजेंट इन बेटा ओपन स्पेस ब्लड इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेस ओपन कैविटी के अंदर प्रेजेंट है और उस ओपन स्पेस ओपन कैविटी को बेटा अपन क्या बोलते हैं साइनसिस ओपन कैविटी ओपन स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा साइनसिस बोलते हैं या फिर बोलते हैं बेटा हीमोसील या फिर बोलते हैं बेटा हीमोसील ठीक है ब्लड में बेटा क्या होते हैं इनके पास हीमोसाइट्स देखो प्लाज्मा तो इनके पास भी होगा ब्लड प्लाज्मा इनके पास भी होगा इसके अलावा इनके जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको हीमोसाइट्स बोलते हैं ब्लड सेल्स को हीमोसाइट्स बोलते हैं द ब्लड सेल्स यस द ब्लड सेल्स ठीक है डन डनाडन डन डन डनाडन डन यस फिर इनके पास एंटीरियर आयोटा है ये किससे कनेक्टेड है बेटा कनेक्टेड टू द फर्स्ट चेंबर कनेक्टेड टू फर्स्ट चेंबर कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड बेटा इट ओपन्स इनटू इट ओपन्स इनटू सिफेलिक साइनस इट ओपन्स इनटू टू सिफेलिक साइनस हेड में जो कैविटी होती है उसके अंदर ही ओपन करता है जिसे सिफेलिक साइनस बोलते हैं दैट्स ऑल डन 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 यस साविद आलम बेटा विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ कोर्स नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब ये नो हीमोग्लोबिन तो ब्लड का कोई रोल नहीं है बेटा इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दैट्स देयर सर्क्यूलेटरी सिस्टम ठीक है एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही छोटा सा दिया है दो तीन लाइन में और सवाल आया हुआ है इस साल के नीट में आया हुआ था सवाल ठीक है <coughs> अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो बेटा देखो इनके एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स है जैसे आप देखोगे एक्सक्रीशन के लिए मेल्फीगियन टिब्यूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं एक्सक्रीशन के लिए मेलफीगियन टिब्यूल्स का भी बेटा यूज़ कर सकते हैं एक्सक्रीशन के लिए बेटा इनके पास फैट बॉडीज भी होती है उससे भी एक्सक्रीशन कर सकते हैं एक्सक्रीशन के लिए बेटा नेफ्रोसाइट्स भी होते हैं उससे भी एक्सक्रीशन कर सकते हैं और एक्सक्रीशन के लिए बेटा यूरिकोज ग्लैंड भी होते हैं जिससे ये एक्सक्रीशन कर सकते हैं बट यूरिकोज ग्लैंड जो होता है बेटा ये वाला सिर्फ और सिर्फ मेल्स में दिखता है बाकी सारी चीजें आपको मेल और फीमेल दोनों में दिखेगी मेलफिगन ट्रिब्यूल फैट बॉडीज नेफ्रोसाइट मेरी बात समझ रहे हो येस मेरी बात समझ रहे हो येस अगर मैं बेटा इनके मेलफिगन ट्रिब्यूल की बात करूं जैसा कि एनसीआरटी में बनाया हुआ है मेलफीगिन ट्रिब्यूल किसके किसके बीच में प्रेजेंट है यार एसी का थोड़ा बड़ा दूर ठंड हो गया इज दिस इज दिग्न टिब्यूल तो मैलफीन टिब्यूल बंद नहीं करना है हाँ यार एक गर्म पानी भिजवा ही दे यार युगल कॉफी भिजवा देना यार ब्लैक कॉफी

बेटा आपकी मेल्फिगन टिब्यूल्स सीलिएटेड एंड ग्लैंडर होती है बेटा आपकी मेल्फीन टिब्यूल्स और बेटा ऑफ कोर्स आपने वो सारी बातें लिखी हुई है येलो इश ग्रीन होती है 100 से 150 होती है मिडगा में होती है और बेटा एक्चुअल में ना इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये एपिथीलियल सेल्स में बना रही हूँ जो ग्लैंडुलर है बहुत ज्यादा डिटेल एनसीआरटी में नहीं गिवन है सिर्फ इतनी सी बात बेटा आपको याद रखनी है कि इनका जो मेलफिगन टिब्यूल है ना इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो मेल्फिगन टिब्यूल्स के अंदर आप आँद ये देखोगे ये और ये बाहर क्या है बेटा इनके मेल्फिगन टिब्यूल के बाहर ये हीमोलिम्फ जो इनका हीमोलिम्फ है ये बॉडी कैविटी के अंदर ही तो प्रेजेंट है ना बेटा तो इस हीमोलिम्फ के अंदर इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसी हीमोलिम्फ के अंदर डिजॉल्व होता है ठीक है इसी हिमोलिम्फ के अंदर और ये हिमोलिम्फ के अंदर ही तो बेटा आपकी मेल्फिगियन टिब्यूल बिल्कुल सस्पेंडेड है बिल्कुल सस्पेंडेड है ठीक है और इसी के अंदर आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ठीक है इसी के अंदर आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिजोल्व होता है हीमोलिम्फ के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिजॉल्व एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिजॉल्व होता है इसी हिमोलिम्फ के अंदर और वहां से बेटा आप ये मेल्फिगियन टिब्यूल्स के अंदर लेके आओगे और मेल्फीगेन टिब्यूल्स के से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बनाते हो यूरिक एसिड बेटा वैसे ना सोल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फिर ये फॉर्मेशन होती है बट मैं वो डिटेल आपको नहीं बता रही हूँ ठीक है वो डिटेल पोटेशियम यूरेट फलाना यूरेट मैं आपको नहीं बता रही हूं आपको सिंपल सी मैं एक बात बता रही हूं जो आपके काम की है जो आपके पेपर में आएगी बेटा और वो सिंपल सी बात ये है कि हीमोलिम्फ के अंदर आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिजोल्व होता है

और हाइनगढ़ से होता हुआ बेटा यानी कि एक ही जगह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलोंग ही इनका बेटा क्या निकल रहा है वाया रेक्टम, वाया द द रेक्टम एनस विद फीकल मैटर इनका प्रोडक्ट भी एलिमिनेट आउट होता है यूरिक एसिड ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा यूरिक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे आर यूरिकोटेलिक एनिमल ये सारे बेटा इसके पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं मालफिकन बॉडी फैट बॉडी नेफ्रोसाइड यूरिकोज ग्लैंड डन डन आर डन डन एवरी बॉडी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डन डन आर डन ठीक है अच्छा फिर मैं आपको बताती हूँ बेटा इनका सेंसरी स्ट्रक्चर फिर एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे सेंसरी स्ट्रक्चर तक और फिर लास्ट के दो सिस्टम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है यस yes? यस yes? देखो सेंसरी स्ट्रक्चर्स में क्या दिया अच्छा किसी ने मक्खी मूवी देखी है मक्खी मूवी का गाना होता है मक्खी हूं मैं मक्खी सैर कर न रखी एक साउथ इंडियन मूवी है ठीक है इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स में क्या है बेटा एंटी ने इनकी आंखें इनके मैक्सिलरी पल्प्स इनके लेबियल पल्प्स एनल सरकाई दीज आर देंसरी स्ट्रक्चर्स दीज आर देंसरी स्ट्रक्चर्स बेटा दीज आर देंसरी स्ट्रक्चर्स यस एवरी यस एवरी जस्ट गिव मी अकेंड अगर आपने मक्खी मूवी देखी है ना आप लोगों ने देखी है बेटा मक्खी उसमें ना बड़ा जूम कर करके मक्खी की आंखों को दिखाया हुआ आप अगर वैसे insects की आंखों को देखोगे ना तो मैं इसकी आंखों की ही बात कर रही हूँ बेटा तो आप इसकी अगर आंख को ध्यान से जूम करके देखे तो आंख के अंदर बेटा इनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं ओमैटीडिया ऐसे हेक्सागनल स्ट्रक्चर होते हैं देखो कंपाउंड आइज को यूज करते हैं ये देखने के लिए सिंपल आइज तो बेटा किसी काम की नहीं है सिंपल आइज जिसे हम क्या बोलते हैं ऑसिल वो किसी काम की नहीं है मैं बात कर रही हूं बेटा इसकी मैं बात कर रही हूं बेटा इसकी आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो हेग्जागनल स्ट्रक्चर्स बस ज्यादा नहीं बनाएंगे बेटा फिर बनाते ही रह जाएंगे लूप में फंस जाएंगे ईच आई हैज बेटा टू थाउजेंड हेग्जागनल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज ओमैटीडिया या ओमैटीडियम मेरी बात समझो क्या कह रही हूं मैं कंपाउंड आईज जिससे ये बेटा देख पाते हैं कंपाउंड आईज बेटा जिससे ये बेचारे देख पाते हैं सिंपल आईज़ मैम सिंपल तो विजन के काम में नहीं आती टू थाउजेंड टू थाउजेंड स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरग्जागोनल स्ट्रक्चर्स दो हजार हेग्जागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जिन्हें क्या बोला जाता है ओमैटीरिया क्या बोलते हैं ओमैटीडिया या क्लियर है ये बात ईच आई ये ध्यान देना ईच आई हैज टू थाउजेंड हेक्सागनल स्ट्रक्चर ईच आई हैज बेटा टू थाउजेंड हेक्सागनल स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं ओमेटिडियम या ओमेटिडिया बेटा आपको पता है ये हमारी तरह आंख हमारी तरह आंख बोलती हूं हमारी तरह इमेज को नहीं देख पाते हैं. हम तो एंटायर इमेज कंप्लीट इमेज देखते हैं ये जो इमेज को देखते हैं ना बेटा ये इमेज को जो देखते हैं ये टुकड़ों में देखते हैं बेटा ये इमेज को देते हैं देखते हैं बेटा बिट्स एंड पीसेस में टुकड़े टुकड़े करके बेटा ये कंप्लीट इमेज को बनाते हैं बिट्स एंड पीसेस में जो ये इमेज देख पाते हैं इस तरीके की विजन को बोला जाता है बेटा मोजायक विजन वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके की जो इमेज होती है ना बेटा बिट्स एंड पीसेस में टुकड़े टुकड़े करके जो इमेज फॉर्मेशन होती है बेटा बेटा मेरे फादर का एक बार फोन आ रहा है मैं उनको बता दूं कि मैं क्लास में हूँ एक्चुअली मैं उनको इन्फॉर्म करना भूल गई थी ठीक है जस्ट अ सेकेंड पापा मैं ना यूट्यूब की क्लास ले रही हूँ अभी लंबी चलेगी थोड़ी सी तो मैं आपको घर जाके फोन करती हूँ ओके okay? तो, चलो ऑफिस तो, में हूँ पापा यूट्यूब वाली क्लास है चलो बाय बाय टाटा तो, तो, यस बेटा पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं इसीलिए मैंने कॉल रिसीव कर लिया आई एम सो सॉरी ठीक है मोजाइक विजन बेट्स एंड पीसेस में बेटा टुकड़े टुकड़े में बेटा अगर इमेज फॉर्मेशन होती है दैट इज मोजाइक विजन और इनकी जो विजन होती है ना बेटा उनमें आप देखोगे इनकी सेंसिटिविटी काफी तगड़ी है इनकी सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी काफी तगड़ी है पर इनका रेजोल्यूशन जो होता है बेटा पुअर होता है इनका जो रेजोल्यूशन होता है बेटा वो पुअर होता है रेजोल्यूशन जो होता है वो होता है पुअर मतलब कि काफी सेंसिटिविटी अच्छी है मतलब बेटा सेंसिटिविटी अच्छी है मतलब इनको कम लाइट में भी नजर आ जाता है ना कॉकरोच आपके पीछे आप कॉकरोच के पीछे किचन में जाओगे मस्त तरीके से ठीक है यस एवरीबॉडी यस तो विज़न मतलब बिट्स एंड पीसेस तगड़ी सेंसिटिविटी क्योंकि बेटा कम लाइट में भी मस्त देखते हैं पर क्लैरिटी कम है रेजोल्यूशन मतलब पता नहीं चलेगा कि दो लोग अलग अलग हैं क्या है क्लैरिटी कम है रेजोल्यूशन पुअर है रेजोल्यूशन पुअर है क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई यस एवरीबॉडी आरफा बेटा यस डन आन डन है ना सेंसरी स्ट्रक्चर्स क्लियर है ये सभी को सेंसरी स्ट्रक्चर्स क्लियर है सभी को बात करते हैं बेटा इनके नर्वस सिस्टम की अब देखो बेटा अगेन पुराना कैमरा है मैम इनका अच्छा अब बेटा देखो पहले एक बारी क्विक रिवीजन करें जो यहां तक का पड़ा है एक बारी फटाफट से पांच मिनट लगेगा फिर बेटा आई थिंक दस बजे तक ना तुम्हारा टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा ठीक है अरे ये क्या हो गया अरे 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 एक सेकेंड बेटा एक बेटा, ना चलनी बंद हो गई है, है।, है? तो है।, है ना वीडियो चल रही होगी यस yes. चलो 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 क्रैश हो गया था यहाँ पे ना तो बेटा एक बारी ना हम क्या करते हैं क्विक रिवीजन करते हैं यहाँ तक का हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा बेटा कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा इज़ बॉडीज इन टू हेड थोरैक्स एंड एबडोम मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है हार्ड काइटिनियस समाप्ति एक्सप्रेस चला रहे हैं बेटा कुर्सियों की बेटी बांध ली जाए और फटाफट -फड़ से मेरे साथ में रिविजन करो

ट्रायंगुलर और परपेंडिकुलर टू द बॉडी हेड हैज कंपाउंड आईज हेड हैज एंटीने हेड हैज माउथ पार्ट बाइटिंग एंड चुइंग टाइप लेब्रम अपर लिप लेबियम लोअर लिप हाइपोफेरिंग स्टक मैंडिबल क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मैग्जिले बेटा अगेन पेयर्ड मैग्जिले मैंडिबल पेयर्ड रेस्ट अनपेयर्ड कंपाउंड आईज विजन के काम में आती है सिंपल आई ऑसिलाई होती है विजन के काम में नहीं आती है हेड हो गया खत्म थोरैक्स में होते हैं तीन सेगमेंट प्रोथोरैक्स मिजोथोरैक्स मेटाथोरैक्स प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं होती मिजोथोरैक्स में मिजोथोरैक्स विंग्स ंग ड्यूरिंग रेस्ट हाइंड बेटा आपकी निकलती है मेटाथोरसिक विंग्स ट्रांसपेरेंट होती है उड़ने के काम में आती है लेग्स होती है थ्री पेयर प्रोथोरासिक मीजोथोरासिक मेटाथोरैक्सिक खत्म डन एबडोम होता है बेटा

खतम हाइंडगट होता है बेटा एलियम

में होता है हिमोसाइट्स होते हैं हिमोसाइट्स में बेटा आप देखते हो इनके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो नेफ्रोसाइट्स मेलफिगेंट ट्यूबुल फैट बॉडीज यूरिकोस ग्लैंड यूरिकोस ग्लैंड ओनली इन केस ऑफ मेल मेलफिगेंट ट्यूबुल

Done and done and done बेटा yes everybody जल्दी बताइए done and done and done कोई क्रिविजन हो गया ठीक है बस अब बेटा नर्वस सिस्टम तो थोड़ा नर्वसी आ गया है बेटा नर्वस सिस्टम हमारा थोड़ा नर्वसी आ गया है क्योंकि ये स्पेलिंग गलत हो गई है ठीक है यस एवरीबॉडी बेटा देखो समाप्ति एक्सप्रेस का हेल्प उसी लोगों को मिलेगा जो क्लास में रेगुलर पढ़ रहा है रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको समाप्ति एक्सप्रेस का फुल मिलेगा। फुल ऑन ऑन बेनिफिट बेनिफिट मिलेगा ठीक है यस चलो आपको इतना एक बच्चा रहा मैं हमें याद कैसे होगा इतना सारा अरे भाई तुम कहा पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो अभी भी डाउट ही कर रहे हो पढ़ोगे तो याद होगा टाइम पास करोगे तो याद कैसे होगा देखो नर्वस सिस्टम की अगर बात करें ना बेटा अगेन आप ह्यूमन से से कंपेयर कंपेयर करो करो हम क्या है? से करो. क्या हैं होते है, बेटा अपना हार्ट वेंट्रल है इनका हार्ट डॉर्सल है अपना जो नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल होता है होता है कि नहीं हाँ अपना जो नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल होता है अपना कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ोगे ना प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड पे होता है

जिसके कारण एक पॉइंट कहा हुआ है जिसमें से नीट में सवाल आया हुआ था मैं अभी आपको समझाती हूँ बेटा देखो मैं कॉकरोच का दो डायग्राम बनाऊंगी यहाँ ताकि आपको ना ये विजुअलाइज हो पाए अदरवाइज आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आपको ये दोनों डायग्राम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा एक कॉकरोच का साइड डायग्राम और एक कॉकरोच का ना ऊपर की तरफ से अगर आप कॉकरोच को ऑब्जर्व करें पहले एक मैं आपको पहले अगर कॉकरोच को ना ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो कैसे दिखेगा और साइड से ऑब्जर्व करोगे तो कैसे दिखेगा क्योंकि साइड से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि वेंट्रल साइड पे ज्यादातर चीजें होती है हेड को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसके केस में कुछ गैंगलियन दिखाने हैं ना इसीलिए एक कॉकरोच को मैंने ऐसे बनाया और एक कॉकरोच को मैं ऐसे बनाती हूँ साइड व्यू कॉकरोच का भी साइड व्यू बना रहे हैं बताओ बेटा देखो बोला कि कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें सेगमेंटली अरेन्ज गैंगलियॉन्स है गैंग्लियस क्या होते हैं होते हैं बेटा गैंग्लियस सेल बॉडी इज सेल बॉडी न्यूरो में आप पार्ट्स पढ़ते हो ना सेल बॉडी एक्सॉन एंड अभी तो पिछले क्लास में पढ़ा था एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में है ना यस फ्यूज्ड गैंग्लियस मतलब सेल बॉडी तो ये कॉकरोच का ना देखो मैं आपको गैंगलियॉन पहले दिखाती हूँ कॉकरोच के पास भी बेटा ब्रेन होता है अनलाइक स्पैमर्स तो कॉकरोच का जो ब्रेन होता है उसे बोलते हैं सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन पहले मैं आपको साइड डायग्राम दिखाती हूँ क्योंकि इससे बेटर समझ में आता है फिर मैं इस डायग्राम में दिखाऊंगी आपको जैसे ये ईसोफेगस है समझो ये ईसोफेगस है तो इसके ईसोफेगस के ऊपर एक गैंगलियॉन है फ्यूज सेल बॉडी इसके ईसोफेगस के ऊपर है ना दैट रिप्रेजेंट द ब्रेन ऑफ कॉकरोच इनको अपने ब्रेन से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है क्योंकि ब्रेन बेटा कुछ खास काम कर भी नहीं पाता सुप्राईस ऑफ गैंग्लियन दिस रिप्रेजेंट्स बेटा द ब्रेन ऑफ कॉकरोच सुप्राईस ऑफ गैंग्लियन बेटा दैट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स द ब्रेन ऑफ कॉकरोच इट रिप्रेजेंट्स द ब्रेन ऑफ कॉकरोच ये इसके ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा सुप्राईस ऑफ गैंग्लियन मतलब कि मैम ये इसोफेगस है

अरे यार थोड़ा सा ना कलर ये ऐसे कर लेती हूँ अब आप ये एक बार ये डायग्राम को ऑब्जर्व करो ना बेटा ये जो गैंग्लियंस में बना रही हूँ आप ऐसे ऑब्जर्व करो कि कुछ गैंग्लियंस आपके थोरासिक रीजन में है कुछ गैंग्लियंस आपके एब्डोमिनल रीजन में है कितने तीन थोरासिक रीजन में और छह बेटा एब्डोमिनल रीजन में ये मैं एक एक गैंग्लियन बना रही हूँ बेटा ये

और पता है बेटा इसी गैंग्लियन से कनेक्टेड होती है इनकी नर्व कॉर्ड और नर्व कॉर्ड बेटा कैसी होती है डबल वेंट्रल सॉलिड अभी मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी ना तो पूछूंगी ये चीज अपने पास भी नर्व कॉर्ड होती है बेटा कॉर्डेटा का फीचर है नर्व कॉर्ड इनके पास भी नर्व कॉर्ड है हमारी डॉर्सल साइड पे है इनकी वेंट्रल साइड पे है अपनी सिंगल होती है इनकी डबल होती है अपनी अंदर से खाली होती है हॉलो इनकी सॉलिड होती है, वेरी इंपॉर्टेंट तो इस डायग्राम से तुम्हें ये नजर आता है कि मैम वेंट्रल साइड डायग्राम एनसीईआरटी में ऐसा ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है आपको जिस डायग्राम से विजुअलाइज हो पाए उससे समझने की कोशिश किया करो ठीक है तो ये जो है बेटा जी ये क्या है डबल ड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नॉन कॉडेट डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉड और आपको अधिकतर हिस्सा बेटा इनके नर्वस सिस्टम का वेंट्रल साइड पे बेली साइड पे ही दिख रहा है भाई इनके ब्रेन का ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है ब्रेन की जो सप्लाई होती है ना बेटा वेरी लिमिटेड ये जो सुपर है सप्लाई इज वेरी लिमिटेड बस हेड रीजन तक बेटा इसकी सप्लाई जो होती है लिमिटेड होती है एंटीना आईज वगैरह सिर्फ वहां तक बेटा सप्लाई लिमिटेड होती है लिमिटेड टू हेड रीजन बॉडी की जो मेजर नर्वस सप्लाई होती है ना बेटा वो कहा होती है वेंट्रल साइड गैंग्लियन है अब आप चाहो तो बेटा इस डायग्राम को यहां पे भी ऐसे बना लो तीन थोड़ा से गैंगलियॉन और छेडोमल गैंगलियॉन एक दो तीन चार पांच छे तो बॉडी का जो मैक्सिमम कंट्रोल होता है ना मैम वो मैक्सिमम कंट्रोल आपके वेंट्रल साइड से ही होता है ये जो गैंगलियो है ये जो है ना बेटा ये गैंगलियो है, है ही नहीं हेड के पास ज्यादा कंट्रोल है ही नहीं तो एनसीईआरटी कहती है मोस्ट ऑफ द बेटा लोकेटेड अलोंग द साइड एंड इफ यू कट द हेड ऑफ द कॉकरोच डिस्क्लेमर कोई भी व्यक्ति इसे अपने घर पे ट्राई ना करे कोई भी व्यक्ति इसको अपने घर पे ट्राई ना करे बेटा फिर कहोगे अरे मैम हमने तो गर्दन काटी थी मैम वो तो मर गया ठीक है बेटा मैक्स टू मैक्स ऐसा हो सकता है कि अगर आपने उसकी गर्दन को काट भी दिया ना तो उसकी आपने सुपरा ईज ऑफ एजलियन को अलग किया हेड के पास तो ज्यादा कंट्रोल वैसे भी नहीं है तो कॉकरोच कैन स्टिल सरवाइव फॉर वन वीक

तो इसके बारे में हम लिखेंगे इसीलिए इसीलिए नहीं लिखेंगे बेटा बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस इवन इफ वी कट दी हेड वी कट दी हेड ऑफ कॉकरोच वी कट दी हेड ऑफ कॉकरोच इट कैन स्टिल सर्वाइव इट कैन स्टिल सर्वाइव फॉर वन वीक कारण क्या है क्योंकि इनके हेड से ज्यादा कुछ कंट्रोल है ही नहीं बेटा यहां तक कोई दुख-दर्द समस्या फिर आपके अंदर मेरे को बिल्कुल जोश और एनर्जी चाहिए क्योंकि हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ठीक है फिर मैं बिल्कुल आप लोगों से आशा करूंगी कि लास्ट टॉपिक के लिए आप लोग एकदम ईमानदारी से पढ़ेंगे ठीक है क्या आप लोग बेटा सारे बच्चे तैयार हैं आखिरी टॉपिक को पढ़ने के लिए द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना मैं क्या करूंगी ना आपको कंपेयर करके पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करते हैं मैं बनाती भी हूं और मेल और फीमेल को ना बेटा कंपेयर करते हुए पढ़ाऊंगी ठीक है मेल और फीमेल को कंपेयर करते हुए पढ़ाऊंगी मैंने यहां पे ना बेटा मेल के जैसे ये पार्ट्स लिखे हुए हैं मेल के लिए फीमेल के लिए भी ऐसे पार्ट्स लिखे हुए हैं फीमेल के लिए भी ऐसे पार्ट्स लिखे हुए हैं बट मैं ना आपको बेटा मेल और फीमेल को थोड़ा कंपेयर करते हुए पढ़ाऊंगी कंपेयर करके पढ़ाने से ना मैक्सिमम तीन से चार पार्ट्स आपको लर्न हो जाएंगे तीन से चार हाँ मोटिवेशनल सॉन्ग एकदम लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद ठीक है चलो मैं आपको लेफ्ट साइड में ये वाला जो डायग्राम है ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रही हूं बनाती भी जाऊंगी एक एक पार्ट और लिखवाती भी जाऊंगी ये मेल का बना रही हूं और ये फीमेल का ऐसे पार्ट्स को तो एटलीस्ट मैं आपको बना ही दूंगी बेटा जो पार्ट्स ना अभी आपको जरूरी है मतलब दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इधर हमारी मेल इधर हमारा फीमेल मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी यहीं पे लिखवाऊंगी कि मेल कॉकरोच की जो विंग होती है वो उसके एब्डोमेन से लंबी होती है फीमेल कॉकरोच में ऐसा नहीं होता और मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल्स होते हैं जो फीमेल कॉकरोच में नहीं होता ये हम लिख लेंगे यहीं ठीक है यस यस एवरीबॉडी जोश इज हाई वेरी नाइस बेटा देखो कंपेयर करो बड़ा ही आसान है बड़ा ही आसान है बड़ा ही आसान है, है कंपेयर करते चलो देखो मेल में टेस्टिस होगा फीमेल में ओवरी होगी तो मैम बना दो यहां इधर बना देते हैं बेटा टेस्टिस टेस्टिस फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स एबडोम सेगमेंट यहां सेगमेंट याद रखना जरूरी है बेटा फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स एंड सिक्स फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट होती है और फीमेल में ओवरी होती है थोड़ी ना फीमेल का बॉडी ना पतला बन गया है, हमें थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा फीमेल की बॉडी को क्योंकि ना डायग्राम फिर अच्छे से नहीं बनेगा हाँ। फीमेल के केस में बेटा क्या होती है ओवरी अरे यार बेटा जगह की कमी लग रही है रुको थोड़ा ऐसे बनाना था हाँ फीमेल केस में ओवरी मेल के केस में बेटा टेस्टिस ओवरी को ऐसे क्यों बना रही हूं अभी मैं बता देती हूं ऐसे क्यों बना रही हूं पहले आप बनाओ फिर मैं बता रही हूं क्यों बना रही हूं मैं ओवरी को ऐसे ठीक है मेल के केस में टेस्टिस इज प्रेजेंट इन दिफ्थ सिक्स एबडोमल सेगमेंट फीमेल के केस में ओवरी इज प्रेजेंट इन द टू थ्री फोर फाइव सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट मेल के केस में टेस्टिस परमेटोजेनेसिस फीमेल के केस में बेटा ओवरी ऊजेनेसिस सिंपल सी बात तो पहले तो यही ये पॉइंट लिखते हैं सिंपल सी बात तो मैं पहले बेटा मैंने आपको मेल का टेस्टिस बताया अच्छा टेस्टिस के बेटा टेस्टिस कितने पेयर हैं टेस्टिस कितने पेयर हैं आपको क्या लगता है टेस्टिस कितने पेयर हैं टेस्टिस कितने पेयर है डायग्राम को देख के ना कई बच्चे बोल देते हैं थ्री पेयर डायग्राम को देख के कई लोग ना थ्री पेयर बोल देते हैं बट बेटा ये डायग्राम में आपने थ्री पेयर नहीं बनाया है ये है ये एक एक ही ही टेस्टिस टेस्टिस के तीन लोब्स हैं एक ही टेस्टिस के बेटा तीन टेस्टिंग ट्राई लोब्यूलर देखा नंदिता बेटा मैंने कहा था ना डायग्राम देख के आप लोग एकदम कंफ्यूज आ जाओगे ट्राई लोब्यूलर बेटा ट्राई लोब्युलर मतलब एक ही टेस्टिस के तीन लोब्स हैं तो देखो शिवानी बेटा तूने भी वही गलती की शगुन कर दिया ना ठीक है चलो टेस्टिस के बारे में लिखेंगे बेटा टेस्टिस के बारे में क्या लिखेंगे जल्दी लिखा ईच पहले लोकेशन फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट फोर्थ टू सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट में बेटा ये लोकेटेड होता है फोर्थ टू सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट में ये लोकेटेड होता है और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टेस्टिस होता है वन पेयर वन पेयर बट ईच टेस्टिस इज ट्राइलोबुलर Each testis is trilobular. Lobes होते हैं, तो ट्राई लोब्यूलर टेस्टिस काम होता है ठीक तो है मैम इसी को कंपेयर करते हैं ओवरी से इसी को कंपेयर करते हैं मैम ओवरी से ओवरी का मामला जो है मैम ये जो हमने ओवरी बनाई है अगर हम फीमेल रिप्रैक्टिस सिस्टम देखे

तो एक ओवरी के अंदर एक ओवरी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए हैं इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं ओवेरियोल एक ओवरी के अंदर आठ ओवेरियोल होते हैं हर एक ओवेरियोल के अंदर ना एग्स मिच्योरिंग मतलब स्टेजेस में होते हैं ओजेनेसिस से सोरी होती है ठीक है तो मैंने क्या बोला ईच ओवरी ईच ओवरी विद बेटा एट ओवेरियोल तो आठ ओवेरियोल इधर आठ ओवेरियोल बेटा उधर और फिर ओवरी के अंदर क्या हो रही होती है बेटा ऊजेनेसिस इसके अंदर ऊजेनेसिस उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस और स्पर्मैटोजेस का कंपैरिजन समझ में आ गया यहां टेस्टिस यहां ओवरी यहां टेस्टिस यहां ओवरी वहां स्पर्मेटोजेनेसिस यहां ऊजेनेसिस ईच टेस्टिस ईच ओवरी विद एट ओवेरियोल कंपेयर हो गया अब दूसरा पार्ट कंपेयर करते हैं दूसरा पार्ट ये कंपेयर करते हैं बेटा जैसे टेस्टिस में स्पर्म्स बनेंगे तो मैम स्पर्म को कैरी करने के लिए डक्ट भी तो होनी चाहिए तो स्पर्म को कैरी करने वाली जो डक्ट है मैम उसे बोलते हैं डिफरेंस डिफरेंस उसे बोलते हैं है, और मैम ओवरी से जो मैम एग को कलेक्ट करने वाली डक्ट होती है मैम उसे बोलेंगे ओवी डक्ट कोई समस्या कोई दुखदर समस्या बेटा इसमें यस yes, एवरीबॉडी कोई दुखदर समस्या बेटा इसमें मैम स्पर्म को अरे यार बहुत गंदा सा बन रहा है अच्छे से बनाते हैं मैम जैसे कि स्पर्म को कैरी करने के लिए हमें चाहिए होते हैं वास डिफरेंस वैसे मैम एग को मैम कैरी करने के लिए हमें चाहिए होता है ओविडक्ट तो एक ओविडक्ट एक वास डिफरेंस इधर एक वास डिफरेंस इधर यानी कि पेयर बेटा कंपेयर करते चलो और वैसे बेटा एक ओविडक्ट इधर एक ओविडक्ट इधर पेयर

कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग को बोलते हैं जिससे एग एग निकलेगा किसके अंदर निकलेगा जेनाइटल पाउच के अंदर वही लिखा था मैंने अभी आप समझाऊंगी मजा आ जाएगा बेटा कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग को बोलते हैं फीमेल गोनोपोर या फीमेल जेनाइटल पोर और बेटा मेल का जो इजैक्यूलेटरी डक्ट होता है उसकी ओपनिंग को बोलते हैं मेल गोनोपोर या मेल जेनाइटल पोर सिंपल पहले मैं इसको लिखती हूं एक एक की लेबलिंग करते हैं ये हो गया था टेस्टिस ये हो गया था बेटा वैस डिफरेंस देखो कितना सरल है इसके अलावा बेटा एक दो एक दो चीजें बची है इसे बोला कॉमन डक्ट कंपेयर करते चलो इसका कौन सा स्ट्रक्चर उससे कंपेरेबल है हो गया मेल गोनोपोर या मेल जोनाइटल पोर सेम थिंग सेम बेटा यहां पे देखो ये है आपकी ओवरी ये है बेटा हमारी ओविडाक्ट ये है बेटा आपकी कॉमन ओविडाक्ट ये है आपकी कॉमन ओविडक्ट जिसको हमने क्या बोला बेटा वेजाइना भी बोला और यह बेटा उसकी ओपनिंग जिसे बोला फीमेल गोनोपोर या फीमेल पोर इन दोनों की ओपनिंग बेटा कहां होती थी इन दोनों की ओपनिंग होती थी जेनाइटल पाउच के अंदर या हाँ या ना ना यस याना या ना ठीक हाँ है मैम कल अर्जुना में लास्ट क्लास है हाँ बिल्कुल बिल्कुल लास्ट क्लास है बेटा आज तुम्हारी तो क्लास हो नहीं पाई क्योंकि आज हमारी ये वाली क्लास थी चलिए बेटा लिख लेते हैं एक बारी फटाफट से देखो लिखते हुए चलो वैस डिफरेंस वन पेयर क्या काम है बेटा कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टेस्टिसक में लिखेंगे कैरी एग फ्रॉम ओवरी डक्ट के बारे में क्या लिखेंगे बोथ वैस डिफरेंस बोथ वैस डिफरेंस fuses to form fuses to form common ejaculatory duct common ejaculatory duct common ejaculatory duct whose opening is called as whose opening is called as male gono पोर। मैं समाइनल वेसिकल के बारे में यहीं पे लिख दे रही हूं और फिर मैं आपको क्या करूंगी आगे उसको दिखाऊंगी ठीक है यस यस समाइनल वेसिकल के बारे में लिख लो बेटा व्हाइट कलर्ड स्ट्रक्चर्स व्हाइट कलर्ड स्ट्रक्चर्स इन विच इन विच स्पर्म्स बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि मेल के केस में ऐसी स्ट्रक्चर का नाम बताओ जहां स्पर्म स्पर्म जहां स्टोर होता है जहां स्पर्म स्टोर होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो स्पर्म कहां स्टोर होता है वे स्पर्म इज ग्लूड टुगेदर अभी मैं बताती हूं ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म स्परमैटोफोर टू फॉर्म स्परमैटो फोर एंड स्टोड हियर बेटा जो स्पर्म्स होते हैं ना वो आपस में ग्लू हो जाते हैं ग्लूड मतलब होता है चिपक जाते हैं ग्लू टूगेदर मतलब स्टिक टुगेदर चिपक जाते हैं ग्लू टुगेदर और चिपक के बेटा उस स्ट्रक्चर को जो बोला जाता है वेरी इंपॉर्टेंट आगे मैं बेटा तुम्हें अभी थीका नाम का भी एक स्ट्रक्चर बताऊंगी यार एस अब एसी को थोड़ा ठंडा कर बहुत कर रहा है ठीक मतलब है, फोर बेटा एक होती है जो स्पर्म के आपस में, में ग्लूइंग हो जाती है चिपक जाती है तो एक साथ जब वो चिपक जाती है उस इकट्ठे हुए स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर पूछा जाता है कहां होती है चिपकने वाला कार्यक्रम वो होता है समाइनल वेसिकल में एनसीआरटी का अगर डायग्राम ऑब्जर्व करोगे ना बेटा समाइनल वेसिकल यही कहीं कर है ये मशरूम ग्लैंड के आसपास यही पे होती है मैंने आपको बता दिया पहले यहीं तक का फीमेल का पार्ट बेटा कवर करते हैं यहीं तक का बेटा फीमेल का पार्ट का कवर करते हैं फीमेल में ओविडक्ट वन पेयर वन पेयर कैरीज दी कैरीज दी एग फ्रम ओवरी और वेजाइना जिसको हम कॉमन ओवीडाट भी बोलते हैं वेजाइना जिसको हम कॉमन ओवीडा भी बोलते हैं जैसे हमने उसके केस में बैस डिफरेंस को फ्यूज किया तो यहां पे हम बोथ ओविडक्ट, बोथ ओविडक्ट, फ्यूजेस टू फॉर्म फ्यूजेस टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट कॉमन ओविडक्ट जिसकी ओपनिंग को क्या बोलेंगे हुज ओपनिंग इज कॉल्ड हुज ओपनिंग इज कॉल्ड फीमेल गोनोपोर वहां मेल गोनोपोर था यहां फीमेल गोनोपोर है तीन तीन पार्ट्स तो बेटा हमने कंपेयर कर लिए अब जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसे हम अलग से करेंगे अब जो बचे हुए पार्ट है बेटा उसको हम अलग से करेंगे ठीक है यस अब बेटा इस डायग्राम में वापस आओ

एंड स्मॉल टिब्यूल्स आउटसाइड इसका सिक्रेशन जो होता है बेटा नरिशमेंट करता है डेवलपिंग स्पॉर्म की and इसको utricular gland भी बोलते हैं और ये सिक्स सेवेंथ एबडोम सेगमेंट में प्रेजेंट होता है ये एनसीआरटी में दिया हुआ है मशरूम ग्लैंड ऑल्सो नोन हैज स्म टिब्यूल्स इन साइड लॉन्ग आउटसाइड नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पॉम्स हम कह सकते हैं ठीक है और इसी के ऊपर बेटा यहां पे प्रेजेंट है अनदर ग्लैंड बेटा एक्चुअली में ये जो स्पर्मेटोफोर बनता है ना ग्लूइंग ऑफ द स्पॉम्स से इसके अराउंड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स बनती है लेयर्स बनती है जो यही लोग सिक्रीट करते हैं बट एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है ठीक है तो ये आपका क्या है बेटा फैलिक ग्लैंड दिस इज द फैलिक ग्लैंड इसे कॉनग्लोबलेट ग्लैंड भी बोलते हैं फैलिक ग्लैंड या कॉन ग्लोबेट ग्लैंड और ये है बेटा लॉन्ग ट्रिब्यूल्स लॉन्ग ट्रिब्यूल्स ऑफ मशरूम ग्लैंड हरे वाले हैं बेटा शॉर्ट ट्रिब्यूल्स ऑफ मशरूम ग्लैंड एंड ग्लैंड को मैं वहीं पे लिख दूंगी यहां जगह नहीं है मशरूम का दूसरा नाम होता है यूट्रिकुलर ग्लैंड समस्या कोई दुग्धर समस्या इसको लिखें इसको लिखें यहां जेनाइटल पाउच तो बेटा सेम मेल जेनाइटल पाउच मैं रिपीट नहीं कर रही हूं ये हमने मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी कर लिया है हमें वापस से लिखने की जरूरत नहीं है पर मैं आपको यहां डायग्राम में दिखा दूंगी कि मेल जेनाइटल पाउच के अंदर मेल गोनोपोर की ओपनिंग होती है एनस की ओपनिंग होती है डॉर्सल एनस वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड इनके कुछ हार्ड काइटीनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें गोनापो बोलते हैं डायग्राम में दिखा दूंगी बट इट इज रिटर्न इन द मॉर्फोलॉजी वापस से बेटा कम लिखने की जरूरत नहीं है वापस से पोथिया मत बनाओ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ नाइन एंड टेंथ टर्गम विद एलोंग स्टर्नम लिख चुके हो मशरूम लैंड के बारे में लिखोगे ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज यूट्रीक्यूलर ग्लैंड और बेटा इसके टिब्यूल्स के बारे में हम डायग्राम में लिख चुके हैं और आप लिख लो प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इन सिक्स्थ सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट ये एनसीआरटी में दिया है

लोकेशन में दिया है लोकेशन जरूर जरूर याद रखना है इट इज लोकेटेड बेटा ऊपर की तरफ ना फिफ्थ सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है मतलब इसकी लोकेशन अगर सेगमेंट वाइज देखोगे तो ये फिफ्थ सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है बट आई थिंक इट इज नॉट गिवन इन एनसीआरटी ठीक है यस और लास्ट बेटा जो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं हमने जो मेल में भी होते हैं फीमेल में भी होते हैं gonapo, इसी, तो इसी से रिलेटेड है डिटेलिंग एनसीआरटी में दिया नहीं आ, मैं क्या बता रही थी बेटा हार्ड काइटिन के बने हुए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर जो बाहर से भी विजिबल होते हैं और मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं

अभी मैं टी के डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ ठीक है देखो एक बार ही बेटा इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो मेल कॉकरोच बेटा खत्म है देखो ये हमने क्या बोला टेस्टिस ये हमने बोला बेटा फैलिक ग्लैंड ये हमने स्मॉल लॉन्ग टिब्यूल, टिब्यूल किसके लिखे हैं बेटा मशरूम ग्लैंड के ये हमने बनाया हुआ कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट आप सोच रहे होंगे ये वाली डक्ट किसकी है ये फैलिक ग्लैंड की डक्ट होती है ये डक्ट जो होती है फैलिक ग्लैंड की बेटा डक्ट होती है ठीक है तो मशरूम ग्लैंड हो गया फिर यहीं पे वेसिकल है, sperm, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये तो सरकाई है और मेल कॉकरोच में होती है मैं लिखवाऊंगी अभी आपको और डिस्टिंग फीचर होती है एक मेल और फीमेल कॉकरोच के बीच में लेकिन इसके अलावा मैम आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना लेफ्ट फैलोमियर राइट फैलोमियर वेंट्रल फैलोमियर ये जो आपको हार्ड हार्ड कॉकरोच के बाहर से ही नजर आएंगे बेटा और ये जो टिटीलेटर है ये ड्यूरिंग द कॉप्यूलेशन हेल्प करता है एनसीआर ने लिखा नहीं हुआ इसके बारे में बट ये टिटीलेटर क्योंकि कॉकरोच के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है बॉडी के अंदर स्पॉम्स रिलीज होते हैं तो ये टिटिलेटर फीमेल में हेल्प करता है बेटा इसी कॉप्युलेशन के दौरान और ये जो लेफ्ट फैलोमियर है राइट right फैलोमियर है वेंट्रल फैलोमियर ये एक्सटर्नल हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें गोनापोफाइसिस बोलते हैं जो अराउंड द मेल गोनोपोर मेल गोनोपोर को सराउंड करता है फीमेल मेल जेनाइटल पाउच के अंदर आपको मेल गोनोपोर की ओपनिंग दिखती है जो आपके इजैक्यूलेटरी डक्ट का ओपनिंग है आपको ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिखती है दिस इज द फैलोमियर ये जेनाइटल पाउच में आपको दिखते हैं एंड आपको डॉर्सल एनर्स दिखता है बट फीमेल के केस में जरा ध्यान दो बेटा फीमेल के अंदर के आपको निकला Oviduct. Oviduct करके common Oviduct. Common Oviduct आप बोलते हैं इसकी ओपनिंग को आपने क्या बोला बेटा फीमेल अब बेटा ध्यान देना सभी लोगों का तो एक दिल बना दो बेटा बस लास्ट 15 मिनट्स लास्ट 15 मिनट्स बेटा एक बारी जल्दी से दिल बना दो और बता दो अटेंशन है सभी का यहां पे ऐसे करके एक जेनाइटल 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 पाउच 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 बना रखा है है फीमेल के केस में दिस इज द का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना बेटा देखो आखिरी आखिरी के केस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रही हूं अगर आप अटेंशन से नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा बेटा अटेंशन से सुनो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं ये जो मैंने बेटा एप्पल के जैसा बना दिया है ना ये स्ट्रक्चर ये वाला ऊपर का हिस्सा होता है जेनाइटल चेम्बर और ये नीचे वाला जो बेटा हिस्सा होता है इसे बोलते हैं वेस्टिब्यूलम समझना ध्यान से बेटा जो ये जेनाइटल चेम्बर और वेस्टिब्यूलम है ये मिलके बनाते हैं जेनाइटल पाउच ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा जेनाइटल पाउच ऊपर वाले हिस्से को बोलते हो जेनाइटल चेम्बर नीचे वाले हिस्से को बोलते हो वेस्टिब्यूलम तो ये जेनाइटल पाउच किसके फ्यूजन ओपनिंग दिखती है आपको मेल गोनोपोर दिख रहा है मेल गोनोपोर बेटा इसी ओपनिंग को बोलते हैं ना मेल गोनोपोर इसके अलावा आपको किसकी ओपनिंग दिखती है ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं स्पर्मा थीके आपने ये लिखा हुआ ऑलरेडी लिखने की जरूरत नहीं है स्पर्मा थीके जैसे स्पर्माथी का वर्ड यूज होता है ना बच्चों को लगता है अरे ये स्पर्मा थी मेल मेल स्पर्म मेल से रिलेटेड है ना फीमेल में कैसे आ गया बेटा को इसीलिए बोला है पहली बात तो ये स्पर्मैटोफोर नहीं है स्पर्म्स की ग्लूइंग ग्लूइंग को बोलते हैं ऑफ द स्पर्म जो सेमाइनल वेसिकल में होती है स्पर्माथीके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है पेयर्ड होती है पेयर्ड क्यों क्योंकि एक फिलामेंट जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक झोले जैसा सैक लाइक -like दिख रहा है

फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है होता है और ये देखो स्पर्मा का ओपनिंग में, में लिखा हुआ है ठीक है इसकी ओपनिंग भी आपको जेनाइटल पाउच में दिखती है और ऊपर की तरफ दिखती है जेनाइटल पाउच का ऊपर वाला हिस्सा जेनाइटल चेंबर नीचे वाला हिस्सा वेस्टिबुलम ठीक है इसका फंक्शन बता दिया लास्ट एक ग्लैंड का फंक्शन बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बेटा कोलेट्रियल ग्लैंड ऐसे ना पेड़ जैसे ब्रांच आपको कोलेट्रियल ग्लैंड दिखते हैं ब्रांच आपको बेटा कोलेट्रियल ग्लैंड दिखते हैं लेफ्ट और राइट कोलेट्रियल ग्लैंड लेफ्ट और राइट कोलेट्रियल ग्लैंड ऐसे लग रहा है टहनी जैसा आप देखो मैं आपको डायग्राम में एनसीआरटी वाले में भी दिखाऊंगी ये जो मैंने बनाया बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है फीमेल का कोलेट्रियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बेटा कोलेट्रियल ग्लैंड क्या काम होता है पता है बेटा अभी मैं आपको काम बताती हूं पहले मैं लिखवा देती हूं फिर मैं आपको काम बताती हूं पहले मैं लिखवा देती हूं फिर मैं आपको काम बताती हूं ठीक है चलो कोलेट्रियल ग्लैंड कोलेट्रियल ग्लैंड लेफ्ट एंड राइट कोलेट्रियल ग्लैंड लेफ्ट एंड राइट कोलेट्रियल ग्लैंड इसकी भी ओपनिंग आपको जेनाइटल पाउच में दिख रही है यही आपने लिखा था देखो ये पेड़ जैसा है थोड़ा लेफ्ट वाला ज्यादा डेवलप्ड है राइट वाला थोड़ा कम डेवलप्ड है और यह कोलेट्रियल की ओपनिंग भी पाउच में दिख रही है कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग फीमेल गोनोपोर की भी पोर में दिख रही है की भी ओपनिंग आपको जेनाइटल चेंबर में दिख रही है यही चीज तो मैंने आपको बोला था जिहान बेटा इसका फंक्शन मैं आपको बताती हूँ आप मुझे बताओ बेटा मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया कि नहीं मैंने आपको बताया था ना कि मैं दिखाऊंगी आपको जेनाइटल पाउच के अंदर स्पर्माथीकल की ओपनिंग दिखी कोलेट्रियल ग्लैंड की भी ओपनिंग दिखी और आपको बेटा कॉमन ओविडक्ट की भी ओपनिंग दिखती है फीमेल गोनोपोर यस पोर फीमेल गोनोपोर एंड कोलेट्रियल ग्लैंड की ओपनिंग कोलेट्रल ग्लैंड आपको लेफ्ट और राइट दिखते हैं इसका जो सिक्रीशन होता है इसको तो स्टार मार्क करो बेटा देयर सिक्रीशन फॉर्म्स देयर सिक्रीशन फॉर्म्स हार्ड कवरिंग अराउंड हार्ड कवरिंग अराउंड हार्ड कवरिंग अराउंड फोर्टिलाइज एग्स हार्ड कवरिंग अराउंड फोर्टिलाइज एग्स नोन एज उ नोन एज उ बेटा जरा ध्यान देना मैंने तीन शब्द बताए स्पर मै थीके एंड स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर जो होता है स्पॉम्स के आपस में चिपकने को बोलते हैं ग्लोइंग ऑफ द स्पॉम जो कहा हो रहा होता है बेटा सेमाइनल वेसिकल के अंदर मैंने आपको बताया स्पर्मैथी के स्पर्मेटोफोर जो था वो ग्लोइंग ऑफ द स्पॉम था जो सेमाइनल वेसिकल में हो रहा था फिर मैंने आपको बताया स्पर्माथी जो फीमेल रिपोर्डक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट है जहां स्टोर होता है फीमेल की बॉडी के अंदर आने के बाद और अब मैं आपको बता रही हूं का का मतलब होता है है एग केस केस अंडे का कवर जैसे आप बेटा अंडा अंडा लेने जाते हो तो अंडा आपको केस के अंदर मिलता है ना अब बेटा देखो इनकी भी मां तो माँ होती है ना अभी मैं आपको बताऊंगी और हम सबकी माँ तो माँ होती है मुझे भी अपनी मम्मी की बड़ी याद आ रही है यार बात करते करते मम्मी की याद आ गई मैं भी मम्मी पापा से दूर रहती हूँ तभी तो फोन करके बेटा वो पूछते हैं हालचाल की पहुंचे नहीं अभी तक ऑफिस में हो है ना परेशान हो जाते हैं इसीलिए बड़ी प्यारी होती है यार मम्मिया तो कॉकरोच की भी मम्मी तो मम्मी होती है ना माँ का दिल तो माँ का ही होता है बेटा है ना तो वो देखो यार फर्टिलाइजेशन तो कॉकरोच की बॉडी के अंदर होता है स्पर्म अंदर चला गया ओवा के साथ फ्यूज हो गया एग बन गए फर्टिलाइज एग्स बेटा मैं इन एंडो की बात नहीं कर रही हूँ जो अन है मैं कह रही हूँ फर्टिलाइज हो चुका है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी है अब बेटा उसकी डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होनी है उसकी डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होनी है क्या मैं गर्म पानी मिल जाएगा डेवलपमेंट तो बेटा बॉडी के बाहर होनी है अब बेटा माँ सोचेगी कि अगर मैं अपने एग को बॉडी के बाहर ही रिलीज कर दूं तो भाई कौन प्रोटेक्ट करेगा इनको तो बेटा वो क्या करती है ना उसको एग केस के अंदर डाल देती है ताकि वो थोड़े से प्रोटेक्टेड रहे अब हमारे जैसा तो नहीं है ना कि बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है नाइन मंथ्स तक गेस्टेशन पीरियड है फिर बच्चा आया कॉन्ग्रेचुलेशन सपोला या सपोली हुई है फिर एंड कौन करेगा ठीक है यस मेरी बात समझ रहे हो तो ये उसको अपने ना प्रोटेक्शन के लिए ही क्या करती है ना अन एग्स को याद रखना है अनफर्टिलाइज एग्स फर्टिलाइज एग्स के ऊपर ही ना एग कवर बना देती है जिस डार्क ब्राउनिश रेडिश ब्राउनिश कवर को बेटा बोला जाता है उथिका मैं उ की प्रॉपर्टी अभी बताऊंगी यस यस एवरीबॉडी ऊ थीका बोलते हैं इसको हाँ बस अब पंद्रह मिनट की बात है उथिका बोलते हैं बेटा एग केस और उस ऊथिका को किसने बनाया बेटा कोलेट्रियल ग्लैंड तो सारी माओ को बेटा आप देखो माँ तो माँ होती है तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ है ना आई मीन इट बेटा आई लव माई मम्मा माँ की बड़ी याद आती है मेरे को अब मैं घर जाऊंगी बेटा मेरे को खुद ही खाना बनाना पड़ेगा ना, ना? कहोगे अच्छा मैम सिर्फ खाना बनाने के लिए मम्मी को याद करते हो अरे आई ऑल्सो लव टू कुक आई एम अ ब्रिलियंट कुक ठीक है आई एम ब्रिलियंट बेटा फीमेल पाउच देखो सेम मॉर्फोलॉजी में लिखा हुआ है वापस से आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि स्टर्नम से fused है किस किस चीज की ओपनिंग है हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है धन्यवाद भैया ऑलरेडी लिखा हुआ है यस yes? चलो स्पर्मा थी की क्या बात करेंगे बेटा लोकेटेड इन द सिक्स सेगमेंट लोकेशन इन द सिक्स सेगमेंट हम अपने सफर की बेटा आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं ऐसा सा होता है पेयर्ड देखो ऐसा सा होता है पेयर्ड है ना पेयर्ड होता है एंड इसका काम क्या होता है स्टोर्स द स्पर्म ड्यूरिंग कॉप्युलेशन स्टोर स्पर्म ड्यूरिंग कॉप्युलेशन जब कॉप्युलेशन हुआ तो इसने बेटा स्पर्म को स्टोर किया ठीक है स्टोर द स्पर्म ड्यूरिंग कॉप्युलेशन ठीक है जी यस गोनापोफाइसिस बेटा अगेन सेम हार्ड जो आपको मेल में भी दिखते हैं फीमेल में भी दिखते हैं पर एक नोट डाल के बेटा हम क्या चीज लिखेंगे आप इसको कवर कर लो एक नोट डाल के हम क्या लिखेंगे मेल कॉकरोच विंग एक्सटेंड बियॉन्ड अब विंग एक्सटेंड बियॉन्ड एबडोमन एंड दूसरी बात बेटा हम क्या लिखेंगे एनल स्टाइल्स और एनल स्टाइल्स वैसे बेटा नाइन्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं और जो एनल uh, स्टाइल्स को कॉर्डल स्टाइल्स भी बोलते हैं कॉर्डल मतलब टेल टेल पूछ कॉडा है ना और uh, जो एनल सरकाई होता है वो मेल फीमेल दोनों में है और एनल स्टाइल्स ओनली मेल में है नाइन सेगमेंट ओनली इन मेल ओनली इन मेल दैट इज अ सेक्सुअल सेक्शुअल जो कॉकरोच होता है कॉकरोच को बेटा अभी एक वर्ड यूज किया होगा कॉकरोच इज डायोशियस एनसीआरटी में एक वर्ड लिखा है हालांकि एनिमल किंगडम में मैं आपको बताऊंगी डायोशियस का मतलब बेटा वही होता है यूनिसेक्सुअल यानी कि एक मेल कॉकरोच को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो फीमेल कॉकरोच से ठीक है जी यस yes, बार Yes, everybody. Done and done and done. Done and done and done. Bus fertilization development, जो ऑलमोस्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है, मैम क्योंकि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है. और जब मैम बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो अंडे जो बनते हैं ना उस अंडे के ऊपर मैम एक कवरिंग बन जाती है एग केस जिसे बोलते हैं उथी डार्क ब्राउन कलर की कवरिंग होती है जिसके अंदर फर्टिलाइज एग्स होते हैं मैम दो रोज में अब इसके बारे में एनसीआरटी ने कुछ जानकारी दी है एनसीआरटी कहती है कि ऊ थीका की जो लेंथ है मैम दैट इज अप्रोक्सिमेटली इट इज एट एम एम लॉन्ग ऊ थीका दिस इज कॉल्ड एज बेटा एग केस या एग कवर एग केस या एग कवर और इसके अंदर जो और, और 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 इसको किसने सिक्रीट किया बेटा इसको कोलेट्रियल ग्लैंड ने किया ठीक है और इसके अंदर बेटा अरे भाई इसके अंदर बेटा फर्टिलाइज एग्स प्रेजेंट इन टू रोज इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स बेटा और फर्टिलाइज एग्स कैसे प्रेजेंट है इन टू रोज ये याद रखना है बेटा और कितने फर्टिलाइज एग्स अब बेटा ध्यान से सुनो अब बेटा ध्यान से सुनो मैंने बोला एक उथी की जो लेंथ होती है वो 8 एम mm लॉन्ग है डार्क रेडिश ब्राउनिश कवर है ये उथीका को एक केस बोलते हैं किसने सिक्रीट किया बेटा कोलेट्रियल ग्लैंड ने सिक्रीट किया क्या है उसके अंदर फर्टिलाइज एग्स है कितने रोज में प्रेजेंट है दो रोज में चौदह से सोलह फर्टिलाइज एग्स होते हैं बेटा एक उथीका के अंदर चौदह से सोलह फर्टिलाइज एग्स होते हैं एक उथीका के अंदर एंड एट वन टाइम एट वन टाइम बेटा आपका जो कॉक्रोच है वो नौ से दस ऊथी का रिलीज करता है एक समय पे, एक समय पे बेटा आपका जो कॉक्रोच है वो नौ से दस ऊथी का बेटा रिलीज करता है एट अ टाइम और एक ऊथी का के अंदर मैम चौदह से सोलह फर्टिलाइज बेटा इसके डेटा को उल्टा मत कर देना अगर इस डेटा को उल्टा कर दिया तो फिर बेटा मार्क्स भी उल्टे आ जाएंगे ना माइनस वन आ जाएगा येबॉडी yes तो चौदह से सोलह ही नहीं आठ ओवेरियोल आठ ओवेरियोलहडे होगा ठीक है अब बेटा ये इसको ना ऐसी जगह पे रिलीज करती है थोड़ी सी क्रैक्स वगैरह में क्रिवाइसिस में थोड़ी डैम्प कंडीशन में मॉइस कंडीशन में रिलीज करती है ताकि ड्राई ना हो है ना और अब मैं आपको जो डेवलपमेंट बताऊंगी कॉकरोच का डेवलपमेंट कैसे होता है कॉकरोच का डेवलपमेंट बेटा जरा देखना अगर आप इसका डेवलपमेंट देखोगे तो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है इनमें एग होता है एग से बनता है बेटा बेटा निम्फ 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 का मतलब होता है 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 बेबी कॉकरोच लार्वा नहीं है बेटा, निम्फ है। और निम्फ से बनता है बेटा एडल्ट कॉकरोच अगर तुम बेबी कॉकरोच और एडल्ट कॉकरोच को देखोगे ना बेटा तो शक्ल सूरत इनकी सेम है इनकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है कुछ कुछ डिफरेंसेस है जो मैं आपको बताऊंगी बेबी कॉकरोच है और एक बड़ा कॉकरोच है एक बेबी कॉकरोच है एक बड़ा कॉकरोच है और निम्फ बेटा थर्टीन टाइम्स मोल्टिंग करता है तेरा बार मोल्टिंग का मतलब एक्सोस्केलेटन को शेड करना जैसे आप छोटे होते हो तो आपके जो कपड़े हैं जैसे आप बड़े होते जाते हो तो वो कपड़े आपको फिट नहीं आते ना फिर आप उनको त्याग देते हो नए कपड़े पहनते हो फिर वो फिट नहीं आते फिर बेटा एक टाइम के बाद तो कॉन्स्टेंट हो जाओगे बट वैसे ही बेटा इनके भी जैसे-जैसे ग्रो करेंगे तो ये उनके एक्सोस्केलेटन से बेटा उन फिट नहीं आएंगे एक्सोस्केलेटन से तो ये 13 बार बेटा मोल्टिंग करते हैं तब जाके ये एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं कॉकरोच को बोला जाता है पोरो मेटाबॉल्स टाइप ऑफ इंसेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है इनको पोरो मेटाबॉल्स टाइप ऑफ इंसेक्ट क्यों बोलते हैं या इनकी डेवलपमेंट को टाबोलस डेवलपमेंट क्यों बोलते हैं आप अगर इनके निम्फ को देखोगे और इनके एडल्ट को देखोगे इनका मोड ऑफ लाइफ सेम है इनका जीवन का जीवन यापन बेटा सब सेम है इनका जीवन यापन सब सेम है बेटा मतलब कि खाना पीना सब सेम है रहन सहन सब सेम है लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है बेटा उसमें थोड़े से डिफरेंसेस है अगर आप निम्फ को देखोगे तो इसके पास बेटा विंग्स नहीं होती नो विंग्स पर जो एडल्ट होती है इट हैज विंग्स देखो पोरोमेटापोरिस डेवलपमेंट आप तब बोलते हैं जब निम्फ एंड एडल्ट निम्फ एंड एडल्ट हैज सिमिलर मोड ऑफ लाइफ बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एक तरीके का जीवन यापन है मोड ऑफ लाइफ सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं एक के पास विंग्स हैं एक के पास विंग्स नहीं है और ग्रेजुअल मेटामोर्फोसिस है बेटा धीरे धीरे ग्रेजुअल मेटामोर्फोसिस ग्रेजुअल धीरे धीरे मेटामोर्फोसिस करती है ठीक है एक लास्ट चीज लिख लेते हैं नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स जहां से विंग्स निकलेगी नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फल स्टेज हैज विंग पैड हैज विंग पैड्स नेक्स्ट टू लास्ट निज है ठीक है मैनी स्पीशीज ऑफ कॉक्रोचेज वाइल्ड नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अफ्यू स्पीशीज थ्राइव इन एंड अराउंड इन ह्यूमन हैबिटेट कुछ होते हैं जो ह्यूमन के आसपास घूमते हैं पेस्ट होते हैं खतरनाक होते हैं क्योंकि वो हमारे खाने को डैमेज करते हैं उसको गंदगी मचाते हैं कंटेमिनेट करते हैं विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा ठीक है दे कैन ट्रांसमिट अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाई कंटेमिनेटिंग फूड मटीरियल तो यार ये किसी काम के नहीं है भाई हम्म गंदगी मचाएंगे अब आप क्या तैयार हैं बेटा पीवाई क्यूज के लिए हमने सक्सेसफुली बेटा कई बच्चों ने शुरुआत से लेके एंड तक हार नहीं मानी और यहां तक बने रहे थर्टीन टाइम्स बेटा मोल्टिंग करा तब जाके निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट हुआ पोरो पॉरोस इंसेक्ट ऊथी का प्रेजेंट होती है एक बारी में नौ से दस का एक ऊथी का के अंदर बेटा चौदह से सोलह फर्टिलाइजर एग्स क्या आप सब मेरे प्यारे प्यारे मोल्टिंग मतलब बेटा वही एग्जोस्लिटन मेटामोसिस कर रही है ना अपनी एक्सोस्केलेटन से बाहर आ रही है चेंज कर रही है इनकी जो मेटामॉर्फोसिस होती है मॉर्फोलॉजी में जो चेंज आ रहा है शकल सूरज जो बदलाव आ रही है मेटामॉर्फोसिस बेटा नंबर जरूर अपने आप को देने हैं और मुझे लेक्चर जब खत्म होगा मुझे कमेंट्स में चाहिए आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा कैसा समझ में आया और क्लास में कितना याद हुआ ठीक है चलो भैया पीवाईक्यूज करते हैं कॉकरोच से रिलेटेड साल हुआ है, I'm sure आपको जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है आप आई एम श्योर बेटाओगे प्योरली एनसीआर की एक, एक चीज बेटा हम कवर कर चुके हैं चलिए बहुत से क्वेश्चन है पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा नीट 2023 का पहला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द cockroach रिगार्डिंग sexual dimorphism आप कौन से फीचर को यूज करते हो बेटा सेक्सुअल डाइमोर्फिजम के लिए कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो मेल और फीमेल कॉकरोच को, को तो बेटा स्क्लेराइट की प्रेजेंस एब्सेंस एनल सरकाई की प्रेजेंस एब्सेंस कलर की या एनल स्टाइल्स बेटा रिपीट भी हुआ क्वेश्चन और आप क्वेश्चन का लेवल देख लेना फुल नंबर आएंगे अभी आपके फुल प्लस फोर दे दे सभी बाढ़ी चलिए अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर टू टी 2023 इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय किससे एक्सक्रीशन होता है जल्दी 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 फैलिक ग्लैंड यूरिकोस ग्लैंड नेफ्रोसाइट्स फैट बॉडीज कोलेट्रियल ग्लैंड बिल्कुल टू द पॉइंट अभी अभी नोट्स में पढ़ा है अभी अभी पढ़ा है जस्ट बी, सी, दी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन अगर 2023 में पेपर दिए होते लपक लेते बेटा आप ये आठ नंबर और हम बेटा बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो है नीट 2022 का टेगमिना इन द कॉक्रोच अराइजेस फ्रॉम टेगमिना यानी कि फोर विंग टेगमिना यानी कि फोर विंग फोर विंग यानी कि टेगमिना टेगमिना यानी कि फोर विंग इट अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरैक्स टेगमिना एलेक्ट्रा फोर विंग्स प्लस फोर दे दे यस एवरीबॉडी यस एवरीबॉडी अरे टेगमिना प्रोथोरैक्स काहे कह रहे हो ए कौन कह रहा है ए कौन कह रहा है पिटाई लगेगी चलो अगला क्वेश्चन बेटा 2020 एक क्वेश्चन टाइप नहीं किया है मुझे लग रहा है बीच में चलो इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज क्योंकि अगर कॉकरोच के सर को काट दिया जाए तो भी वो जिंदा रह सकता है कुछ समय के लिए क्योंकि कॉकरोच के पास नर्वस सिस्टम ही नहीं होता या फिर हेड होल्ड प्रपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम सिस्टम वाइल द रेस्ट इज इज सिचुएटेड इन वेंट्रल पार्ट ऑफ द एबडोम क्या कारण है बेटा कारण है क्योंकि हेड के पास मैम बहुत ही छोटा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का रेस्ट ऑफ द बेटा पार्ट जो होता है आपके वेंट्रल साइड पे होता है जिसकी वजह से मैम ये भाई साहब इतना जबरदस्त तरीके से सरवाइव कर सकते हैं हमें मिल गया बेटा चार नंबर आपको भी मिले होंगे चार नंबर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर लगातार दो बार ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फोरगट ऑफ द कॉकरोच इन करेक्ट सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस में बेटा कॉकरोच के माउथ पार्ट्स को जरा बता दो माउथ लीड्स टू क्रॉप माउथ लीड्स टू गिजर्ड माउथ लीड्स टू एकदम मक्खन क्लियर हो जाएगी बेटा क्योंकि हमने एक एक लाइन एनसीआर की कवर करी है सिंगल एक डाउट भी तुम्हारा नहीं रहेगा अगर तुम इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो करो नॉट इवन अल डाउट दैट आई कैन फ्रॉमिस यू ठीक है अगला क्वेश्चन बेटा मैच द फॉलोइंग ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल सीक्रेटिंग द गैस्ट्रिक जूस

और एनल सरकाई आपकी टेंथ सेगमेंट में प्रेजेंट होती है फोर्थ का हो गया टू हमें मिल गया चार नंबर है ना चलिए अगला सवाल अगला सवाल रिपीटेड क्वेश्चन क्या चाहिए और अगर 2019 और 2020 में ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आए तो ये तो मुफ्त का नंबर है ना बेटा ये तो मुफ्त का नंबर है हम्म फैरिंग सीसोवेगा गिजर्ड इलियम कोलॉन विक्टम और आंसर भी है ऑप्शन वन वाह वाह प्लस फोर देखो बन गए ना प्रो एकदम वे चौदह फॉलोइंग फीचर अगेन बेटा रिपीटेड क्वेश्चन 2023 एंड 2018 देखो रिपीटेड क्वेश्चन कौन कहता है रिपीट नहीं होता कौन कहता है आज बेटा रिपीट नहीं होता देखो क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर है प्रेजेंस ऑफ एनल सरकाई प्रेजेंस ऑफ डार्क टेगमिना बोर्ड शेप स्टर्नम नहीं मेल को फीमेल से डिफ्रेंशिएट करता है प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल या एनल स्टाइल प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल या एनल स्टाइल ये डिफ्रेंशिएट करता है बोट शेप स्टर्नम नाइन्थ एबडोमिनल सेगमेंट तो कतई नहीं होती है नलाय को जो ए आंसर दे रहा है पिटाई लगेगी जो ए आंसर दे रहा है ठीक है पहली बात तो वो फीमेल का फीमेल को मेल से डिफ्रेंशिएट करना है तो फीमेल में सेवन स्टर्नम जो होती है वो बोट शेप होती है नाइन्थ में क्या है कॉर्डल स्टाइल इज द एनल स्टाइल प्लस फोर और आखिरी सवाल बेटा आप लोगों के लिए रहा ये शगुन मत करिएगा बेटा जल्दी से सॉल्व करिएगा मेल कॉकरोच में स्पर्म कहां स्टोर होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस डिफरेंस वेसिकल या मशरूम ग्लैंड आंसर दे देते हैं बेटा समाइनल वेसिकल देते हैं आप लोगों को प्लस फोर और मुझे भी प्लस फोर और बेटा हम करते हैं क्लास की समाप्ति बिग स्माइल बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप लोगों का जितने भी लोग मेरे साथ लास्ट तक जुड़े हुए रहे बहुत बहुत थैंक यू ऑफ लव। आई होप आप लोगों को लेक्चर बढ़िया लगा होगा बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा ठीक है एंड कमेंट्स uh, में मुझे जरूर बताना यू एंजॉय दिस सेशन हमने एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू के साथ में कॉकरोच फ्रॉग बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया है एक एक चीज को बेटा हमने क्लियर क्लियर uh, तरीके से पढ़ा है hmm. अब मैं आपको छोटा सा गाना सुना देती हूँ मोटिवेटिंग गाना तो मैंने आपको बीच में सुनाई दे दी सुनाई दिया था अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा गाना सुना देती हूँ जो मुझे पुराने गाने याद आ रहे हैं बेटा और फिर मैं बाय बाय टाटा करती हूँ ठीक है चलो हम गाना सुनने के लिए व्यक्ति आ चुके हैं हमारे साथ <laughs> हमेशा जुड़ जाते हैं हमारे साथ हमारी ऑडियंस ठीक है रही ना रही हम ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट वीक तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए ऑल दी वेरी बेस्ट बाय बाय